नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल हैं आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा हम भी बहुत ही बहुत बढ़िया हैं प्रेम से बोलेंगे राधे, राधे राधे चले ऑडियो वीडियो ठीक ठाक आ रहा है तो मुझे बताइए जो बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या जो आई मीन टू से रखो जो यूट्यूब पर हैं या जो हमारी एप्लीकेशन पर हैं दोनों मुझे बताएं सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है और ये क्लास दो यूट्यूब चैनल पर चल रही है एल्डाइन और एक मेरा सी राजकुमार तो दोनों चैनल पर ठीक ठाक है या नहीं आप मुझे बताइएगा हम आदमी को ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं क्या हैं ऐसा है क्या <laughs> जी यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर तो चल बच्चा हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कल हमने क्या क्या गुल खिलाए थे उन बातों पर एक नजर डालते हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हमने देखा था इसमें कि भाई आखिरकार टैक्स क्यों लगाया जाता है तो समझ में आया कि भाई हमारी सबकी अपनी कुछ पर्सनल नीड्स होती हैं उन्हें तो हम अपने-अपने सब पूरा कर रहे हैं लेकिन हम सबकी 140 करोड़ लोगों की कुछ एक कॉमन नीड्स भी होती हैं तो उनको पूरा करने के लिए उनका जो हेड बना हुआ है वो है सरकार और सरकार को चाहिए पैसा और पैसा पाने के लिए सरकार हम लोगों से ही एक छोटा सा बाइट काट कर ले लेती है और उस पैसे को इकट्ठा करके वो हमारे लिए ही इस्तेमाल कर देती है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट वो हमें वापस मिल जाता है ऐसा हमने यहां पर देखा था हमने ये भी देखा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है या जो जीएसटी है अपना ये एक बिजनेस टैक्स है मतलब यह कि जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा होगा सिर्फ उसी को यह टैक्स छुएगा जो बिजनेस नहीं कर रहा है सैलरीड पर्सन है उसे इस टैक्स से कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं है तो मैंने शुरुआत करी है बिजनेसमैन से सैलरीड पर्सन का मेरे यहां पर कोई काम नहीं है उसकी चर्चा इनकम टैक्स के अंदर करी जाती है तो यहां पर तो बात होगी सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन की तो बिजनेसमैन बिजनेस किस चीज का करता है या तो वो बिजनेस कर रहा होगा गुड्स का या फिर कर रहा होगा सर्विसेज का प्रेम से बोलेंगे राधे राधे बोल दिया करो राधे राधे ठीक है तो वहां पर आकर जो भी उसका सेल प्रोसीड्स आता है भाई गुड्स को बेचेगा तो जो भी सेल प्रोसीड्स आएगा या फिर सर्विसेज देगा तो जो भी उसकी रिसीट्स आएंगी तो उनके ग्रॉस वैल्यू के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करने का राइट दिया जाता है मान लीजिए मेरी फीस टेन थाउजेंड तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जी आप अपने कस्टमर से आप अपने क्लाइंट से ना अठारह परसेंट का जीएसटी कलेक्ट करके हमको दे देना हमने कहा ठीक है तो टेन थाउजेंड प्लस एक हजार आठ सौ रुपए ग्यारह हजार आठ सौ आपसे लूंगा आपसे लूंगा और अट्ठारह सौ रुपए गवर्नमेंट को मैं पे कर दूंगा तो ये वाला जो महीना है हमारा आ, अगस्त का जो महीना है ये बम्पर मंथ निकला है एडमिशंस के लिहाज से तो ऑब्वियस ही बात है मेरा अगले महीने की 20 तारीख जीएसटी का पेमेंट अगले महीने की 20 तारीख को होता है तो अगस्त के बाद सितंबर सितंबर को अच्छा खासा जीएसटी का अमाउंट जाने वाला है पर समस्या हो जाती है 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 कि आज जो भी फीस मेरे पास आ रही है, तो मुझे लगता सारा पैसा मेरा ही है यह मन मानता ही नहीं कि इसमें अठारह जीएसटी है भाई ये पूरा पैसा मेरा है और मैं लगा हो जाता उस पैसे से रोज बैंक बैलेंस चेक कर लेता हूं कि अच्छा आज मेरा इतना है आज इतना है लेकिन जब बीस तारीख को सीए का फोन आता है मेरे का कि साहब इतने लाख का आपको जीएसटी भरना है तो वहाँ भाई साहब बड़ा दिमाग खराब होता है तो हाफ डे लेता हूं, उस दिन दिन में जिस जीएसटी भरा जाता है मैं कह रहा आज दिमाग खराब है ठीक है ऐसे करके है और उसी चीज को बचाने के लोग अलग अलग तरह के जुगाड़ लगाते हैं क्योंकि ये सारा खेल मोहब्बत का हो जाता है तो यहाँ पर आकर सेल प्रोसीड्स आती है उसमें से जो जीएसटी कलेक्ट किया था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जो बच्चा कुचा वो हमारा मेरा पैसा है उसमें से मैं अपना जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के उनको माइनस करता हूं और जो बचता है वो मेरी इनकम कहती है वो हमारा प्रॉफिट कहा जाता है और उसी प्रॉफिट या इनकम के ऊपर हमें इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, राधे। अंकित हैं मोक्ष हैं कृतिका हैं और ऋषभ हैं आकाश है तो भाई मेरे आगे सुनिए जरा आगे क्या सर जी आगे इसमें यह निकल के आता है कि भाई चलिए जब इनकम आएगी तो उसके ऊपर इनकम टैक्स अपना लगा दिया जाता है फिर चर्चा निकल के आई कि आखिर टैक्स है क्या चीज तो हमने बताया था कि जो गवर्नमेंट हमसे ये बाइट बाइट ले रही है इस बाइट का नेचर ऐसे मांगना नहीं है अधिकार से छीनना है एक तरीके से तो लिखा गया कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट टू सपोर्ट द नेशन ऐसे करके यहां पर बात करी गई मालिक ठीक है जी फिर देखा कि भाई टैक्स कितने तरीके का होता है वैसे देखा जाए तो कोई भी चीज दो तरीके से हो सकती है एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट वो है कि जिसके ऊपर टैक्स लगा बेयर भी उसी ने ही करा झेला भी उसी ने जैसे कि इनकम टैक्स जब मुझे पे करना पड़ता है तो वो मांगने के लिए मैं आपके पास में नहीं आता हूं लेकिन जब बात जीएसटी की आई तो मैंने मेरी अपना रखा दस हजार रुपये अठारह सौ रुपये आपसे ले लिया तो लगा तो मेरे ऊपर था जीएसटी लेकिन बेयर आपको करना पड़ा है वैसे करके तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ टैक्सेशन की दुनिया में दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं एक होता है ओरिजिन ओरिजिन प्रिंसिपल 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 एक होता है destination principle. Origin principle मतलब होता है है डेस्टिनेशन का मतलब ये कि जहां से गुड्स का ओरिजिन हुआ है जहां से गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है टैक्स उस कंट्री को मिलेगा लेकिन ये वाला प्रिंसिपल वर्ल्ड वाइड और इंक्लूडिंग माई इंडिया एप्लीकेबल नहीं होता है क्या एप्लीकेबल होता है यहां पर सर जी यहां पर एप्लीकेबल होता है आपका डेस्टिनेशन प्रिंसिपल कि जहां पर भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं उस स्टेट या कंट्री को पैसा दिया जाता है अच्छा बताओ चलो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे जीके का क्वेश्चन है कि हमारे कंट्री के अंदर कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं क्या दिल्ली एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है क्या दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह ये सब है ये सर नो बोलो आप ही बुला करो आंसर इज नो दिल्ली एक कंज्यूमिंग स्टेट है क्या ये तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरा, क्या ये आपके मैन्युफैक्चरिंग स्टेट yes, yes. yes. ये मैन्युफैक्चरिंग है यहां से माल बनकर दिल्ली आता है तो कई सारे स्टेट आपके मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है और कई सारे स्टेट आपके कंज्यूमिंग स्टेट है जैसे कि दिल्ली है तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के मुताबिक मुझे बताइए जब दिल्ली वाला बद्दा अपने सपोज कीजिए महाराष्ट्र से गुड्स परचेज करके लाता है तो उसमें जो टैक्स बना वो टैक्स का बेनिफिट कौन ले जाएगा दिल्ली सरकार या महाराष्ट्र सरकार दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली सरकार दिल्ली तो, दिल्ली तो दिल्ली कहने का मतलब ये है जरा बात समझ में आ जाए तो बोलिएगा वाह वाह कि किसी भी स्टेट की प्रोग्रेस किसी भी स्टेट की तरक्की इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वहां कमाने वाले कितने हैं बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वहां खाने वाले कितने हैं जो जितना बड़ा कंज्यूमिंग स्टेट होगा उसकी सरकार को उतना ज्यादा टैक्स की कलेक्शन होगी एम आई राइट right? हां बोलो हां हा yes. दिल्ली कंज्यूमिंग स्टेट है तो यहां पर जो भी माल आ रहा है बाहर से आ रहा है तो डेस्टिनेशन चूंकि गुड्स और सर्विसेज का यहां पर है इसलिए यहां की सरकार को अधिकतम पैसा दिया जाता है ठीक यस सर अब ये हमारी बात यहां पर हो गई थी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को लेकर एंड उसके बाद हमने क्रेडिट कॉन्सेप्ट देखा था उसमें हमने ये पाया कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट से ही हमारी चर्चा शुरू हो जाती है और हर स्टेज पर टैक्स लगाया जा रहा है क्या कर रहे हैं हर स्टेज पर टैक्स लगाया जा रहा है पहली स्टेज पे टैक्स लगा फिर क्रेडिट दे दिया फिर टैक्स लगा फिर क्रेडिट दे दिया फिर टैक्स लगा फिर क्रेडिट दे, दे दिया अच्छा एक बात पूछू मैं आपसे बताइएगा जरा एक काम की बात आपसे पूछ रहे हैं कि यहां पर ये ए है ये बी है ये सी है और ये यहां पर डी है ठीक है तो यहां पर ये है आपका एंड यूजर ये एंड यूजर है तो जब सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है कैसी है रजिस्टर्ड ये भी अपने आप में एक बिजनेसमैन है रजिस्टर्ड है ये भी यहां पर आकर अपना आ, रजिस्टर्ड ही है ये रजिस्टर्ड नहीं होगा जीएसटी के अंदर क्योंकि ये तो आम कंज्यूमर आदमी है ये फैक्ट्री वाला है ये भी अपना रजिस्टर्ड आदमी ही है ठीक अब यहां पर जो टैक्स लगा वो सरकार को पे किया गया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने तुरंत सामने वाले को उतना क्रेडिट दे दिया कि ठीक है भैया इतना पैसा तू कम पे कर देना तो प्रैक्टिकली सरकार को यहां पर कुछ मिला क्या यस और नो बताइए सरकार को यहां पैसा दिया गया और सरकार ने क्रेडिट के रूप में वो पैसा इसको वापस कर दिया कि चल तू इतना पैसा कम दे दे तो क्या प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को कुछ मिला या नहीं मिला ये सर नो मैं आपको यहां पर आपने मुझे कैश दिया और मैंने आपको उतने अमाउंट का चेक दे दिया तो क्या प्रैक्टिकली मुझे कुछ मिला ये सर नो नहीं, yes no? नहीं प्रैक्टिकली मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि सरकार को कैश जरूर दिख रहा होगा गवर्नमेंट के जेब में लेकिन वो उन्होंने क्रेडिट के रूप में वापस कर दिया है कल हमने अला स्टेशन भी देखा था पहली स्टेज पर अठारह रुपए गए थे तो ऊपर गए और पर आकर उतने का सामने वाली पार्टी को अवेलेबल करा दिया फिर पैसा गया फिर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया फिर पैसा गया फिर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया गया ये सरकार के पास पैसा रुकता कब है जाकर जब सामने वाला व्यक्ति क्रेडिट लेना बंद कर देता है और सामने वाला व्यक्ति क्रेडिट लेना कब बंद करता है जब वो व्यक्ति उसका एंड यूजर होता है उसका अल्टीमेट कंज्यूमर होता है इज इट फाइन तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को रेवेन्यू वहां मिलता है जहां पर कि क्रेडिट का जो सिलसिला है ये खत्म हो जाता है एक बात ध्यान से और सुनना सरकार जब जब जीएसटी लगाती है जिस जिस ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाती है उसके दो मकसद होते हैं दो में से कोई एक जरूर पूरा होना चाहिए या तो या तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल मिलना चाहिए ये जो पूरी चेन बनी थी कल हमने देखी थी डेमो के माध्यम से भी देखी थी चेन हमने तो गवर्नमेंट ने क्या किया अट्ठारह रुपए इसने यहां पर पे किए इसने सामने वाले को क्रेडिट दे दिया तो प्रैक्टिकली इसको रेवेन्यू कुछ मिला ही नहीं फिर पेमेंट किया फिर क्रेडिट दे दिया फिर किया फिर दे दिया तो सरकार ये कर क्यों रही थी? इससे तो बेटर ये था कि आखिरी स्टेज पे सीधा सीधा इस पांच लाख के ऊपर जीएसटी लगा देते और जितना भी पैसा बनता वो इकट्ठा वहां पर अवेलेबल हो जाता तो सरकार ने बीच में इतना बड़ा नाटक क्यों किया था उससे सरकार को क्या मिला कंट्रोल कंट्रोल और कंट्रोल ताकि कहीं कोई किसी प्रकार की लीकेज ना हो जाए सरकार हर ट्रांजैक्शन को टैक्स लगाएगी लेकिन सरकार का जो रेवेन्यू है वो तो अल्टीमेटली एंड यूजर की ही जेब से निकल के जाएगा जो कि फाइनल अमाउंट वहां पर बनता होगा बोली बात समझ में आ गई या नहीं आई हां बोलो पहले हाँ चलो ठीक है छोटी छोड़ छोटी बातें हैं और यहां पर हम कल बात कर रहे थे कि फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कैसे पढ़ के देख लेते हैं अच्छा एक बच्चे का कॉल आया था मेरे पास में कल कह रहा सर जी हम लिखेंगे कैसे लिखने का क्या आएगा तो मेरे बच्चा मैं आपको बताऊं अभी शुरू की ना चार पांच क्लासेस तक आप लिखने वाली बात बिल्कुल भूल जाइएगा कि लिखना कैसे है चार पांच क्लासेस के अंदर पहले इसको हमने समझना है दिमाग में सेट करना है बैठाना है एक बार दिमाग में इसकी फाउंडेशन सेट हो जाएगी ना उसके बाद फिर हम सारी प्रैक्टिस अपने लिखने की ही करके चलेंगे ठीक है जी यस सर तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन है और ये सारे हमने देखे थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था कल होमवर्क में था आपका आ, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करना था आप होमवर्क करके लाए कॉपी दीजिए जरा देखो <laughs> ये स्कूल की तरह कॉपी चेक होती डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन पेइंग द टैक्स टू गवर्नमेंट डायरेक्टली बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स ठीक है इनडायरेक्ट में द पर्सन पेइंग द टैक्स टू गवर्नमेंट कलेक्ट द टोटल टैक्स फ्रॉम अल्टीमेट कंज्यूमर अच्छा प्रोग्रेसिव इन नेचर रिग्रेसिव नो शिफ्टिंग शिफ्टिंग अच्छा ठीक है जी एक और दिखा दो रैंडमली कोई क्या बात है बहुत सारा भर के लाए भाई आप तो क्या आपने भी होमवर्क किया है क्या आपने भी होमवर्क किया है हाँ कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है वो भी जरा मुझे बता दीजिएगा हाँ सर जी कर लिया यस सर टैक्स के बचाने के लिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आशी है खुशी है राहुल है तीन प्लेटफॉर्म पे क्लास ऑनलाइन चल रही है मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है एल के चैनल पर चल रही है और एक मेरे यूट्यूब चैनल पर ये चल रही है तो एक बार पढ़कर देख लेते हैं बर्डन ऑफ टैक्स की हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स में तो बताइए बर्डन किसके ऊपर होता है सर बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेन में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें से किसी के ऊपर होता है या एंड यूजर के ऊपर जाता है अब जैसे मान के चलिए ये रिमोट है ये ये रिमोट मैंने मैंने आपको आपको दिया 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 कैच कर लेना इसको दे 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 इन्होंने आगे दे दिया, उन्होंने आगे उन्होंने यह अल्टीमेटली इसका लोड कहां जाके पड़ेगा भाई साहब एंड यूजर के पास जहां से ये पास ऑन होना रुक जाएगा तो वैसे ही हमारे जीएसटी की चेन में होता है कि ये अपना बर्डन जो है वो शिफ्ट होता रहता है द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज कलेक्ट uh, करेगा द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर दस इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कि जो टैक्स का बोझ है इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन या एंड यूजर पर शिफ्ट हो जाता है सर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम क्या ये वाली लैंग्वेज लिखेंगे लैंग्वेज का बड़ा चक्कर रहता है यार तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अभी लैंग्वेज की मुझसे बातें ना करें चार पांच क्लास होने दो फिर देखेंगे कौन सी लैंग्वेज पर फिर भी आपकी क्वेरी को शांत करने के लिए बता दूं लैंग्वेज कौन सी रहेगी मैं अभी एक डेमो करा देता हूं आप सभी अपने बारे में पांच बातें लिखें अपने बारे में कि आप कौन हो नाम क्या है पता क्या है आपको क्या अच्छा लगता है आपकी हॉबी क्या है तो पांच बातें लिखें ठीक वो पर्चा लिखवा के मैं आपसे यहां रख लूंगा और ब्रेक के बाद फिर आपसे कहूंगा कि उन्हीं पांच बातों को आप फिर से लिखिए फिर एक पर्चे पर लिखवाया और फिर दोनों पर्चे आपके हाथ में दूंगा मुझे बताइए क्या दोनों के शब्द सेम होंगे बताइए क्या दोनों की लैंग्वेज सेम होगी द आंसर इज नो आपका खुद का लिखा हुआ आप अपने खुद के जैसा नहीं लिख सकते आप अपने खुद के जैसा नहीं लिख सकते किताब के जैसा तुम क्या ही लिखोगे ना आपको सी इंस्टीट्यूट के मेटेरियल की लैंग्वेज को लिखना है ना आपको यह लैंग्वेज लिखनी है आप लिख ही नहीं सकते आप क्या लिखोगे आपके दिमाग में जो भरा हुआ है वो और पहली क्लास से लेकर ट्वेल्थ तक फाउंडेशन तक जो भी है आपके अंदर जो लिखने की आर्ट है उसके बेसिस पर जो आपके दिमाग में स्टोरेज कंसेप्ट की हुई है उसको आप पेपर पर अपने बिहेवियर के अनुसार लिख के चलोगे अब सीए फील्ड के अंदर आकर किन किन बातों का ध्यान रखना होता है लैंग्वेज में और क्या ऑन करना होता है वो हमारा ऐसे बोलने से नहीं आएगा मैं आपको बता दूं भाई ऐसे लिखना ये हेडिंग बनाना वैसे करना ऐसे करना कभी नहीं आ सकता उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी इसलिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हम एक क्वेश्चन का आंसर यहां पर लिखेंगे बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में एक लैंग्वेज बनाकर दो क्वेश्चन के आंसर आप लिख के लाएंगे जैसे मैंने लिखा कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे धीरे 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 दस बारह क्लास तक जब यह सिलसिला चलता रहेगा हमारा तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप आना शुरू होगा और बारह पंद्रह क्लास के बाद में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे यस हमें लिखना आ गया है अगर किसी व्यक्ति को कार चलानी नहीं आती है आप में से किसको नहीं आती कार चलानी तीन को नहीं आती है तो मैं आपको आज कार चलाना सिखाता हूं यहां पर कि आप की लेकर गाड़ी में बैठना है चाबी घुमानी है क्लच दबाना है लेफ्ट पैर से ठीक है आपको ऐसे करके फर्स्ट गियर लगाना है धीरे धीरे क्लच छोड़ना है आपने धीरे धीरे एक्सेलरेट करना है देन गाड़ी आगे बढ़ेगी स्टीयरिंग को बहुत ज्यादा मूव नहीं करना है वरना आप पड़ोसी गाड़ी में ठोक दोगे इस बात का ध्यान रखना तो कोई बड़ी बात नहीं है कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है लेकिन आप बताइए मुझे यही बात मैं चार बार दोहरवाऊ इनको रट्टे मरवा दूं प्रैक्टिकली दिखा भी दूं अच्छा डेमो भी दे दूं मान लीजिए कार पे जाके कि भाई ऐसे गियर पड़ेगा ये होगा ए होगा ये डेमो भी दे दिया क्या ये कार चला पाएंगे बताइए ना आप मुझे यह सब नो नहीं चला पाओगे जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं चला पाओगे शुरू में दो चार बार ठोकोगे कार को उसके बाद में फिर दूसरे तीसरे तब लेके फिर चलोगे फिर धीरे धीरे ऐसे कस के पकड़ोगे स्टीयरिंग को और भाई ना तो कोई म्यूजिक चला सकता तुम्हारे सामने ना कोई फोन आ सकता ना कोई बात कर सकता पूरा एक पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ यूँ चल रहे होगे फिर तीसरे दिन चौथे दिन पाँचवें महीना दो महीना एक दिन वो आता है कि आप एक हाथ से तो गाड़ी चला रहे होगे दूसरे हाथ से कुछ और ही कर रहे हो म्यूजिक बज रहा होगा बातें भी कर रहे हो गए और अचानक से कोई सामने आ जाए तो दिमाग से पहले पैर ब्रेक लगा देगा हाँ बोलो हाँ उसे कहते हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कोई एक दिन में नहीं सीखने में आती और लेक्चर देने से नहीं आती खुद के करने से आती है तो मैं वही करूंगा आपके लिए कि थोड़ा गाड़ी चला के मैं दिखाऊंगी बेटा देख ऐसे चलानी है फिर तुम्हें बैठाऊंगा वहां पर कि देखो दो बार तुम चला के देखो और ये एक दिन में नहीं आएगी दस दिन बीस क्लास पचास मतलब हो सकता है बैच के एंड तक आपके ये चीजें बने टेस्ट लूंगा आपके तो लिखने की इतनी अभ्यास कर लेंगे इतना अभ्यास कर लेंगे मैं पता लग जाएगा कि हमें एक्चुअल में लिखना कैसे है तो मेरे बच्चा अभी तो लिखने की मुझसे बात मत करना क्योंकि तो पहले तो कंसेप्ट जरूरी है तू रट्टे मार के नहीं जा सकता तेरा सिलेबस इतना बड़ा तो रट्टे नहीं मार सकता वो जमाना गया ट्वेल्थ के अंदर कि भाई छोटी सी बुकें सीमें से आना या रट्टे मार लो चलो जो याद नहीं हो रहा है यहां रट्टे नहीं मार सकते सिलेबस बहुत बड़ा होता है आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है उसी की वोमिटिंग करके आनी होती है आपको पेपर के ऊपर जो जितनी बढ़िया वोमिटिंग करके आएगा उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है कंसेप्ट को दिमाग में ठीक से सेट करना दूसरी स्टेज आती है उसको लिखना और तीसरी स्टेज आती है उसे टाइम बाउंड मैनर में फुल प्रेजेंटेशन के साथ लिखना तब जाके नंबर आते हैं एंड नाउ यू आर एट स्टेज नंबर वन तो मुझे चार पांच क्लास दीजिएगा मुझे उसके बाद हम लिखने की बातें करके चलेंगे आई होप आप ही मेरी बात समझ गए होंगे ठीक है चलो जी बच्चा ओके सर जी बुक्स कब तक आएगी बुक्स आपकी कल यहां से डिस्पैच हो कीजिए बर्डन ऑफ टैक्स की बात होगी डायरेक्ट टैक्स में क्या है बर्डन ऑफ टैक्स आप खुद से लैंग्वेज बना सकते कोशिश किया करो खुद से लैंग्वेज बनाने की सर डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन ऑफ टैक्स जाएगा ऑन द पर्सन ऑन होम इट इज इंपोज अपनी खुद की लैंग्वेज बनाइए अपनी खुद की लैंग्वेज ही आपको लिखनी है कहीं कोई लैंग्वेज दूसरे की लिख ही नहीं सकते आप किसी भी हालत में इंपॉसिबल कोई कहता है कि हम सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल लैंग्वेज लिख देंगे ऐसे तैसी को लिख के तो दिखाए एक पैराग्राफ लिख के दिखा दे चलो जी आगे बढ़ते नेचर नेचर कैसा है आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स का है इसका नेचर रिग्रेसिव का है तो लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर ऐसे करके बता सकते हैं ट इज ऑल कंज्यूमर इक्वली बेयर द बर्डन ऑल का मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे मोटा हो चाहे पतला हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे जैसे मर्जी हो ऑल द कंज्यूमर इक्वली बेयर द बर्डन इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे ठीक है आगे है प्रोग्रेसिव नेचर का होता है आपका डायरेक्ट टैक्स मतलब कैसे हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल्स हैविंग हायर एबिलिटी टू पे वैसे करके यहां पर बात करी जाती है And, uh, उसके बाद में आता है आपका टैक्स बेस मतलब दैट इज जो बेस्ड नहीं है बेस होगा टैक्स बेस कि कौन कौन से पर्सन इससे अफेक्टेड होते हैं बेस किसका बड़ा है जीएसटी का बेस बड़ा है क्योंकि ये सबको छू कर आता है ये गरीब से गरीब और अमीर से अमीर अब देखो भाई गरीब आदमी तो पेट भरता होगा ना चार बिस्किट शायद वो भी खाता होगा तो बिस्किट खरीदा बस वहीं पर उसको टैक्स छू लेता है ऐसे करके धप्पा कर देता है ठीक है जी इट हैज टू बियर ऑलमोस्ट ऑल पर्सन ऑलमोस्ट ऑल पर्सन अब उनकी तो बात नहीं कर रहा जो हिमालय की गुफा में जाके बैठ गया भैया हुई तपस्या तो चल रही ना खाता ना पीता है। कंदमूल फल खाता है। तो वहां पर जीएसटी है नहीं तो कहते ऑलमोस्ट ऑल पर्सन को यह टच करता है दट इज अगर बाई अ मैच बॉक्स देन ही इज ऑल्सो बियरिंग द टैक्स लोड दस इट हैज वाइडर टैक्स बेस भिकारी तक को नहीं छोड़ा है तो बता क्या कर सकते हैं आगे बोलते हैं कंपेरेटिवली जो डायरेक्ट टैक्स है उसका नैरो होता है छोटा बेस होता है कलेक्शन ऑफ अमाउंट ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर कह रहे हैं इनडायरेक्ट के अंदर बोल रहे हैं चौदह से सोलह लाख करोड़ की बात करके चल रहे हैं लेकिन मैं क्या बताऊं अब तो भाई साहब बढ़ता ही जा रहा है मुझे हर बार लिमिट यहां से काट के चेंज करनी पड़ जाती है कि आप इसे लिखो भाई साहब लगभग लगभग हालांकि सोलह लाख करोड़ के आसपास ही अभी बट जो उसका टारगेट है या एज ऑफ नाउ अगर हम देखें जो फ्लो चल रहा है वो बीस लाख करोड़ के आसपास का जा रहा है और आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो इसी रेंज में अभी चल रहा है तो आपके इनडायरेक्ट टैक्स ने डायरेक्ट टैक्स को क्रॉस कर दिया इसी कारण से ने इसको भी 40 नंबर से उठा के 50 नंबर का यहां पर कर दिया है ऐसे करके ठीक है जी इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन इसका डायरेक्ट रिश्ता है इनडायरेक्ट टैक्स का देखिए ना इनडायरेक्ट टैक्स का महंगाई से डायरेक्ट रिश्ता है जैसे ही ये बढ़ा रेट सीधी सी बात है एंड यूजर पे लोड पड़ना है तो उसके लिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं और घटेगा तो घट जाते हैं ठीक है जी ये आप यहां देख रहे हैं तिरंगा झंडा इस पे जीएसटी नहीं आता है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं वैसे करके है उसके बाद इट डजेंट अफेक्ट इन्फ्लेशन अगर इनकम टैक्स का रेट कल को हो जाता है पचास जाके तो भाई इससे कोई महंगाई पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है उसके बाद इम्पोज ऑन इट इज इम्पोज ऑन द पर्सन डील इन गुड्स और सर्विसेज यानी कि जो बिजनेसमैन है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको ये टच मारता है सैलरीड पर्सन को ये छूता तक नहीं है और उसके बाद इधर बात करते हैं इसके लिए इनकम टैक्स के लिए चाहे एम्प्लॉय हो चाहे आपका नॉन एम्प्लॉय हो सब तरह की यहाँ पर यह बात करके चलता है एंड एग्जाम्पल मैं आपको दे रखा है जीएसटी और इनकम टैक्स तो यहां तक की बातें हमारी हो जाती हैं शुरू की दो तीन क्लास में आराम से हंसते खेलते कूदते चलेंगे क्योंकि कंसेप्चुअली आपके दिमाग में जरा सा भी कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए अगर कंसेप्ट मजबूत है बिल्डिंग की नींव मजबूत है तो बिल्डिंग जितनी मर्जी ऊंची बना लीजिए गिरेगी नहीं ठीक है चलो अगला पॉइंट आता है यहां पर वाई जीएसटी आखिरकार हिंदुस्तान में जीएसटी आया ही क्यों है हम जीएसटी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो 2017 में इतने सारे टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी को लॉन्च किया गया था आखिरकार ये तो पता होना चाहिए ना यार कि अरे आया क्यों था पुराने सिस्टम के अंदर ऐसी क्या कमियां थी जो इसको लाना पड़ा या इसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं जिसको लाना पड़ा जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना जब कोई चीज रिप्लेस होती है दूसरे से तो जस्टिफाई तो करना पड़ता है कि वाई यू हैव रिप्लेस्ड दिस ऐसे करके बात करते हैं तो चलिए इसका छोटा सा डिस्कशन करते हैं यहां पर एक पेज खा लिए इस पर नोटिंग करते हैं नोटिंग प्रॉपरली आपको करके चलनी है आपको मैं दे दूंगा चिंता मत कीजिएगा ठीक है तो यहां पर आते हैं मालिक और क्या आपको पता है कि एक ना गरुण पुराण बना हुआ है नाम सुना है आपने क्या लिखा उसमें उसमें बताया गया कि देखिए मरने के बाद पता लगता है व्यक्ति को कि ट्वेंटी नाइन टाइप्स के नरक होते हैं व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है जो दारू वारू पीते हैं चैनी खैनी चैन से मजा लेते हैं उसको गरम तेल के कढ़ाई में उसके पकोड़े बनाए जाते हैं कुछ ऐसे हैं कि व्यक्ति को उल्टा ही छोड़ दिया जाता है और नीचे नुकीले पत्थर होते हैं वहां जाके बार बार वो गिरता है टकराता है पेन होता है फिर पकड़ के लाते हैं फिर गिराते हैं कुछ ऐसी यातनाएं होती हैं कि उसकी स्किन को धेड़ दिया जाता है छील दिया जाता है और उसे फिर गर्म तेल में डाल दिया जाता है कुछ कुछ ऐसी ऐसी बड़ी भयंकर भयंकर चीजें बताई जाती हैं तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता उसे कर्मों के मुताबिक सजा मिलती है हमारे टैक्सेशन की दुनिया में भी ऐसे कुछ कर्म हैं कि उन कर्मों को अगर आपने किया तो सजा आपको भी दी जाएगी जैसे कि पुराने सिस्टम के अंदर हम बात किया करते थे कि अगर किसी व्यक्ति ने मैनुफैक्चरिंग करने का घिनौना पाप कर दिया है तो इसको सजा मिलेगी और सजा के रूप में क्या मिलेगा क्या आपको पता है देखते कोई बता पाता है तो क्या वहां पर सजा मिलेगी यस सजा मिलेगी उसे सजा मिलती है यहां पर आकर नाम है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में उसे यहां सजा दी जाएगी ये वाला टैक्स उसके ऊपर लगा दिया जाएगा क्योंकि इसने मैन्युफैक्चरिंग का घिनौना काम कर दिया है एक बच्चा क्वेरी पूछता है प्रतीक्षा कहते हैं प्रतीक्षा पायल अच्छा क्या बोलते हैं सर हमें तो हमेशा पता नहीं चलेगा ना बोले मेरा बच्चा कि एंड यूजर कान है तो वो अमाउंट किसी गवर्नमेंट को जाएगा ये कैसे पता चलेगा अच्छा देखिए जब क्रेडिट सामने वाला व्यक्ति लेना बंद कर देता है क्रेडिट सरकार को बता के लिया जाता है खुद से नहीं लेते हैं जीएसटी पोर्टल पर जाके क्रेडिट लिया जाता है और क्रेडिट जीएसटी पोर्टल पर वो ले सकता है जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जीएसटी में रजिस्टर्ड वो बंदा होगा जिसका अपना कोई कारोबार होगा जो आगे उसको फर्दर सेल वगैरह कर रहा होगा तो जब जीएसटी के पोर्टल पर कोई क्रेडिट लेने के लिए नहीं आ रहा है तो मतलब वो बंदा एंड यूजर है ऐसे वहां पर मान लिया जाता है आकाश शर्मा कहते हैं पर सर अगर डायरेक्ट टैक्स का रेट बढ़ जाएगा ओए, 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 तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी भाई साहब क्या केड़ी बात दिख रहा लड़का कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो वो हायर प्राइस कैसे दे पाएगा इन शॉर्ट डिफ्लेशन तो होना चाहिए था ओह, ओ हो 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 पापों का हिसाब ओ मेरा बच्चा देख वो बात कर रहा है महंगाई पर असर हम परचेजिंग पावर की बात नहीं कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि एप्पल आ जा रहा है सौ रुपए किलो और कल को हो जाता है एक सौ बीस रुपए किलो हो जाता है तो मैं उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी नहीं देख रहा हूं कि पहले भाई इतना आता था, था अब इतना आ रहा मैं तो बस ये देख रहा हूं कि महंगाई घटी या बढ़ी इन्फ्लेशन से क्या संबंध है मैं सिर्फ वो देख रहा हूं यहां पर आकर ठीक है मुन्ना हाँ सर जी ठीक है चलिए जी <coughs> हां तो यहां पर आकर मैन्युफैक्चरिंग याद रहेगा ना जल्दबाजी मत करना आराम से ठहर कर एक एक शब्द को दिमाग में बिठा के चलना तो मैन्युफैक्चरिंग का पाप करोगे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाएगी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद गुड्स है अगर मान लीजिए तो ऑब्वियस बात है बंदा उसको सेल करेगा जब हम उसको सेल करते हैं और सेल भी ना दो तरह की होती है एक होती है विद इन द स्टेट और एक होती है आउटसाइड द स्टेट अगर हमने कर दी विद इन द स्टेट तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट क्या बोलते रहे स्टेट के नाम से उसको हम यहां पर जानते हैं लिख देता हूं यहां इंट्रा स्टेट बिल्कुल ठीक है जी तो ऐसे में लगाया जाता था अगर आपने ये वाला घिनौना काम कर दिया है तो भाई साहब आपको ना यहां मिलता था एक वैट पूरा नाम था इसका वैल्यू एडेड टैक्स अगर इसके उसका नाम देखो साइंटिफिक नाम देखो इसका तो सेल्स टैक्स का ही एक नाम है सेल्स टैक्स है लेमेन में से सेल्स टैक्स बोल दिया जाता है ठीक है अच्छा जी अगला पॉइंट आता है यहां पर कि भाई अगर व्यक्ति इसे मान लीजिए सेल किया है बनाकर और इसने कर दिया इसे यहां पर आकर इंटर स्टेट इसकी सेल कर दी कैसी करी है इंटर इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर दी है तो वहां पे लगाया जाता था सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स यहां पे लगाया जाता था शॉर्ट में बोले तो सीएसटी लगाया जाता था और यह भी सेल्स टैक्स का ही एक रूप था प्रेम से बोलेंगे राधे राधे सेल्स टैक्स रूप है तो ये तो थे पुराने समय के ऊपर मोटे मोटे जो बड़े बड़े टैक्सेस थे ये तो भाई साहब गुड्स के ऊपर लगाए जाते थे सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था आपको पता है हाँ सर पता है जहां तक सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति सर्विसेज पुराने समय के अंदर दिया करता था पता है ये बात हमें जानने क्यों जरूरी है एग्जाम में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पुराने समय बताओ मैन्युफैक्चरिंग करने पर क्या लगता था लेकिन लेकिन जब हम अपने इस जीएसटी के महासागर में आगे चलेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि कई सारे कॉन्सेप्ट पुराने सिस्टम से पिक किए गए हैं उसकी समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ बात बात पर हमें पूछेंगे क्यों हुआ ऐसा तो उस क्यों का जवाब हमारे पुराने सिस्टम से निकल के आता है इसलिए हमें पुराने सिस्टम की थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे तो वहां पर लगाया जाता था आपका साहब क्या रे सर्विस टैक्स उसमें हम लगाते थे वहां पे सर्विस टैक्स की बातें किया करते थे वेरी गुड अच्छा जी अब एक काम करते हैं अब इसके अलावा और भी छोटू मोटू टाइप के कई सारे टैक्स हुआ करते थे जैसे कि एक होता था एंट्री टैक्स क्या रहे? एंट्री टैक्स यहां पर हुआ करता था एक होता था ऑक्ट्रोय करके नाम सुना कभी कभी बैलेंस शीट बनाते समय नाम सुना होगा? हाँ, हो गई यहां पर आकर। एक हुआ करता था एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था ऐसे करके और कई तरह के सेस हुआ करते थे सेस बताऊंगा अभी क्या होता है वेरियस काइंड्स ऑफ सेस हुआ करते थे जैसे कि एक था आपका आ, हेल्थ सेस हो गया है ना आपके लाइक एजुकेशन आ, सेस हो गया ऐसे करके बहुत सारे आपके यहां पर टैक्सेस छिपे हुए थे तो सरकार ने क्या किया जब इतने सारे टैक्सेस थे एक बात बताइए जैसे ये टैक्स है तो इस टैक्स के लिए मुझे बताएं क्या अलग से प्रॉपर इनका एक एक्ट एक एक रहा होगा या नहीं रहा होगा अगर कोई टैक्स है तो टैक्स को हम टैक्स तभी बोल सकते हैं जब उसकी प्रॉपर लीगल बैकिंग होती है, एम आई राइट? तो इसका अपना एक टैक्स बना हुआ था ऐसे ही वैट के लिए अपना एक एक्ट एक बना हुआ था सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए अपना एक एक्ट बना हुआ था इसके लिए भी एक्ट बना हुआ था सबके अपने अपने एक्ट बने हुए थे सभी एक्ट के अंदर बिजनेसमैन को अपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट जाकर सेंट्रल एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लेना वैट में जाकर वैट का रजिस्ट्रेशन लेना ऐसे ही सो so ऑन जब कभी कोई गड़बड़ हो जाती थी तो कभी तो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ रहा है कि यह टैक्स आपने कम भरा है कभी हमें नोटिस आ रहा है वैट डिपार्टमेंट से आ रहा है कभी ऑक्ट्रे वाले कुछ पकड़ के खींच रहे हैं तो ऐसे करके जान ले रखी थी कोई ये टैक्स मांग रहा कोई वो टैक्स मांग रहा कोई ये नोटिस डाल रहा है कोई ऐसे कर रहा है कोई बाल नोच रहा कोई शर्ट फाड़ रहा कोई कपड़े उतार रहा भाई साहब ये हालत कर रखी थी इस बिजनेसमैन ने कहा कि सरकार भाई टैक्स लेना ले लो जान मत लो पुरानी कहावत है सौ सुनार की नहीं एक लोहार की जो लेना इकट्ठा ले लो ना यार अबे टैक्स ये ले लो मना कौन करा लेकिन जान मत तो मत लो धंधा पानी करने दो हमें कुछ परेशान तो मत करो तो यहां पर सरकार ने कहा चलो अनलोम विलोम कर लो सारे टैक्सेस को अंदर खींचिए और फिर दूसरी साइड से यहां से जीएसटी को बाहर निकाल दिया एक जुलाई 2017 को नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जीएसटी का जन्म हुआ 17 टाइप 17 तरह के टैक्सेस को खत्म करने के बाद एक आपका जीएसटी वहां निकलकर सामने आ गया तो पहले पॉइंट ये कि मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस आपके हो रहे थे तो इन सभी से हमें निजात दिलाने के लिए इन सभी से पीछा छुड़ाने के लिए इस समस्या से बाहर आने के लिए सरकार ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया और सभी प्रकार के जो टैक्सेस थे उनको खत्म करने के बाद हम यहां पर अपना जीएसटी लेकर आ गए मुझे बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई yes no? पहला रीजन यहां पर दे दिया जाता है दूसरा भी इसी के अंदर छिपा हुआ है चूंकि आपके अलग 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 तरह के ये टैक्स थे तो सबके प्रोसीजरल पार्ट अलग अलग थे प्रोसीजरल पार्ट मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करने की बारी आती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को करके आइए वेट का पेमेंट वेट डिपार्टमेंट को करके आइए ऑक्टर का पेमेंट यहां कीजिए एंटरटेनमेंट टैक्स का पेमेंट वहां कीजिए सर्विस टैक्स का पेमेंट यहां कीजिए सबके अलग अलग पेमेंट हो रहे हैं सबके अपने अपने रिटर्न फाइलिंग हो रही है जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है ना ऐसे ही सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिटर्न फाइलिंग भी हो रही थी सबके अलग अलग नोटिस आया करते थे सबके अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहे थे तो सारे काम अलग अलग हो रहे थे जिससे कि खिचड़ी सी बनी हुई थी तो जो मल्टीपल प्रोसीजर थे अब सारे टैक्सेस को कंसोलिडेट करके एक कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है अब सारे के सारे जो कंप्लाइंसेस थे जो प्रोसीजरल पार्ट थे वो भी आपके यहाँ पर एक कर दिए जाएंगे ऐसे मानो जैसे कि एक घर में आ, मतलब लाइक अलग अलग लोग रह रहे थे चार पांच भाई थे तो सबके चूल्हे चौके अलग अलग थे लेकिन अब उन सबको कंसोलिडेट करके एक ज्वाइंट फैमिली बना दिया गया है अब सारा काम इकट्ठे तरीके से किया जाता है ऐसे माने जैसे हजारों झुग्गी झोपड़ियां पड़ी हुई थी उन झुग्गी को खत्म करके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया ग्रुप हाउसिंग तैयार की गई और उसमें लोगों को बिठाया गया है एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी संरचना अपनी यहां पर कर दी गई है ऐसी वाली बात बोली गई अलग अलग टैक्स हुआ करते थे मल्टीपल टैक्स अपने चूंकि यहां पर हुआ करते थे तो इसके चलते क्या हो रहा था मेरे बच्चा कि यहाँ पर इनको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट क्या बोलते हैं इसको टैक्सेबल इवेंट टैक्सेबल इवेंट का मतलब वो कौन सी इवेंट है जिसकी वजह से आपका टैक्स लग जाता है वो कौन सी इवेंट जिसकी वजह से टैक्स लग जाता है तो यहां पर आकर बोलते कि भाई इसके लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगने के लिए जो मुख्य घटना है जो इवेंट है जो पाप है वो मैन्युफैक्चरिंग था इसके लिए हम देखते थे कि सेल इंटरस्टेट हो रही है इसके लिए देखते थे सेल अपनी इंटरस्टेट हो रही है तो हर एक टैक्स की अपनी अपनी खुद की टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी अब मुझे बताइए सारे टैक्सेस को कंसोलिडेट करके अगर हमने एक बना दिया है तो ये जो आपकी इवेंट दिख रही हैं ये भी सबके सब एक हो जानी चाहिए या नहीं होने चाहिए द आंसर इज यस जब सारे टैक्स को थैले के अंदर हमने बंद कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे इवेंट वो भी एक कर दी जाएंगे तो इवेंट क्या थी मैन्युफैक्चरिंग ये वो फलाना डिम का तो ये जो आपका यहां से हुआ है इन सबको हमने जीएसटी में परिवर्तित कर दिया कन्वर्ट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है इन सबको भी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस एक शब्द को नाम दिया गया है सप्लाई सप्लाई और सप्लाई तो जीएसटी लगने के लिए जो कीवर्ड निकल के आया वो है आपका यहां पर सप्लाई अब आपको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग है कभी सेल देखते थे कि इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है कि ये है वो है झगड़े पड़े हुए थे और मैं आपको एक बात बताऊं मैन्युफैक्चरिंग देखनी पड़ती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग है तो तो लगेगी वरना नहीं लगेगी 1944 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अपनी आई थी वो एक्ट बना था अपना और तब से लेकर जीएसटी आने तक लगभग 72 टू ईयर्स हो गए थे बेहतर साल हो गए थे लेकिन 72 टू ईयर्स में हम यह ना सीख पाए थे कि मैन्युफैक्चरिंग कहते किसे हैं क्योंकि अगर सीख जाते तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पर हजारों केस आज भी पेंडिंग ना पड़े होते सिर्फ यह डिसाइड करने के लिए कि यह पर्टिकुलर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है इतना डिस्प्यूटेड वर्ड हुआ करता था आपका मैन्युफैक्चरिंग लेकिन अब अब सारे शब्दों को खत्म करके वो एक सिंगल वर्ड लेकर आए हैं जिसका नाम है सप्लाई सप्लाई और सप्लाई ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है ठीक है जी फिर आगे बात निकल के आई यहां पर क्या बोलते हैं मल्टीपल टैक्सेस मल्टीपल प्रोसीजर मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट अपनी हुआ करती थी लेकिन अब आपकी जो टैक्सेबल इवेंट है वो सिर्फ एक सिंगल वर्ड है वो भी सप्लाई का पुराने समय में जो बिजनेसमैन थे उनके अलग अलग नाम दिए जाते थे भाई क्या क्या नाम होते थे भाई एक को जो मैन्युफैक्चरिंग करता था उसे क्या बुलाते थे मैन्युफैक्चरर जो माल बेचता था जो ट्रेडिंग करता था उसे क्या बुलाते थे ट्रेडर जैसे आपका हार्डवेयर का बिजनेस है आपका तो आप ट्रेडर हैं बेसिकली आप जो स्पेयर जो पार्ट्स हैं वो लेके आते हैं और आगे बेचते हैं तो मैन्युफैक्चरर हुआ करता था ट्रेडर हुआ करता था और जो लोग सर्विस देते थे उनको क्या बुलाते थे बताइए जरा जो सर्विस देते थे, थे उनका क्या नाम पड़ता होगा सर्विस प्रोवाइडर वेरी गुड जोरदार तालिया सर्विस प्रोवाइडर तो अलग अलग नाम पड़े हुए थे अब चक्कर गुड्स वालों के नाम तो पड़ गए मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर सर्विस वाले का नाम पड़ गया सर्विस प्रोवाइडर अब चूंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही टैक्स है तो इन्होंने इन तीनों नामों को भी खत्म कर दिया और इन तीनों नामों को खत्म करके इन्होंने एक सिंगल वर्ड दिया और वर्ड है आपका सप्लायर क्या नाम दिया सप्लायर अब चाहे आपकी फैक्ट्री है तब भी आप कहलाए जाएंगे जीएसटी की दुनिया में सप्लायर चाहे आपका हार्डवेयर का बिजनेस है तब भी आप कहलाए जाएंगे सप्लायर और मैं सर्विस दे रहा हूं मैं भी यहां कहा जाऊंगा सप्लायर सप्लायर और सप्लायर सामने वाला व्यक्ति क्या कहा जाएगा गुड्स के केस में बोलते थे बायर क्या बोलते थे बायर और सर्विस के केस में जो सामने वाला बंदा होता था उसे क्या बुलाते थे सर्विस का रेसिपिएंट क्या रे सर्विस का रेसिपिएंट लेकिन आपके जीएसटी की दुनिया में हम जितने भी सामने वाले व्यक्ति हैं उन सबको एक ही नाम देंगे रेसिपिएंट 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 चाहे आप गुड्स खरीद के ला रहे हैं तब भी बायर शब्द का इस्तेमाल मत करना आप कौन है रेसिपिएंट सर्विस ले रहे हैं तब भी आप कौन है रेसिपिएंट तो सिर्फ दो ही शब्द रह गए करने वाला सप्लायर और लेने वाला आपका रेसिपियंट ऐसे करके यहां पर बात कर दी गई मेरे बच्चा ठीक है जी उसके बाद चर्चा और आगे बढ़ी तो ये तीन नाम यहां पर चेंज हो गए मैन्युफैक्चर मैनुफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर ट्रेडर नाउ दीज आर कॉल्ड सप्लायर और रेसिपियंट करने वाला सप्लायर और पाने वाला रेसिपियंट टैक्सेबल पर्सन के नाम से भी बुला देते हैं अल्टरनेटिव में ऐसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है एक होता है कास्ट कैडिंग इफेक्ट क्या होता है कास्ट कैडिंग कभी नाम सुना है आप लोगों ने कभी नहीं सुना अरे मेरा बच्चा मेरा भूरा मैं बताता हूं तो कास्ट कैडिंग क्या होता है आपने सुना भाई सब कास्ट इफेक्ट हमारी यूट्यूब कम्युनिटी हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस वन नेशन वन टैक्स तो हो गया महंगे भी महंगाई भी बढ़ रही है हाई टेक्स कितना मेरा बच्चा कितना होशियार है कितनी कितनी लंबी लंबी चौड़ी बातें कर रहा है इन बातों को अपने इन 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 तजुबों को संभाल के रखना हम बड़े बड़े महासागर में गोते मारेंगे आपने सोचा भी नहीं वो हम कितनी गहराई में जाएंगे जीएसटी की में और पता मैं क्या करूंगा <laughs> मैं आपको उंगली पकड़ के गहराई में लेकर जाऊंगा महासागर की गहराई में पहले तो यहां अभी तो यही ही पानी है घुटने से नीचे ही पानी है अभी तो फिर पानी बढ़ रहा होगा जब पानी यहां तक आ जाएगा मैंने अभी आपका हाँ हाथ पकड़ रखा होगा और जब डूबने वाली स्थिति होगी जहां पानी आपके सर से चार फीट ऊंचा होगा वहां मैं आपको छोड़ दूंगा मैं छोड़ दूंगा धोखा नहीं धोखा नहीं है वह आप फड़फड़ाएंगे हाथ पैर चलाएंगे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे निकल गए तो अच्छी बात है नहीं निकले तो फिर मैं ही पकड़ के लाऊंगा डूबने नहीं दूंगा मेरा वादा है ये लेकिन उस महासागर में ले जाकर आपके एफर्ट्स जरूर लगवाऊंगा अगर आप यह सोच रहे कि मैं बोलता रहूंगा आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं अभी थोड़ा तो बेस बना लूं चार पांच क्लास में इतना कर लूं आपको कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ अभी तो मैं ही बोल रहा हूं आंसर दे पाओ उसके बाद हम हर कॉन्सेप्ट को आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे मिलकर डिस्कस करेंगे पहले ड्राफ्ट करेंगे बनाएंगे फिर यहां रीड करने के लिए आएंगे ठीक है चलो जी कास्ट कटिंग की बात करें जो आपको ठीक लगे ना वो जवाब देना हम्म एक मैन्युफैक्चरर है यहां पर फैक्ट्री है ठीक है जा ऐसे ज्ञान का भंडार बहुत है मेरे बच्चों के पास में डिफ्लेशन इन्फ्लेशन परचे पावर और भाई साहब बच्चा क्या बोल रहा था आतिफ क्या बोल रहा था कुछ कह रहा था ये हाँ 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 ये ज्ञान मुझे जरूरत पड़ेगी आपके इस ज्ञान की तो यहां पर ये एक फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग ठीक है यहां क्या बनाते हैं गुड्स बनाते हैं मतलब गुड्स का नाम ले दो कुछ भी है स्टील स्टील बड़ी मोहब्बत है स्टील से स्टील ये इनका रॉ मेटेरियल है यहां पर ठीक है रॉ मेटेरियल से बनाया स्टील स्टील की वैल्यू कितनी लिखो बताते चलो भाई ऐसे कुछ नहीं है जो बोलोगे हम तो वो लिखेंगे तुम्हारा मास्टर ऐसा है तुम जहां भटकना चाहो जहां भागना चाहो भाग लो ना तो रास्ता भटकने दूंगा और ना गलत दिशा में जाने दूंगा लेकिन आपको पूरी आजादी है जो करना है कर लो जहां भटकना है भटक लो वरना लॉ में ऐसे पढ़ाया जाता है कि चुप लॉ में लिखा है जो लिखा है वही पढ़ तू यही कराया जाता है मैं नहीं चुप कराऊंगा भाग लो जितना भागना है आपको जी सर यहां पर वैल्यू लिखो बीस लाख की मेरा बच्चा गोपेश मेरा कबूतर ले ले बीस लाख लिख दिया मैंने ठीक है आ गया बीस लाख अब मुझे बताइए इस व्यक्ति ने मैन्युफैक्चरिंग करी है कि नहीं करी है मैन्युफैक्चरिंग करी है फिर इसको बेचा भी होगा इसने इसको यहां पे लाके मान लीजिए इसका ये जो रेसिपियंट जो बायर रहा होगा जो भी है उसको इसने बेच दिया होगा तो फिर इसने इसकी कर दी से अच्छा सेल कहां करिए विद इन द स्टेट मानू कोई आउटसाइड मानू जो आपकी मर्जी है मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है यूपी और ये बंदा भी यूपी में है सेम स्टेट के अंदर ये मान लेते क्या दिक्कत है क्या फर्क पड़ रहा है जी तो यहां पर वैल्यू आ गई साहब बीस लाख रुपए की अब इसने मैन्युफैक्चरिंग पहले करी है कि बेचा पहले है मैन्युफैक्चरिंग पहले है तो जो सा पहला पाप किया है उसकी सजा पहले मिलेगी या बाद में मिलेगी जो पहले किया सजा पहले मिलेगी बाद में क्या बाद में मिलेगी तो मेरा कहने का मतलब यह कि पहले इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या वैट वेरी गुड शाबाश सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितनी मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं टेन परसेंट ठीक है टेन परसेंट किसका आएगा जी बीस लाख का जो आ जाता अपना यहां पर दो लाख रुपए ट्वेंटी टू लैख ये इधर यहां पर आ जाता है अब चूंकि दूसरा भी काम किया है इसने इसको बेचा भी है तो इसके ऊपर अगला टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए जवाब दीजिए ये सब मेरे लिखना है क्या हाँ आपको लिखना है ये मैंने पहले बोला था लिखना है आपको ये <coughs> बताइए साहब अगला टैक्स कौन सा लगेगा सर जी इसके ऊपर ना वो लगेगा क्या बोलते हैं वैट, वैट लग जाएगा इसके ऊपर यहां कर लेते, रेट? अब सवाल ये उठता है कि मैं ये टेन परसेंट कौन सी वैल्यू पर लगाऊं अच्छा एक बात बिल्कुल कान खोज के सुन लें और जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको चाहे तो कॉपी में नोट भी कर लें। मैं कभी भी आपसे यह नहीं पूछूंगा कि लॉ में क्या लिखा है किताब में क्या लिखा है वो सोच के बताइए आपको ज्योतिषी नहीं हो तो ये बता दो किताब में क्या लिखा कि लॉ मेकर ने क्या लिखा होगा मुझे ना चाहिए वो जो लॉ मेकर ने लिखा होगा ना लॉ मेकर को साइड बिठा के रखता हूं मैं मुझे तो वो चाहिए कि तुम क्या सोचते हो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए आपसे पूछा है तो आप अपना जवाब देना किसी दूसरे का जवाब मत देना कि किताब में क्या ने क्या लिखा होगा कुछ नहीं चाहिए आपका जवाब क्या है किस पे लगाऊं बीस लाख पे लगाऊं दो लाख पे लगाऊं बाईस लाख पे लगाऊं व्हाट इज योर ऑप्शन बीस लाख पे सबका आंसर एक ही है बताओ जी बीस लाख या बाईस लाख हाँ जी बाईस पे कुछ कह रहे हैं बीस पे अच्छा कृतका कह रहे हैं बाईस पे शायद बाईस पे शायद क्या होता है खुद का जवाब है ना तो चलो एक काम करते लगा के देख लेते दोनों करके देख लेते कौन सा फर्क पड़ रहा है अरे जो ठीक लगेगा फाइनली जो रास्ता ठीक दोनों पे चलते हैं रास्ते पे फिर बता देने इकट्ठे गए कौन सा ठीक रहेगा हम ऐसे ही मास्टर ऐसे ही पढ़ेंगे हम जी भाई लगा लेते हैं चलो बाईस लाख पे लगा लेते हैं पहले आ जाता है दो लाख बीस हजार रुपए और टोटल आ गया ट्वेंटी फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज यहां पर कुछ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है तरु 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 क्या तरु तरु गलत हुआ है जितने की, है, तो जितने की हम वैल्यू एड कर रहे हैं टैक्स बेसिकली हमारी उस पर लगना चाहिए अच्छा यहां पर ऐसे एंट्री पास करके बताएंगे कि हमारी एंट्री क्या बनेगी जैसे बैंक अकाउंट डेबिट है ना टू सेल्स टू एक्साइज ड्यूटी ऐसी एंट्री आप और टू वेट ही तो बनाएंगे ना हमारी सेल कितनी पे पे बुक करेंगे आप लाख ना क्योंकि टैक्स तो मेरा हिस्सा होता ही नहीं है एक्साइज ड्यूटी आएगी यहां पर दो लाख रुपए की और जाएगा दो पॉइंट बीस लाख का ये आ गया यहां पर आकर है ना तो मेरी जो सेल है वो मेरा टर्न तो बीस लाख ही है ये टैक्स के अमाउंट है जो मेरे नहीं है तो गवर्नमेंट को मैंने पे करने हैं यहां अगर आप देखिए जो टैक्स है टैक्स मेरी टर्नओवर पे लगना चाहिए था एम आई राइट लेकिन आपने क्या किया कि 22 लाख पे टैक्स लगाकर इस 22 लाख में ये वाला जो दो लाख आप देख रहे हैं ये कौन सा वाला दो लाख है ये दो लाख सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का है तो आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के अमाउंट पर भी आपने वेट लगा दिया क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपके टर्नओवर का हिस्सा थी क्या आपकी सेल्स का हिस्सा थी द आंसर इज नो वो तो आपका पैसा प्रैक्टिकली था ही नहीं आपने उस पैसे पे भी टैक्स लगा दी जो आपका था ही नहीं मैं फिर से पूछता हूं मैं दबाव तो डालूंगा नहीं आपके ऊपर कि भाई यही मानो जो मैं मैं बोल रहा हूं मैं तो आपको आपके अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए कि हाँ यार ये ठीक है आपको कन्वि करूंगा दबाव नहीं डालूंगा धमकाऊंगा नहीं कन्विंस करूंगा बता अब तू बता अब क्या ठीक है अभी भी नहीं मानो तो कोई और तर्क लेकर आऊंगा कि बता बेटा अब बता सहमत है कि नहीं है जब तक तुम हानि बोलोगे पचास तरीके लगाऊंगा लेकिन तुम्हें तो कन्विंस करूंगा अपनी बात पे टैक्स कितने पे 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 लगना चाहिए लाख 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 या बाईस पे? बीस पे, करेक्ट तो यहां पर ये क्या हुआ देखो अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो बीस हजार ट्वेंटी थाउजेंड देख रहे हैं ये क्या है बता सकते हैं आप ये है इस दो लाख वाले कॉम्पोनेंट पे लगा हुआ टैक्स बीस हजार इसे बोल देते हैं हम लोग टैक्स ऑन टैक्स क्या बुलाते हैं देखिए ड्यूटी और टैक्स एक ही बात होती है अभी डिस्कस भी कर लेंगे उसे हम कि ड्यूटी क्या टैक्स क्या सेस क्या उसको भी डिस्कस करेंगे हम तो यहां पर ये टैक्स के ऊपर भी हमने एक बार फिर से टैक्स लगा दिया और टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है तो इसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं का इफेक्ट के नाम से बुला दिया जाता है किस नाम से कास के नाम से बुला देते टैक्स ऑन टैक्स वाली पोजीशन को तो क्या यह स्थिति सही है द आंसर नो ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर पुराने सिस्टम में ऐसा ही हो रहा था ये पहली कमी पहली बड़ी कमी है आपके पुराने सिस्टम की कि उसके अंदर कास्ट कैडिंग इफेक्ट आया करते थे टैक्स कंपोनेंट के ऊपर अगेन टैक्स कैलकुलेट हो जाया करता था आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी हाँ बोलो पहले हाँ, हाँ जी और बताते हैं और नोट कीजिएगा मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूं पेज और देखिए और यहां पर मेरे बच्चा यह होता था कि कास्केडिंग का ही आपको एग्जाम्पल दे के चल रहा हूं एक बड़ी समस्या है सुलझाना है उसे आराम से ठंडे दिमाग से करेंगे काम को ओल्ड टाइम के अंदर पुराने समय के अंदर हम लोग क्या करते थे पुराने सिस्टम को रोस्ट कर रहा हूं इस समय ये मान के चलो आप है ना क्या कर रहे हैं पुराने सिस्टम को रोस्ट कर रहे हैं जब उसकी रोस्टिंग ढंग से हो जाएगी तो ही तो नया समझ में आएगा क्या यार ये ठीक है ये जब जो हुआ ठीक हुआ ये सही है वरना पुराने से मोहब्बत लगी रहेगी यार क्यों हटाया था क्यों हटाया था क्यों लेकर आए तो फिर सुनो से मान लीजिए पुराने समय में क्या था कि ये आपका उत्तर प्रदेश है ठीक है और उत्तर प्रदेश से जो गुड्स है तुम्हारे दिमाग की दही ना बनाई तो मेरा अभी नाम नहीं जाओ आ जाओ यहां पर करवाऊंगा आपसे वाला क्वेश्चन मैंने खुद नहीं करूंगा पुराने समय के अंदर यूपी से हरियाणा माल जाया करता था ये आदमी भी एक ट्रेडर आदमी है और ये भी यहाँ पर ट्रेडर आदमी है ठीक है दोनों ही ये ट्रेडर हैं बिल्कुल ठीक है जी आप यहां जाओ भले कोई दिक्कत नहीं है अच्छा ट्रेडर हैं इन्होंने यहां से इधर के लिए गुड्स बेचा जिसकी वैल्यू रखी कितनी वैल्यू रखो रहे एक, एक बच्चा कह रहे समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया भाई ये और समझ नहीं आया हाँ देखो ये होना बता रहा हूं मेरे बच्चा सुन ले दोबारा से बता दूंगा देख ये होना ये चाहिए था कि इसकी जो वैल्यू थी ये बीस लाख की वैल्यू थी ना यहां पर आकर ये होता और इसके ऊपर ये लगती सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दो लाख की यहां पर लगाई जाती बाईस लाख मेरा हो जाता दूसरा बुरा काम किया इसने यहां पर सेल करने का तो वैट लगा इसके ऊपर तो वैट लगना चाहिए था दस परसेंट से ऑन रुपीज ट्वेंटी लैख बीस लाख जो मेरा टर्नओवर है उस पर लगना चाहिए जो भी टैक्स में टर्नओवर पे लगे ना मेरी सेल पे लगे टैक्स वाली वैल्यू पे क्यों लगे तो ये भी लगना चाहिए था यहां पर बीस लाख रुपए और इस तरह से आपका ये ट्वेंटी फोर लैख यहां पर फाइनल टोटल आ जाना चाहिए था तो जहां पर ये लगना चाहिए था दो लाख लग रहा है दो लाख बीस हजार जो एक्स्ट्रा ट्वेंटी थाउजेंड है ये कहां से निकल के आया है ये हमने चूंकि एक्स्ट्रा अमाउंट पर कैलकुलेट किया है एक्साइज ड्यूटी के ऊपर तो एक्साइज़ वाले अमाउंट पर भी हमने वैट कैलकुलेट कर दिया है इस वजह से ये एक्स्ट्रा अमाउंट यहां पर आया है और इसी पोजीशन को टैक्स ऑन टैक्स बुलाते थे और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है अब क्लियर है मेरे बच्चा सर दिल्ली में आ, आ, क्या है? खराद में कंज्यूम किया है तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि अल्टीमेट कंजम्पशन कहाँ हुआ रुक जा रुक जा विकास रुक जा कैसे पता लगेगा सारे पता लगाने के तरीके हैं गवर्नमेंट के पास में ऊपर वाला सब देख रहा है रुको फैल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर एक लाख रुपए की ठीक ये गई एक लाख की वैल्यू यहाँ पर आकर ठीक है अब इसमें टैक्स कौन सा लगेगा ये बताइए ट्रेडर आदमी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेज रहा है टैक्स कौन सा लगेगा बोलो आई टी hmm. ये पुराने समय की बात करें तो ओल्ड टाइम में पुराने समय के अंदर पुराने पुराने समय में सी सीएसटी वैट ना लगेगा थप्पड़ मारके वैट लगेगा सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता था मान लेते ये लगा अपना सपोज करो फोर परसेंट से ठीक है सीएसटी जल्दबाजी तो नहीं करोगे आप लोग पक्का एक लाख का ही हो गया चार हजार रुपये एक लाख चार हजार ये फोर थाउजेंड किसके पास जाएगा जो यूपी का ट्रेडर है इसका नाम मिस्टर एक्स है और इसका नाम मिस्टर वाई करके है तो हमें बताइए ये जो पैसा है ये चार हज़ार रुपये कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा हाँ साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा अच्छा मैं आपको बताऊं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है उसने सबके साथ न्याय कर रखा है उसने बता रखा है इन इन आइटम्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा इन, इन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा इन, इन के ऊपर लोकल अथॉरिटी को पैसा मिलेगा तीनों को खर्चे करने होते हैं तो तीनों के रेवेन्यू सोर्स बता दिए संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने और उसमें यह लिखा हुआ है कि ऑन सेल ऑफ गुड्स जब भी गुड्स की सेल करी जाएगी सेल ऑन जो गुड्स होगा उसके ऊपर जो रेवेन्यू जाएगा जो टैक्स बनेगा वो जाएगा टू तो स्टेट गवर्नमेंट किसको रे स्टेट गवर्नमेंट को वो जाएगा ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है तो आपका जो पहला आपने तर्क दिया कि नहीं ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा तो वो मैंने खत्म कर दिया किन्ने भैया संविधान के मुताबिक सेल ऑफ गुड्स के ऊपर चाहे वैट हो चाहे सीएसटी हो दोनों को दोनों पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ही जाना है जी अब हमें बताइए अगर स्टेट को जाना ही है तो कौन सी वाली स्टेट को जाएगा यूपी को जाएगा या हरियाणा को जाएगा यूपी को जाएगा हम टैक्सेशन की दुनिया में कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं ओरिजिन प्रिंसिपल या डेस्टिनेशन प्रिंसिपल मैं एक बात बताऊं आपका भरोसा करना मेरी बात का जो मैं कह रहा हूं यह आपका जो टैक्स जीएसटी है ना यह थ्योरी है ही नहीं आप इसमें मैथमेटिक्स साइंस पॉलिटिक्स इन तीनों को जोड़ के अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट बनता तो यह है मैथ साइंस और पॉलिटिक्स आपने कहा कि यार यूपी को दे दो मैंने कहा यूपी को दूंगा तो कुछ और टकरा गया शतरंज का खेल नहीं होता ये चाल चलूंगा तो कुछ और समस्या पैदा हो जाएगी मेरा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल चकनाचूर हो जाएगा मैं उसे ब्रेक नहीं कर सकता हूं तो पहले यह तय कर लो कि प्रिंसिपली आपका पैसा कहां जाना चाहिए यूपी गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट वेरी गुड आपने यहां पर आकर यह तय कर लिया कि एस पर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जो सीएसटी का अमाउंट है जो टैक्स का अमाउंट है यह जाएगा टूट तो टू 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 हरियाणा गवर्नमेंट टू हरियाणा जाएगा तो यहां पर बैठी थी हरियाणा सरकार बैठी हुई थी और आपने इसको यहां जाकर सी का पैसा जमा करा दिया चार हजार रुपए के लिए कौन जाएगा एक्स या वाई हरियाणा सरकार को चार हजार जमा कराने के लिए कौन जाएगा एक्स या वाई बोलो जवाब दिया करो सर वाई, वाई।, वाई जाएगा हम्म मतलब ये तो उसने इनवाइस काट के दिया था ऐसे करके मैं कुछ नहीं बताऊंगा मुझसे उम्मीद मत रखना बिल्कुल भी इनवाइस दिया था तो इनवाइस काट के कस्टमर से लिए थे एक लाख ये ले लिए और चार हजार सीएसटी के नाम के ले लिए एक लाख चार हजार एक्स ने कलेक्ट कर लिए उससे अब मैं पूछ रहा हूं चार हजार रुपए सरकार को जमा कराने के लिए कौन जाएगा कौन जाएगा एक्स जाएगा पैसा तो एक्स के पास में है ना एक्स जाएगा बाई मिस्टर एक्स वो यहां सरकार को जमा करा के आएगा अच्छा इस बंदे को रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ा होगा ना सी के अंदर ये बंदा रजिस्टर्ड था इन उत्तर प्रदेश अच्छा जब यूपी का रजिस्टर्ड पर्सन हरियाणा पहुंच रहा है चार हजार रुपए लेकर कि साहब ये चार हजार रुपए हैं। सरकार पूछेगी नहीं भाई तू कौन क्या खामो खा पर तू कौन है कहां से आया है क्या लाया है किस बात के चार हजार रुपए हैं? अब ये चार हजार ही बनते थे या चालीस हजार बनते थे कुछ तो में पता होना चाहिए ना कौन है तू तो अगर इसकी पहचान यहां बनानी है तो इसका मतलब अगर इसको चार हजार आपने जमा करवाने हैं तो इस बंदे को हरियाणा में भी हरियाणा सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि नहीं रजिस्ट्रेशन कोई टैटू बनवाना नहीं होता है रजिस्ट्रेशन क्या होता है वहां उस सरकार के पास जाकर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जरूरी कागजात, बिजनेस क्या है कैसे जो भी है वो पूरी इंफॉर्मेशन अपने बारे में देना ताकि सरकार आपको ट्रैक कर सके तो क्या हरियाणा सरकार के पास इसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा या नहीं यस और नो यस yes, yes. yes. जमा करवाना पड़ जाएगा उसने कहा चल ठीक है यार उसने हरियाणा में रजिस्ट्रेशन ले लिया क्योंकि आपको तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करना जो था कि नहीं आपने उसूलों से नहीं हटेंगे आपका एक डेस्टिनेशन प्रिंसिपल आपका एक उसूल है हम अपने उसूलों से नहीं हटेंगे जी अच्छा वेरी गुड अब कल को इसके पास में कस्टमर आ जाता है वेस्ट बंगाल का इस बंदे के पास में वेस्ट बंगाल का कस्टमर आया यही सेम ट्रांजैक्शन उसके साथ में हुई तो अब ये जो मिस्टर एक्स है चार हजार रुपये जमा कराने के लिए कहां जाएगा वेस्ट बंगाल ममता दीदी के पास जाकर वहां भी रजिस्ट्रेशन लेगा अच्छा जी अब उसने अगली जो ट्रांजेक्शन थी वो कर दी मध्य प्रदेश के लिए सेम ट्रांजेक्शन कर दी मान लो एक लाख प्लस चार हजार रुपये की अब चार हजार रुपये एम पी गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए जाएगा वहां जाके रजिस्ट्रेशन लेगा फिर महाराष्ट्र के लिए ट्रांजेक्शन कर दी फिर तेलंगाना के लिए कर दी फिर दिल्ली के लिए कर दी कुछ पकड़ में आ रहा है हो गया रहा है इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि जहां का भी कस्टमर आ रहा है मैं वहां वहां हर स्टेट के अंदर जाऊं वहां जाके रजिस्ट्रेशन लू क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसे तो पूरे इंडिया में वही तो मैं यही तो तुम्हारे अंदर से खींचना चाहता हूं कि जो गलती हो जहां टक्कर लग रही हो बच्चे के टक्कर अगर सर फूट गया उसका तो कह रहा है यह क्या तरीका है ऐसे तो पूरे इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा और व्यक्ति पागल हो जाएगा तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एग्रीड और नॉट बोलो हां यह संभव नहीं है तो फिर क्या अल्टरनेट है जो आपका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि टैक्स डेस्टिनेशन स्टेट को मिलना चाहिए लेकिन डेस्टिनेशन स्टेट तक पैसा पहुंच नहीं पा रहा उसमें टेक्निकल ग्लिच आ रहा है अब क्या करें अब सोल्यूशन दो फंस गए ना आप आके कोई सोल्यूशन है आपके पास में नहीं है वो कह रहे हैं कि हम यूपी सरकार को दे दें यूपी सरकार उस सरकार को दे देगी तो यूपी सरकार तो इसी इस इस बात का ठेका लेके रखेगी कि तुमने कौन कौन से स्टेट को कितनी कितनी ट्रांजैक्शन करी थी फिर वो वो ट्रांजैक्शन का पैसा वो वो देके चलेंगे अच्छा दूसरे स्टेट में जो ट्रांजैक्शन हो रही होंगी उनका पैसा यूपी में आएगा फिर भाई, 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 भाई इधर आओ कोई बात नहीं आ जाओ ना मैं कोई दिक्कत देखो मैं तुम्हारा कि इतना वैल्युएबल इनपुट आया यार मैं मतलब खारिज कैसे कर सकता हूं उसको बच्चा इनपुट देने ही बंद कर देगा भाई चंद्रयान गया है एक बार थोड़ा चला गया कितनी बार गलतियां हुई होंगी कितनी बार फेल हुए होंगे मिशन अपने कितनी बार बरबर के खत्म हो गए इन्होंने इन, इन, इन इन्होंने कहा कि काम करो इस बंदे को बोलो कि तुम अपनी सरकार को दे दो यूपी को दे दो और फिर यूपी में पैसा पहुंचने के बाद इसने जहां जहां जिन स्टेटली ट्रांजेक्शन करी होंगी कि महाराष्ट्र के लिए करी होगी पंजाब के लिए करी होगी और हरियाणा के लिए करी होगी तो यहां से पैसा उन सरकारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ठीक अच्छा पंजाब में जो कस्टमर जो लोग काम कर रहे होंगे वो पंजाब में रहकर बाकी स्टेट में भी सप्लाई कर रहे होंगे तो उनका पैसा जाएगा पंजाब में फिर पंजाब सरकार इसको भी दे रही होगी इसको दे रही होगी इसको दे रही होगी ऐसे हरियाणा में जो लोग काम कर रहे हैं वो पैसा हरियाणा सरकार को दे रहे होंगे और हरियाणा सरकार इनको दे रही होगी इनको देरी होगी इनको देरी आप समझ रहे हैं ये मकड़ी का जाल बन जाएगा यहां पर आकर और ट्रैफिक इतना जाम हो जाएगा इस मकड़ी के जाल में कि शायद समस्या पैदा हो जाएगी आपका इनपुट बहुत लाजवाब काबिले तारीफ पर आप बताओ क्या यह भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा आप दो कदम चले मैं उस रास्ते पर और आगे चल के देखा आपके कहे हुए रास्ते पर चलो आगे चल के देखते क्या कुछ निकल गया है लेकिन प्रॉब्लम और भयंकर पैदा हो जाएगी इससे तो बैठो और बताओ भाई आप समझ गए ना समस्या और भयंकर हो जाएगी क्या करूं फिर मैं सर वन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल स्टेट वो भी संभव नहीं भाबू मेरे अगर मैं वन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल स्टेट करवाऊंगा तो रजिस्ट्रेशन होगा सेंट्रल लेवल पे समझ रहा मेरी बात को रजिस्ट्रेशन होगा सेंट्रल लेवल पे लेकिन टैक्स कौन सा है आपका संविधान के मुताबिक स्टेट लेवल का और किसी टैक्स को टैक्स कहे जाने के लिए उसके पीछे प्रॉपर लॉबी होना जरूरी होता है तो वैसे करके दिक्कत आएगी आप कह रहे हो अच्छा अच्छा वो कह रहे काम करो ना इसे तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिलवा दो और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस स्टेट का आ रहा होगा उस स्टेट को यहां पर बांट देगी क्या करेगी ये कुछ कुछ काम करने वाला तरीका लग रहा है मुझे कि यार किसी भी स्टेट में कोई भी बंदा बैठा कहीं से भी कारोबार कर रहा है सारा पैसा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस का सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा दो और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस स्टेट का जो बनता होगा उसको वन शॉट में पे कर देगी मुझे लगता है कि शायद वर्केबल है एग्री करते हो कि नहीं करते हो ये वर्केबल लग रहा है मुझे लेकिन इस वर्केबल सिस्टम को उन्होंने पुराने सिस्टम में वर्क नहीं कराया था इस आपके सिस्टम को आपने पता है क्या बता दिया आपने आई का फंडा बता दिया जीएसटी में ऐसा ही होता है जब ट्रांजैक्शन आपकी इंटरस्टेट होती तो पैसा जाता है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो जिस स्टेट का पैसा बनता है उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाता है लेकिन पुराने समय के अंदर सीएसटी के टाइम पर यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे थे ये वर्केबल सोल्यूशन से वर्क नहीं कराया जा रहा था क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट करी थी और मैं क्यों आदत करूं मैंने बात की अब गुड्स के ऊपर रेवेन्यू जाना है तुमको गुड्स के ऊपर रेवेन्यू जाना है तुमको मुझे क्या मिलेगा हम बिना बात के आत क्यों करें कि तुम्हारा पैसा हम लें फिर उसको दे हमें क्या मिल रहा है हमें कुछ नहीं मतलब नहीं है तो इस चक्कर में ये पुराने सिस्टम में ये वर्केबल नहीं रहा था कि हमें तो कुछ मिलना चाहिए ना वहां पर यह काम नहीं करा अब बताइए अब क्या करें कोई और सोल्यूशन है क्या आपके पास शायद कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा जब सारे दरवाजे बंद थे सारी गलियां बंद थी तो मरता क्या न करता इन्होंने कहा भैया ऐसा है जो जिस स्टेट का है अपना अपना पैसा खुद ही रख लो यानी कि इन्होंने यहाँ पर आकर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को कुचल कर रख दिया और पुराने सिस्टम के अंदर सी के लिए लगाया जाने लगा ऑरिजन प्रिंसिपल क्योंकि हमारे पास कोई वर्केबल सॉल्यूशन नहीं था मन मारकर मन मारकर हमने क्या किया यहाँ पर मालिक कि ये जो पूरी कहानी थी इस कहानी को यहाँ से मिटा दिया हमारी अधूरी कहानी ऐसे करके और करने के बाद कहा एक काम करो जो जहां है वहीं ठहर जाओ जो जहां का है हरियाणा से इंटरस्टेट हो रही है हरियाणा सरकार को दे दो यहां हो रही है वहां दे दो इससे बेहतर कोई सोल्यूशन हमारे पास में नहीं है लेकिन यही थी इसकी सबसे बड़ी दूसरी कमी पुराने सिस्टम की कि ये इसके लिए कोई सिस्टम नहीं लेकर आ पाए जिसके चलते अब समस्याएं क्या थी एक तो जो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जो जेन्युअन प्रिंसिपल है वो आपका टूट रहा था क्योंकि भाई ऐसे वाले केस में ये जो चार हजार रुपया है ये किसका पैसा है हरियाणा वाले बंदे का पैसा है या यूपी वाले का बताइए ना हरियाणा वाले का है। उसकी मेहनत का पैसा है पैसा हरियाणा वाले व्यक्ति का और डेवलपमेंट की बारिश कहां होगी दिल्ली यूपी में यूपी में होगी क्योंकि ये पैसा यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा और यूपी गवर्नमेंट इस पैसे को यूपी के डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगी तो कमाई किसी की और मजे लेगा कोई और ऐश उड़ाएगा कोई और ये इसकी दूसरी कमी थी इस कमी के चलते और भी कई सारे इश्यूज पैदा हुए वो ये कि ये कि मान लीजिए अब व्यक्ति आगे सपोज करो इसे यहां फर्दर सेल करता है ठीक है इसने सेल कर दिया इसे सपोज कीजिए डेढ़ लाख रुपए में सेल कराइए एक बात बताइए क्या इस बंदे को यहां पर सी का क्रेडिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा जैसे हम अभी पीछे पढ़ रहे थे क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्लास में हमने किया था तो क्या ऐसे सी एस टी का क्रेडिट मिल जाएगा क्या जैसे मान लीजिए भाई इसका यहां पर सपोज कीजिए इस बंदे की अपनी खुद की आगे इसने बेचा है इसे सपोज करो पंजाब के लिए और यहां इसकी की लाइब्रिटी आ रही है मान लेते हैं टेन थाउजेंड रुपीज की तो क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है कि भाई आपका आउटपुट सी एस टी इतना बनता है इनपुट साइड में आप चार हजार का तो पहले दे ही चुके हो आप अपने वैल्यू एडिशन पे छह हजार का और दे दीजिए क्या ये पॉसिबल है या नहीं है द आंसर इज नो क्योंकि इसकी लाइबिलिटी इसकी लाइबिलिटी बनेगी हरियाणा सरकार के प्रति किसके प्रति हरियाणा सरकार के प्रति और ये जो पैसा है अगर ये पैसा हरियाणा सरकार के पास पहले से आया हुआ होता तो ये कह भी देती चल ठीक है भैया चार हजार हमारे पास पहले से आ गया है छह हजार और दे दे लेकिन ये पैसा तो हरियाणा सरकार के पास था ही नहीं ये पैसा तो कहीं और ही था तो क्या सीएसटी का क्रेडिट बायर को अवेलेबल होता होगा या नहीं क्या इसका क्रेडिट होता होगा कि नहीं होता होगा नहीं हरियाणा सरकार बोलेगी भैया दस हजार का बनता है क्योंकि ये तो बैरियर है ना बीच में यहां तो बीच में लगा हुआ बैरियर हमें क्या पता क्या है क्या नहीं है कैसे और कौन सा हमारे पास पैसा आया है अरे हमारे पास पैसा आता चल भाई चार हजार हमारी पॉकेट में होता पहले से तो हम बोल देते ठीक है भैया चार दस तेरा बनता है चार मेरे पास पहले आ चुका है तो और थोड़ा सा ही दे दे लेकिन मेरे पास तो कोई था ही नहीं जब मेरे पास था तो जो भी आपका बनता है वो आपको पूरा का पूरा यहां पर पे करना पड़ जाएगा ऐसे करके मेरे बच्चा तो इसलिए यहां पर सी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता था जब सीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा तो उसे एक और प्रॉब्लम पैदा होगी वो क्या बताइए देखिए अगर मान लेते हैं भाई इस बंदे की परचेज कॉस्ट क्या थी भाई इसने परचेज किया था ये एक लाख में कॉस्ट क्या बुक करेगा परचेज को डेबिट कितने से करेगा जनरल एंट्री आती है आपको लोड मत लेना दिमाग पर बिल्कुल भी पता है बिल्कुल लोड मत लेना बताइए मैं तो इलेवंथ कौश, क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्रेडिट मिला नहीं है तो परचेज को कितने से डेबिट करेगा बंदा ये एंट्री पास करेगा परचेज डेबिट टू बैंक ही करेगा ना क्या परचेज कितने डेबिट करेगा

प्रॉफिट ऐड कर दिया मान के चलिए इसका भाई साहब बीस हजार रुपए का ठीक है अब ये हो गया एक लाख चौबीस हजार इसकी यहां पर ये यह वैल्यू बन जाती है अब मुझे एक बात और बता दीजिएगा अब चूंकि इसने आगे बेचा है पंजाब के लिए तो सीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा यस और नो हरियाणा से कहां जा रहा है माला पंजाब जा रहा है आएगा आएगा तो बताइए कितने पर आएगा ऑन रुपीज हाउ मच बोलिए हुँ? और एक लाख चौबीस हजार पर ही लाना पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन है भी नहीं तो ये इसकी सेल है यहां पर एक लाख चौबीस हजार की तो जीएसटी आएगा एक लाख चौबीस हजार के ऊपर मान लीजिए चार परसेंट से निकल के आ रहा है तो एक चौबीस पर जब ये आएगा निकल के कितना का जरा बताना एक लाख चौबीस हजार का चार परसेंट फोर नाइन सिक्स जीरो फोर नाइन सिक्स जीरो फोर नाइन सिक्स जीरो मेरा निकल के आ जाएगा और एक लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ साठ निकल के आएगा मुझे बताइए क्या एक बार फिर से टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया या नहीं लगा एक बार फिर से ये जो एक लाख चौबीस हजार आप देख रहे हैं एक चौबीस जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो चार हजार का कंपोनेंट है जो यहां एक चौबीस में ये वाला जो चार आपको दिख रहा है इसके ऊपर भी आपका सी एस टी चार परसेंट से कंप्यूट हो गया है तो यहां पर भी आया टैक्स ऑन टैक्स और जब जब टैक्स ऑन टैक्स की पोजीशन आती है इसे क्या बुलाते हैं कास्ट अच्छा, बढ़ेगी। बढ़ेगी। के ऊपर टैक्स थोक रहे हो यार आप शर्म नहीं आती महंगाई बढ़ेगी इससे लेकिन ये तो शायद मजबूरी थी क्या था मजबूरी थी यहां पर हमने इस ओरिजिन प्रिंसिपल को लगाया सीएसटी में ये हमारा शौक था कि मजबूरी थी ये हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन था ही नहीं हम डेस्टिनेशन स्टेट को यह वाला पैसा पहुंचा ही नहीं पा रहे थे एक और ट्विस्ट दिखाऊं इसके अंदर मैं आपको यह तो मुझे पता लग गया संविधान का स्टेट को पैसा जाएगा ठीक है ओरिजिन स्टेट को पैसा जाएगा यह भी बात समझ में आती है लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर इस टैक्स का नाम सेंट्रल सेल्स टैक्स क्यों है वाई द वर्ड सेंट्रल यूज इन इट्स कभी सोचा नहीं हुआ कि यार ऐसी बातें भी की जा सकती हैं टैक्स के अंदर ये बारीकी आपको पता लगी ना यार शुरू की चार पांच क्लास के अंदर फिर देखना मैं आपको हवा में उड़ा के ले चलूंगा रटवाऊंगा कुछ नहीं यार फिर नाम सेंट्रल वर्ड क्यों आ रहा है यहां पे मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आ रहा लेकिन बात को पूरा समझने के लिए बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटी छोटी बातों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी होता है वाई द वर्ड सेंट्रल यूज हेयर जो भी इसका सही जवाब देगा उसको बीस रुपए का पेटीएम मैं दूंगा कि सेंट्रल वर्ड क्यों आया यहां पर सौ रुपए का इनाम जाओ पांच सौ रुपए जो इसका सही जवाब देगा मेरे कमेंट में वर्ड्स में याद रखना मेरे पांच सौ रुपए का इनाम दूंगा जो ये बता दे कि इसमें सेंट्रल वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया जबकि पैसा तो स्टेट को जाना है सारा का सारा संविधान के तहत स्टेट को जाना स्टेट को ही रहा है फिर सेंट्रल वर्ड क्यों आया सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती हो है करती है। ये तुम नहीं बोल रहे हो पांच सौ रुपए की आग बोल रही है <laughs> उसने आग लगा दी अंदर के बेटा कुछ तो बोल मुंह तो खोल <laughs> मुंह तो खोल क्या डर मुझे भी लग रहा है वैसे, डर मुझे भी लग रहा है बोल बच्चा। को कुछ नहीं मिलता एक ढेला नहीं मिलता इसमें से तनिषा कहते क्योंकि इंटरेस्टेट है वाह वाह क्या बात है इससे क्या निकालू अर्थ में कह रहे सेंट्रल सेल्स टैक्स इसलिए क्योंकि इंटरेस्टेड है मतलब मैचिंग कर रहे हो क्या बिकॉज सीएसटी एलिमेंट ऑफ यूनियन टैक्स ऐसी की तैसी <laughs> ये ये नहीं बोल रहे हैं पांच सौ की आग बहुत बड़ी होती है यार हाँ अगर आपके अंदर के ज्ञान को बाहर लेकर आना है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे भाई साहब तब तक निकल के नहीं आएगा मोमबत्ती का मोम पिघलाने के लिए तो आग तो लगानी पड़ेगी दो स्टेट के बीच में है इसलिए वाह 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 वा। इज टेकिंग प्लेस ओ मैं बताता हूं देखो देखो ऐसा होता है अगर मैं ऐसा करूं इससे पहले कि बच्चा गूगल करके मुझे बता दे पांच सौ रुपए ले जाए मुझे आंसर बता देना चाहिए ये ये यूपी से हरियाणा माल जा रहा है ठीक है हाँ मैं तो देख लो हाँ तुम्हें देखो ये तो बहुत तेज भाग रहा भाई साहब कंज्यूम्ड विद इन द स्टेट कंज्यूम ऑफ रुक जाओ पढ़ने दो बिकॉज इट इज लिस्टेड इन इनबल बच्चा यूपी से हरण जा रहा है तो अगर मान लेते हैं सीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल सेल्स टैक्स मतलब कि इसको जो लॉ बनाया गया है फ्रेम किया गया है वो बाई सेंट्रल गवर्नमेंट किया गया है समझ में आ गई बात पर क्वेश्चन मेरा यही है कि क्यों किया ऐसा सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब हो गया रुक तो जाओ सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब कोई भी क्वेश्चन वहीं रह गया सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब यह हुआ कि जो लॉ बनाया वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है पर ये आंसर नहीं हुआ अभी क्वेश्चन वहीं क्यों हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है बात अभी भी वहीं पर जब पैसा मिल रहा है स्टेट को संविधान कहता है स्टेट का मैटर है तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेसी करने के लिए क्यों आई बीच में बच्चा कह रहा कुछ मिल रहा होगा अरे इस कुछ ना मिल रहा है। उसे एक ध्यान ना मिलता है इसके अंदर अपने फीस तक ना मिलती लॉ बनाने की मेंटेन करने की अमेंडमेंट्स लाने की कोई फीस नहीं मिलती सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर भी बना रखा क्यों इसका जवाब चाहिए मुझे देखिए मान के चलिए अगर एक बात ध्यान रखना अगर आपको अपने जीवन में किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की इंपॉर्टेंस जाननी हो ना तो उस व्यक्ति या वस्तु को अपने से दूर कर देना कुछ समय के लिए इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आ जाती है पत्नी जब मायके जाती है तो इंपॉर्टेंस समझ में आती है खाने की किल्लत हो जाती है कपड़े नहीं मिलते कहां रखे कहां गए गंदे छंदे पड़े रहते हैं नहीं? और बहुत सारी समस्या पैदा हो जाती है तो एक काम करते हैं लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है पर क्यों बनाया है ये जानने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए एक काम करके देखते अगर कर मान लो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती तो क्या हो जाता दिक्कतें कहां पर आती तो मान लीजिए यहां पर यूपी स्टेट का अपना लॉ बना हुआ होता इनका अपना लॉ बना हुआ होता पंजाब का अपना ओन लॉ बना हुआ है राजस्थान का अपना ओन लॉ बना हुआ है सबके अपने अपने लॉ बने हुए होंगे जब सबको अपना अपना लॉ बनाने की पावर रही होगी तो किसी का लॉ काला होगा किसी का लॉ पीला होगा किसी का लॉ नीला होगा किसी का लो लाल होगा मानते इस बात को जब सबको अपनी अपनी पावर है आपको अपनी अपनी चॉइस है कि आप किसी भी रंग के कपड़े पहन के आ सकते तो एक ने लाल पहने एक ने काले पहने एक ने पिंक पहने एक ने नीले पहने हैं गर्ल्स नीले कपड़े नील, पहन रहे हैं और लड़के नी गुलाबी कपड़े पहन रहे हैं मजे की बात तो ये है सबकी चॉइस है अपनी ऐसे यहां पर ये काम कर देते यहां पर ये काम कर देते मालिक तो अब ये तो कह रहा है कि भाई काला उसको समझ में आ रहा पीला वो कह रहा आगे त्र, इस त्र, अगली ट्रांजेक्शन में वो कह रहा पीला वो कह रहा नहीं नीला वो कह रहा नीला वो कह रहा नहीं लाल आपको बात समझ में आ रही है सेलर और बायर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिसमैच हो जाती क्योंकि वो लॉ दोनों के साइड पर अलग अलग थे ये अपने लॉ से बंधा हुआ है ये अपने लॉ से बंधा हुआ है तो इनमें हो जाता बहुत केड़ा वाला डिस्प्यूट डिस्प्यूट ना हो उसके लिए जरूरी क्या है कि इन सभी के बीच में लॉ कैसा होना चाहिए एक चाहे लाल है तो सब में लाल ही चलेगा पीला है तो पीला ही होगा नीला तो नीला ही होगा यानी कि लॉ चाहिए हमें यहां पर यूनिफॉर्म ताकि बायर और सेलर की जो अंडरस्टैंडिंग है जो सोच है वो एक जैसी रहे सभी के ऊपर एक जैसा लॉ एप्लीकेबल हो तो तो ट्रांजैक्शन ठीक से हो पाएगी वरना नहीं हो पाएगी अब यूनिफॉर्म लॉ कैसे बने यूनिफॉर्म लॉ तभी बनाया जा सकता है जब इसकी पावर यूनियन को हो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो वही तो सबके लिए एक लॉ बना सकती है ऐसे मानो सारे स्टेट यहां हैं और इन सबकी लगाम इन घोड़ों की लगाम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो जो एक लॉ बनाएंगे वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हो जाएगा सो टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी द स्टेट्स सरकार ने यहां पर आगे आके कदम बढ़ाया और फ्री में इनको सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स लॉ बनाकर दे दिया है आपके दिमाग को थोड़ा और डेवलप करना चाहता हूं पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई आ गई ना अगर यहां तक समझ में आ गई तो एक पायदान और ऊपर चली है जब दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है तो इनके अब्बू ने इनके अब्बू आगे बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म लॉ बना दिया और अगर दो कंट्री के बीच ट्रांजैक्शन हो रही हो तो वहां अब्बू कौन होंगे क्वेश्चन समझ ली? दो दो, दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हुई तो अब्बू बीच में आए और दोनों की लगाम खींची है ऐसे नहीं एक लॉ बना के दोनों पे ही लगेगा लेकिन दो कंट्री के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होगी तो वहां अबू कौन है वहां पर कस्टम लॉ लगता है तो कस्टम लॉ भी आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए कि अगर ऐसी बात है तो तो वहां अबू कौन है मुझे सही जवाब दिया पहले तो यही क्लास में से मिल गया है दूसरा अभी चावला ने सही जवाब दिया है आ, सिमन बंसल ने सही जवाब दिया है भाई साहब कमाल कर दिया बच्चों ने तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ जैसे आपका सी एस टी कॉमन है ना वैसे आपका कस्टम लॉ जो कि आप सी ए फाइनल में जाके पढ़ेंगे वो आपका यूनिफॉर्म लॉ है हर कंट्री का कस्टम लॉ लगभग एक जैसा ही है किसी को छोटा मोटा चेंज भी करना होता है ना तो पहले अब्बू से परमिशन लेते कि अबू अपने हम चेंज कर लें स्टेट में तो बिल्कुल डिट्टो एक ही है कॉपी ही एक है वही बढ़ती है सबके बीच फोटो कॉपियों के पर कंट्री में थोड़ा सा तो अंतर पड़ता है ना यार तो वहाँ पर आकर कंट्री लेवल पे आके अपने सबके कस्टमर लॉ अलग अलग है बट उनमें जो कंटेंट है जो प्रोविजन है वो उनका सबका सेम है और कोई भी कंट्री अपने लॉ के अंदर मेजर चेंज करने से पहले अब्बू की परमिशन लेते हैं कि क्या हम ऐसा कर लें या ना करें आई होप बात समझ में आ गई होगी तो ये था सी को हमने रोस्ट किया कि पहली इसमें कमी कि यह मजबूरी में ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है जिसके चलते हमें कास्ट कटिंग इफेक्ट इसका झेलना पड़ता है और यह समस्या हमारे सामने आ जाती है सीएसटी जाता स्टेट को है क्योंकि संविधान ने कहा था कि सेल ऑफ गुड्स के ऊपर पैसा स्टेट को जाएगा और इसका नाम सी इसलिए है क्योंकि इसमें हमें स्टेट के बीच में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी थी भूल जाओगे या याद रहेगा पक्का ना अभी लिखने की बात नहीं कर रहा लिखना कैसे अभी सिर्फ समझने की बात चल रही है हमारी और इस लिखने के लिए नहीं नहीं आपके में। सेल करने पर ये होता था, और इंटरस्टेट करने पर सीएसटी हुआ करता था ये समस्याएं थी <laughs> और मैं आपको बताता हूं कि कास्ट कैडिंग कहां कहां पर कैसे कैसे बुरी तरह से फैला हुआ था कैसे उसने हमको यहां पर जकड़ रखा था साहब मैं एक पेज और यहां पर ऐड कर रहा हूं ऐसे करके कोई बात नहीं आप थोड़ा कर लीजिएगा मैनेज थोड़ा सा एक पेज मैंने और ऐड किया यहां पर आकर मैं मैं एक सर्विस प्रोवाइडर पुराने समय की बात कर रही हैं मैं एक सर्विस प्रोवाइडर तो मुझे बताइए यहां पर आकर जब मैं अपनी सर्विसेज देता था तो मेरे ऊपर कौन सा टैक्स लगता था मैंने अपनी सर्विस दी मेरे ऊपर टैक्स कौन सा लगता था जी है बच्चा सर्विस टैक्स यहाँ पे लगता था साहिब सर्विस टैक्स मुझे देना पड़ता था सपोज करो मेरी जो कलेक्शन आई वो दस लाख रुपए की कलेक्शन आती है वैल्यू ये निकल के आई और इसके ऊपर लगता था मेरा सर्विस टैक्स सपोज़ करो ट्वेल्व परसेंट से तो वो आ गया भाई साहब हमारा भगवान झूठ ना बुलाए एक लाख बीस हज़ार रुपये ग्यारह लाख बीस हज़ार पुराने टाइम में मैंने जो कैमरा ये सामने रखा हुआ है ये कैमरा लेकर आया था एक लाख रुपए का पुराने समय के के अंदर एक ट्रेडर के पास गया गया शोरूम में गया, वहां से कैमरा लिया एक लाख रुपए का और इसके ऊपर वैट लगकर आया था मान लेते हैं दस परसेंट से क्योंकि सेल हुई थी ना पुराने समय में ये दस हजार का वैट लग के आया था क्या आपको पता सर्विस टैक्स का पैसा कुछ को मिलता था सर्विस टैक्स का अमाउंट किसको जाता था मैं बताता हूं आपको देखो यही लिख देते हैं <laughs> ये ये जो सेंट एक्साइज ड्यूटी का पैसा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को वेट का पैसा जाता था स्टेट गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स का पैसा जाता था स्टेट गवर्नमेंट को और ये पैसा जाता था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपनी मनमर्जी नहीं थी ये तो व्यवस्था थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कौन सा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और कौन सा भाई नाम से पता लग रहा है कि स्टेट को सर्विस तो जाएगा, जाएगा टैक्स ये जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को तो यहां पर होता क्या था भैया जी ये जो पैसा है अपना ये जो वैट का पैसा है ये किसको गया होगा ये गया होगा स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट को पैसा गया होगा और ये जो पैसा जाने वाला है किसको जाने वाला है यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल हो पाता होगा कि जब मैं मेरी सर्विस टैक्स की लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा हूं एक लाख बीस हजार को तो मैं बोलूं नहीं भाई साहब मैंने कैमरा भी लेकर आया था अपने बिजनेस पर्पज के लिए दस मेरे कम कर दो आप मुझसे एक लाख दस ले लो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे दस लाख की छूट यहां दे देगी क्या दस लाख की रिबेट दस लाख का सेट ऑफ दस लाख कम मुझसे ले, ले सॉरी दस हजार कम मुझसे ले लेगी यस और नो क्या मुझसे गवर्नमेंट यहां पर कम ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ये दस हजार किसके पास में है दस हर किसके पास गया था ये स्टेट के पास में गया हुआ है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कम ले लेगी ले? कि चल तूने दे दिया एस्टर को दे दिया मुझे दिया एक ही बात है क्या फर्क पड़ता है नेवर कभी नहीं कभी नहीं होगा ऐसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा भैया मेरा बनता है एक बीस मुझे एक बीस दे जा कि साहब दस तो मैं दे चुका कि हमें थोड़ी ना दिए हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए हुए होते तो सोचा जा सकता था कि चल ठीक है यार दस पहले आ गए थे बाकी अब रहते तो यहां पर आकर अब होगा क्या अभी जो दस हजार यहां पर ये वैट का पैसा था मालिक अब इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं मेरी परचेज कॉस्ट यहां पर क्या डालूंगा बताएंगे आप मुझे मैं परचेज कॉस्ट डालूंगा एक लाख दस हजार रुपए की बिकॉज मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा तो पुराने समय के अंदर यह भी समस्या पैदा हुआ करती थी कि जो मेरे इनपुट साइड के कई सारे क्रेडिट थे वो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाते थे बिकॉज बिकॉज इसलिए क्योंकि कई सारे टैक्स आपके सेंट्रल लेवल के थे कई सारे टैक्स आपके स्टेट लेवल के हुआ करते थे मेरी आउटपुट लायबिलिटी यहां पर सेंट्रल लेवल की है तो मुझे स्टेट लेवल के टैक्स का क्रेडिट नहीं मिला करता था एंड वाइस से वर्षा क्योंकि दो अलग अलग लेवल हो जाया करते थे क्रेडिट आपको तब मिलेगा जब सेम लेवल पर आपका टैक्स बनता हो तो ठीक है जी तो ये आपकी पुराने सिस्टम की कमियां चल रही हैं पुराने सिस्टम को रोस्ट करने हम यहां पर बैठे हुए हैं तो ये था अपना यहां पर आकर ये ये रहा आ, 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 ये रहा पर्सन कास्केडिंग इफेक्ट पुराने समय में हुआ करता था यस लेकिन नए समय में आपको मैं सिद्ध कर दूंगा प्रूफ कर दूंगा कि यहां पर आपका कास्केडिंग नहीं आता है सर आगे क्या लिखा है आ, नो कास्केडिंग इफेक्ट अप टू 99.99 नाएंट मतलब क्या ना� मतलब यह है क्या डेटॉल पूरे कीटाणु मार देता है एड देखते हो ना टीवी देखते हो ना क्या लाइजोल से पोछा मारते हैं क्या पूरे कीटाणु मारता है लेंस लगा के देखते हैं एक दो कीटाणु फिर भी दिखता है फर्श पे क्या कोलगेट पूरे कीटाणु मार देता है दिखता है ना हमेशा यही बोलेंगे कभी कोई नहीं बोलेगा हंड्रेड परसेंट कीटाणु मारते क्योंकि मारते ही कहा कीटाणुओं को <laughs> बचा के रखते सेफ्टी के लिए कोई लीगल केस ना हो जाए कह रहे जम्स को मारे नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट तो हम भी कह रहे हैं हमारे कास्ट कटिंग को मारे नाइन क्योंकि एक सिचुएशन जीएसटी में भी है जहां पर कास्ट कटिंग आ रहा होगा टाइम आएगा तब मैं आपको वहां पर जाकर बता दूंगा इस बात को भी ठीक है यस yes, सर लेकिन मान के चलो लगभग कास्ट कटिंग को साफ कर दिया है कोलगेट की बात इक्का दुबका कोई रह गया है तो देखो वो नेगलिजिबल है उसको हम ध्यान में रखना चाहिए तो वो ना करना चाहिए डबल टैक्सेशन डबल टैक्सेशन अब डबल टैक्सेशन का क्या सीन है वो भी सुन लीजिए जरा डबल टैक्सेशन में मेरे बच्चा क्या हो रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रेस्टोरेंट की रेस्टोरेंट की यहां पर बात करते हैं आप पुराने समय के अंदर खाना खाने जाया करते थे ठीक है जी और वहां पर आपने खाना खाया तो रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हैं तो वो आ, क्या होता है मतलब गुड्स की ट्रांजेक्शन है या सर्विस की ट्रांजेक्शन है सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है सर्विस, सर्विस है कैसे किसने बताया गुण। गुण। आप वहां जाते हैं आपकी भूख मिटाने के लिए रोटी खाई आपने वहां पे मलाई कोफ्ता खाया आपने हैं अच्छा खाना बना रहा है खाना बना खिला भी रहा है इस बनाने खिला रहा है वो खाना बेच नहीं था खाना खिला रहा है सर्व भी कर रहा है हाँ बात ठीक है तो में सर्विस एलिमेंट भी है मतलब इसमें ना अब देखो अगर सिर्फ रोटी की बात हो तो ढाबे पे सौ रुपये की थाली मिल जाती है लेकिन वही थाली फाइव स्टार में चले जाइए आपको मिलेगी तीन हज़ार रुपये की तो बाकी रोटी तो वही है गेहूँ की सर्व करने का तरीका चेंज हो जाता है ढाबे पर हमने खाया खूब जब सीए लाइफ में खूब ढाबे पर खाना खाया हमने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है पंद्रह रुपये में मिलती थी उस समय थाली पंद्रह रुपये में बढ़िया वाली करारी रोटियाँ मिलती थी क्योंकि ढाबे पर कच्ची रोटियाँ मिलती हैं अक्सर तो हमने ढाबा ढूंढते थे यार कोई ऐसा मिले जहाँ पर करारी मिले दस रुपए में कच्ची रोटी वाली मिलती थी पंद्रह रुपए में थाली मिलती थी बेस्ट दो सब्जी वगैरह रायता वगैरह सब कुछ मिलता था उसमें आज से इक्कीस साल पहले ठीक <laughs> है और हॉस्टल का बेड मिलता था शानदार लग्जीरियस आठ सौ रुपए में अब कितने का शायद आठ सात आठ रुपए का मिलता है आठ सौ रुपए मिलता था बेस्ट वाला वालियर नर्सिंग होम के पास में ऋषभ हॉस्टल हुआ करता था उसमें था एक बड़ा खुला खुला हॉस्टल था वो खैर रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें ढाबे पे जो खाना आता है ना तो रोटी आएगी पहले तो मांग दे, दे जा वो भी फेंक मरगल घूमती हुई आएगी कभी कभी बीच में कैच हो जाती है <laughs> दूसरा पानी के गिलास में बाल निकल आए तो कोई बड़ी बात नहीं निकालकर फेंक दे दो बाल को अलग कर दीजिए आप ठीक है और जब प्लेट आपके सामने आएगी तो मजे की बात ये आपको ये तक पता लग जाएगा कि आपसे पहले वाला क्या खा कर गया है मतलब उसमें कुछ ना कुछ अंश रह जाते हैं उसकी कड़ी के ये कड़ी खा के गया ये कड़ी खाने वाला लेकिन वहां आपको एक प्रॉपर फाइव स्टार के अंदर रेस्टोरेंट में बैठोगे तो जाके एक पूरा एक माहौल दिया जाता है तरीके से तमीज से खिचड़ी को भी पता नहीं अमृत बनाकर परोस दिया जाता है आपको तो कुछ अलग वहां पर होता है तरीका है परोसने का प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं इसी बात के नंबर भी मिलते हैं आपको तो सर्विस एलिमेंट तो है गुड्स भी है लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये गुड्स है तो भैया इस पर जाएगा वैट्स और वो भी जाएगा टू स्टेट गवर्नमेंट और अगर ये आपकी सर्विस है तो भाई इस पर जाएगा आपका क्या रे सर्विस टैक्स जाएगा वो किसको जाएगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो आज क्लास चली है लोड मत लेना दिमाग पर यह बात ऐसी कि ठीक है जहन में पड़ी होनी चाहिए कि कभी भी जरूरत पड़ी तो हमको यूज कर पाए एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आ रही है नाइन को रिवाइज करने की जरूरत है लेकिन आपके जहन में आपके दिमाग में चीजें पड़ी होनी चाहिए कि यह क्या था गुड्स और सर्विसेस और मैं आपको लिख के दे सकता हूं पहले चैप्टर में से एग्जाम में नहीं आएगा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है लेकिन इसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा ठीक है <laughs> तो ये आपका सर्विस टैक्स जाता था इसको अब मान लीजिए आप यहां पर गए और आपने यहां पर खाया खाना और खाने का बिल कितना आया जी आपका फैमिली के साथ में गए थे खाने का बिल आता है आपका मान लीजिए पांच हजार रुपए का अब बताइए टैक्स किसको दिया जाए अगर गुड्स बोलते हो तो टैक्स जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को वैट जाएगा और सर्विस बोलते हो तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं ये गुड्स है कि सर्विस है क्या है ये दोनों है देखिए गुड्स और सर्विस में उतना ही अंतर होता है जितना कि एक अंतर लड़के में और लड़की में होता है ये लड़का है और ये लड़की है अगर आप कह रहे हो दोनों हो तो इसका मतलब ये हो कि आप एक ही व्यक्ति को एक ही समय में लड़का भी बोल रहे हो और लड़की भी बोल रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है आपका दिमाग जा रहा थर्ड जेंडर की तरफ थर्ड जेंडर की तरफ मत जाइएगा थर्ड जेंडर में भी या तो लड़की के करेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे या लड़के के करेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे अगर उनको भी हम कैटेगराइज करें तो मेल या फीमेल की तरफ तो उनमें भी करेक्टर के हिसाब से मेल फीमेल में कैटेगराइज किया जा सकता है यह नहीं कह सकते कि यह मेल भी है और फीमेल भी है दोनों नामों से नहीं बुला सकते आप नहीं बुला सकते नहीं बुला सकते, नहीं बुला सकते। तो अगर आप यह कह रहे कि भैया ये तो गलत बात है क्या करूं बताइए किसको पे टैक्स भरूं सेंट्रल गवर्नमेंट को भरूं या स्टेट गवर्नमेंट को को योगी जी को दूं कि मोदी जी को दूं योगी जी को दिया तो मोदी जी मारेंगे मोदी जी को दिया योगी जी मारेंगे सीधी बात है बुलडोज चलवा देंगे भाई साहब आधा दोनों आधार दोनों को दे दे मेरी मर्जी है आधा दोनों को दे दे तो यहां पर क्या हुआ बच्चा वैसे शानदार है लॉ बनाता है कोशिश तो करता है कह रहे आधा आधा दोनों को दे दो लेकिन सरकार ने कहा आइडिया तो ठीक है पर आधे आधे को पूरा पूरा कर देते हैं है? आइडिया ठीक है कि दोनों को दे दो टैक्स पर आधा आधा क्यों पूरा पूरा इस पर वेट लगता था ऑन फाइव थाउजेंड रुपीज के ऊपर जो भी आएगा और यहां पर सर्विस टैक्स भी लगता था ऑन फाइव थाउजेंड के ऊपर भी और यही प्रक्रिया को बोल देते थे हम डबल टैक्सेशन क्या रे डबल टैक्सेशन के नाम से इसको बुलाया जाता था ये इशू सॉल्व ही नहीं हुआ इस इतना बड़ी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट की वेट वाले बोलते हो वेट चाहिए ध्यान है थप्पड़ मारेंगे खींच के ये गुड्स है सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट आए ये सर्विसिंग है सर्विस तो चाहिए मार देंगे तुम्हारी हम बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुप्रीम कोर्ट भी परेशान बी सुप्रीम कोर्ट की केस के स्टडी दस में कह रखा है गुड्स से दस में कह रखा है सर्विस है वो भी दुखी है तो यह समस्या का समाधान मिला ही नहीं था पुराने सिस्टम के अंदर और यहां पर हो रहा था डबल टैक्सेशन ऐसे तीन चार केस और आते थे पुराने सिस्टम के अंदर जहां पर कि डबल टैक्सेशन हो रहा था लेकिन अब अब जीएसटी के अंदर आकर इसका सोल्यूशन दे दिया गया है मैं सिद्ध करूंगा जब जीएसटी पर आऊंगा अभी जीएसटी पर आया ही नहीं हूं पुराने को रोस्ट कर रहा हूं लेकिन जीएसटी में आपको डबल टैक्सेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा तो यहां पर आकर यहां डबल टैक्सेशन था फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपना रेस्टोरेंट की एक्टिविटी हो गई रेस्टोरेंट हो गया लेकिन हमारे यहां पर डबल टैक्सेशन नहीं होगा वो भी 99% परसेंट तक नहीं होगा इक्का दुक्का जगह देखने के लिए मिलेगा तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि डेटॉल भी पूरे कीटाणु नहीं मार पा रहा है ठीक है जी ऐसे हो गया और जहां तक सवाल है लेवल का तो ज्योग्राफिकली अगर हम बात करके चलें तो बिजनेस का तीन प्रकार का लेवल हो सकता है एक सेम स्टेट के अंदर बिजनेस है आपका बिजनेस कैसा है हार्डवेयर का सेम स्टेट में कि दूसरे स्टेट में भी है जाता है माल सेम में जाता है अच्छा कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़े और बड़े लेवल पे काम कर रहे होंगे कि दूसरे स्टेट में माल जाता होगा कुछ ऐसे भी होंगे जो और बड़े लेवल पे काम कर रहे होंगे कि वो दूसरे कंट्री में माल जाता होगा तो ज्योग्राफिकली एंगल से देखें तो तीन लेवल होते हैं बिजनेस के इंट्रास्टेट यानी कि सेम स्टेट इंटर स्टेट यानी कि दूसरा स्टेट और इंटरनेशनल यानी इंटरनेशन यानी दो नेशन के बीच में तो पहले तीन लेवल थे अब लेवल कर दिए गए हैं दो मतलब क्या इंटरनेशनल खत्म कर दिया नहीं खत्म नहीं किया है दो स्टेट में कारोबार करो या दो कंट्री में कारोबार करो जीएसटी में नियम कानून लगभग एक जैसे हैं इसलिए जब भी जीएसटी में इंटर स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये दोनों बातों को पकड़ेगा दो स्टेट के बीच वाले को भी और दो कंट्री के बीच वाले को भी पकड़ेगा नहीं इंटरस्टेट का मतलब इंटरस्टेट तो है ही है इंटरनेशनल को भी हम इंटरस्टेट ही बुलाकर चलेंगे अंडर द जीएसटी आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी हां बोलो हाँ हाँ सर जी आ गई है सर्विस चार्ज भी तो लेते थे सर्विस चार्ज अलग चीज होती थी वो, वो अलग चीज थी सर्विस तो ठीक है जी यहां तो हो गया भाई साहब क्लियर हाँ जी हो गया है और क्या एग्जाम्पल है डबल टैक्सेशन के एग्जाम्पल तो और भी है मेरे बच्चा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो गया बताइए चलो आप पूछ रहे हालांकि मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था और एग्जाम्पल तो तो सॉफ्टवेयर ये जो आप बाजार से लेकर आया करते थे क्विक हील एंटीवायरस ये गुड्स था यह सर्विस था आप एक, एक सीडी मिलती थी आपको सीडी के अंदर कोड होता था उस कोड को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर रन कराते थे और आपका सिस्टम एक साल तक सिक्योर हो गया वायरस से तो ये किस चीज की सप्लाई हुई गुड्स की सप्लाई हुई या सर्विस की सप्लाई हुई गुड्स hmm? की ओके okay, आपको सीड़ी दिख रही है आपको सीडी दिख रही है तो आपको लगा यार गुड्स की सप्लाई यहां पर हो रही है तो मतलब आप क्या, क्या क्विक हिल के सॉफ्टवेयर को खरीद लाए ढाई सौ रुपए में दो सौ पचास रुपए में क्या आप क्विक सॉफ्टवेयर खरीद लाए नहीं या फिर क्विक हिल ने आपको आपके सिस्टम को एक साल तक वायरस फ्री रखने की सर्विस दी है दो सौ पचास रुपए में ये तो एक एंगल से देखो तो सर्विस लग रहा है लेकिन जब सीडी पकड़ के हाथ में लाते हैं तो लगता है ये गुड्स है तो इस पर भी झगड़ा था और दोनों टैक्स लगते थे वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट को और सर्विस टैक्स जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे एक आता है आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट आता है उसमें भी ऐसा ही हो रहा था कि उस पर सर्विस टैक्स भी लगता था उसके ऊपर वैट भी लगता था तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके बन रहे थे जहां पर कि डबल टैक्स की हम लोग मालिक बात किया करते थे प्रेम से बोलेंगे राधे राधे तो देखिए मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे सिंगल no टैक्स एक गीता एक बाइबल एक कुरान पहले मल्टीपल एक्ट थे अब सिर्फ एक रह गया है मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थी मैन्युफैक्चरिंग सेल ये वो फलाना डिमका सबके पीछे भागते रहो कौन सी घटना कब हुई अब ऐसा नहीं है अब सिर्फ एक शब्द याद रखना है यदा यदा ही धर्म से गुलानी भवत भारत सप्लाई सप्लाई और सप्लाई आ रहा हूं भाई साहब ये आर ओ भाई साहब मेरे मुंह से क्यों निकल जाता मैं आपको बताता हूं बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो बस में वो आते ना बेचने के लिए सामान कि पेंसिल बेचने के लिए आ गए छोले बेचने के लिए आ वो सामान बेचने के लिए आ गए तो वह बस की अगली खिड़की से चढ़ते हैं वो और अपना प्रचार करते हैं कि कंपनी का प्रचार है आप लोगों का फायदा ऐसे करके ऐसे करके ये ये बस की छत में से हाथ से मारता था और कहता था आ रहा हूँ भाई साहब वो आ रहा हूँ भाई साहब करके पता क्या कर रहा था वो आप समझ में आता है हमें कि वो डिमांड क्रिएट कर रहा है कि मेरे पास लिमिटेड पीस हैं और आ रहा हूँ भाई साहब बुला कोई नहीं रहा उसे पीछे से अगले वाले को ये भ्रम डाल रहा है कि बेटा पीछे से डिमांड आ रही है ऐसा रहो कि वहाँ जा कि माल हो जाए इसलिए खरीद कुछ दिमाग पे छाप पड़ी हुई कि आज भी आकर तो हाँ जी बताइए पुराने समय में सिंगल टैक्स सिंगल कंप्लाय ठीक कंप्लाय मतलब रजिस्ट्रेशन रिटर्न अकाउंट वगैरह पुराने में खूब भर भर के था अभी नहीं है ना के बराबर डबल टैक्सेशन पुराने में होता था अभी नहीं है है ना के के बराबर है। पुराने समय के अंदर आपके जो लेवल हुआ करते थे इंटरनेशनल इंटरस्टेट और अपना इंटरस्टेट लेकिन अब आपके लेवल सिर्फ दो ही रह गए हैं इंटरस्टेट और अपना ये इंटरस्टेट ऐसे करके मालिक यहाँ पर बात कर दी जाती है फिर भी अगर आप चार बातों को पूछोगे तो भाई कौन कौन सी चार बातें हैं जिनके दम पर आपका जीएसटी एस इंडिया में आया पहला मल्टीपल टैक्सेस दूसरा मल्टीपल प्रोसीजर और इसी में आ जाते हैं आप कहीं मल्टीपल प्रोसीजर ये इसमें आ जाते हैं और नंबर तीन पर ये हो गया और नंबर चार पर ये हो गया आप चार पॉइंट को याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए मल्टीपल टैक्स मल्टीपल प्रोसीजर कास्ट और डबल टैक्सेशन ये चार बेसिक कमियाँ थी पुराने सिस्टम के अंदर इन सभी कमियों को ओवरकम करते हुए मेरा जीएसटी हिंदुस्तान में आया एक जुलाई 2017 को नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल अब मैं सिद्ध कर दूंगा इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको जीएसटी में देखने के लिए नहीं मिलेगी तो मुझे इतना बताइए क्या आपको यह समझ में आ गया कि हां जीएसटी आया क्यों था और आ भी गया तो अब दिखता कैसा है अब हम उस पॉइंट पर चर्चा करने के लिए चलेंगे कि बेटा आ गया है नया नवेला है काला है गोरा है कैसा है अरे दिखाओ तो सही इसका मुंह तो दिखाओ मुंह दिखाई तो कर दो है कैसा दिखता कैसा है ये लेकिन मुंह दिखाई से पहले ये पता होना चाहिए कि यार आया सही आया अब थोड़ा सा लगाव हो रहा है जीएसटी से कि चल ठीक किया इसने बहुत ठीक कर दिया यार बहुत ठीक कर दिया लेकिन बीच में एक और काउंटर क्वेश्चन आ जाता है जब इतना ही बढ़िया है जीएसटी कि हमारा रूम रूम खिल रहा है कि हां ठीक हुआ यार अच्छा हुआ बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म हुआ तो फिर इतने बवाल क्यों हुए थे सड़कों पर लोग क्यों उतरे थे पुतले क्यों फूके गए थे क्योंकि तो मैं दोनों तरफ की बात करके चलूंगा क्या बवाल था जी ऐसा क्यों किया गया था देखिए जीएसटी के अंदर ऑडी के लोगों जैसे छल्ले बड़े हुए हैं हु? कंट्रोल है आप चोरी नहीं कर सकते आप चोरी नहीं कर सकते तो जो लोग चोरी किया करते थे पुराने सिस्टम के अंदर, उन लोगों की नाक में नकेल डाल दी सरकार ने वो लोग सड़कों पे आ गए और एक मजे की बात बताऊं थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब जीएसटी से लोग इतना नहीं डरते हैं जितना कि इनकम टैक्स से डरते हैं सोचिए आज मेरा बिजनेस सपोज करो दस करोड़ का पुराने समय के अंदर मैं सेल दिखाया करता था मात्र तीन करोड़ रुपए सात करोड़ गए कैश में ठीक तीन करोड़ पे टैक्स भर दिया और तीन करोड़ के हिसाब से प्रॉफिट निकलता था टर्न ओवर तीन करोड़ दिखाया एक करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया वही तीस बत्तीस पैंतीस लाख रुपए टैक्स भर दिया चलो ठीक है यार खत्म कहानी दस करोड़ का टर्न है तो जीएसटी तो जाएगा ही जाएगा प्रॉफिट दिखाओ नहीं जो है उसे बताना पड़ेगा समझ में आ रही क्योंकि तो सारी ट्रांजैक्शन जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट वाले और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपस में बड़े तरह अच्छे तरीके से मिले हुए हैं जैसे कि दाल चावल का संगम है ऐसे मिले हुए हैं दोनों के दोनों इन्फॉर्मेशन यू शेयर होती हैं आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आया तो बी रेडी कि इनकम टैक्स से चल दिया है इनकम टैक्स से आया तो मान लेना कि जीएसटी से भी आने वाला है ऐसे कनेक्टेड है तो दस करोड़ मैं कितना दिखाऊंगा अमूमन सर्विस सेक्टर में सात सेवेंटी परसेंट का मार्जिन होता है सात करोड़ का प्रॉफिट अब सात करोड़ के प्रॉफिट पे आप सोच लीजिए टैक्स कितना बनता होगा थर्टी परसेंट फ्लैट ही लगा दो, दो करोड़ दो दस लाख रुपए कल कलेजा तो हिल जाता दो तीन दिन दिल बाहर रहता है शरीर से बाहर रहता है दिल ना हिल जाता बिल्कुल जगह से मैं चला जाता हूँ कहीं घूमने घामने के लिए ठीक है यार सब मोहमाया है सब बेकार की चीजें हैं व्यक्ति दो दो चार चार दस दस हजार रुपए बचाता है सेविंग करता है और वहां करोड़ों रुपए यूं चले जाते हैं झटके में दिमाग पता नहीं क्या कैलकुलेशन करता है कितने में तक फ्लैट आ जाता है चार गाड़ियां आ जाती चार फॉर्चुनर आ जाती इसके अंदर तो ये कैलकुलेशन करता है दिमाग प्रॉब्लम यहां है जीएसटी से इतना नहीं डरते जितना डर लगता है इनकम टैक्स से क्योंकि अगर जीएसटी में सारा बिजनेस व्हाइट में होगा तो इनकम टैक्स भी आपको अकॉर्डिंगली भरना पड़ेगा इसलिए लोग झंडे लेकर सड़कों पर आ गए थे कि भाई हाय हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो जब जीएसटी आ भी गया तो लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया आज भी आप सुनते होंगे कि जीएसटी खराब है ये है वो है पहले तो ये समझ जाना उसकी को जो कह रहा है ना खराब है कि भाई तू तो कौन किस लेवल का व्यक्ति है पता लग गई तेरे तो क्या करता था अब तू तो चिड़ क्यों रहा है और दूसरी बात मैं आपको बताऊं क्या छोटे बच्चे को कभी आपने इस तरह से बोला कि बड़ा बदसूरत बड़, बड़, बच्चा है तो कभी बोला है नहीं ना अरे गोरा हो काला हो सामला हो जैसा मर्जी हो बच्चे हमेशा क्यूट होते हैं हाँ जब व्यक्ति बड़ा हो जाता जरूर से कि भाई सुन ज्यादा सुंदर है कम सुंदर है कैटेगराइज करते लेकिन छोटे बच्चे को तो कभी नहीं करते ना और मेरा जीएसटी अरे साल भर का नहीं हुआ था लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था अरे चलना तक नहीं सीखा था इसने अभी कितनी उम्र होगी इसकी दो से लेकर दो हजार साल का बच्चा है यार अभी स्कूल जाना शुरू किया है आप इसे क्रिटिसाइज कर रहे हो अरे थोड़ा बड़ा होने दो अभी तो गबरू जवान बनेगा ताकतवर बनेगा फिर देखेंगे ये कौन सा यहां पर टैक्स की चोरी करेगा अभी बच्चा है मेरा बच्चा अभी छोटा जी अस्थिर कर लो बात कर लो फिर सबको ये जवाब देगा आके थोड़ा बड़ा हो जाने दो उसको ना जिम विम जाया करेगा फिर ये मेरी तरह ठीक है जी तो ये तो क्वालिफाई हम कर चुके कि ठीक है भाई हमने दो स्टेज पार करी अभी तक और मैं फिर से बता दूं इस चैप्टर में से एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आ रहा एक नंबर का भी नहीं आएगा लेकिन इस चैप्टर के बिना हम अगला चैप्टर पढ़ भी नहीं सकते हैं मैं आपकी वो बेस बिल्डिंग करके आपके दिमाग को इतना मजबूत कर रहा हूं कि यार जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछू ना तो आप फटाफट उसका आंसर देने में सक्षम हो आप लोग बता दिया टैक्स क्या क्यों डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स उसके भीतर पुराने सिस्टम को रोस्ट किया नए सिस्टम को जस्टिफाई किया और नया सिस्टम आ गया है तो अब यहां पर होगी मुंह दिखाई कि बेटा दिखता कैसा है तो क्या अब मुझे आपको ब्रेक दे देना चाहिए क्योंकि हम नया एक टॉपिक अपना छेड़ने जा रहे हैं व्हाट इज जीएसटी यहां से असल में आपका जीएसटी शुरू होता है अब विंग ए ब्रेक ऑफ कितने मिनट करोगे दस मिनट का तो नौ बजकर एक मिनट हो रहे हैं तो नौ बज के ठीक हम मिलते हैं आपको बारह मिनट पर ठीक है नौ बज के बारह मिनट पर आपसे मुलाकात होती है चलिए साहब हैविंग ए ब्रेक किट किट ब्राला सर बिफोर जीएसटी हाउ मच इनडायरेक्ट टैक्स वॉज बीन कलेक्ट अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा अभी चावला ने सर ये इधर इधर अभी ब्रेक नहीं है ये जीएसटी आने से पहले कलेक्शन क्या थी बता दो सोलह लाख करोड़ दोनों की मिलाकर इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की मिलाकर मतलब इंडायरेक्ट टैक्स लगभग आठ लाख करोड़ का था इनडायरेक्ट टैक्स आठ लाख करोड़ का था लगभग आपका ये डायरेक्ट टैक्स और आज सोलह लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है आपका जीएसटी और सोलह लाख करोड़ के आसपास का चल रहा है सोलह तो नहीं लेकिन थोड़ा कम है चौदह पंद्रह के आसपास चल रहा है आपका इनकम टैक्स तो डबल हो चुका है रेवेन्यू डबल ठीक है यह है मामला तो आप खुद देख रहे हैं अपने आप आपने देखा होगा आपके हार्डवेयर की दुकान है कि पहले क्या होता सिस्टम टैक्स को लेकर अब क्या है अब तो टैक्स ने त्राहिमाम मचा रखी है और एक बात छोटी सी निवेदन मेरा यह है कि जब कर्फ्यू लगा हुआ हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए ना कोविड में भी कर्फ्यू लगा था बाहर निकले थे डंडे खा के आए थे ऐसे ही टैक्स का जीएसटी का कर्फ्यू अभी लगा हुआ है खुद और अपने आसपास के जानने वालों को पड़ोसियों को सूचित कर दीजिएगा कि आप जितने चतुर बन रहे हो ना अपनी चतुराई को जेब में रखो आजकल ऐसे सिस्टम आ गए हैं इतना गवर्नमेंट की तरफ से ड्राइव चल रहा है कि आप यू पकड़े जाओगे यू 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 पकड़े जाओगे मेरे पास आठ नोटिस हैं कितने आठ नोटिस है मेरे पास में हम आपने आपको बहुत चतुर समझते थे थोड़ा बहुत किया आठ नोटिस है समझ मही बात चतुर मत बनना प्रेम से बोलेंगे राधे राधे मिलते हैं आपसे नौ बज के बारह मिनट में ठीक है चलो ब्रेक बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चले यस सर तो आइए जरा बात को बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ और वो कुछ ऐसे करके है तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जीएसटी आ तो गया है पर इसकी मुंह दिखाई करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये निकल के आता है कि व्हाट इज जीएसटी क्या है जीएसटी तो जैसे गदर एक प्रेम कथा है ऐसे ही जीएसटी एक टैक्स है जीएसटी एक टैक्स है जो गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है क्योंकि तो बिजनेसमैन बिजनेस दो चीजों में करता है है ना तो यह तय है कि जीएसटी लगने के लिए सबसे पहले किसी गुड्स का होना जरूरी है या सर्विस का होना जरूरी है लेकिन क्या गुड्स या सर्विसेस के आ जाने मात्र से जीएसटी लग जाएगा द आंसर इज नो जब तक इस गुड्स के अंदर एक हलचल नहीं होगी एक हरकत नहीं होगी एक जलजला सा नहीं होगा एक मूवमेंट नहीं होगा इसके अंदर तब तक हम जीएसटी नहीं लगा सकते गुड्स या सर्विस के अंदर इसी हलचल मोमेंटम या जलजले को बोला जाता है सप्लाई क्या बोलते हैं सप्लाई कि गुड्स या सर्विसेज की एक सप्लाई होनी चाहिए जब सप्लाई होगी तो ही हम जीएसटी की बात कर सकते हैं अदरवाइज जीएसटी की बात हम नहीं कर सकते हैं और जहां तक सवाल है सप्लाई का तो सप्लाई होती है दो तरीके की एक होती है इंट्रा स्टेट एक होती है इंटर स्टेट्स। दोनों में टैक्स अलग अलग तरीके से लगाया जाता है हुँ? कैसे पता करेंगे कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है तो एक काम करो जहां से सप्लाई चली है और जहां को चली है इन दो पॉइंट्स को इन दो बिंदुओं को पकड़ लो सप्लाई का ओरिजिन और सप्लाई का डेस्टिनेशन इन दो को पकड़ लो पकड़ लिया अब इन दोनों के बीच में देखो क्या कोई किसी प्रकार का बॉर्डर है या नहीं जैसे होता ना कहावत है कि पति पत्नी और वो क्या इनके बीच में वो है कि नहीं है वो मतलब बॉर्डर है या नहीं है कैसा बॉर्डर रे बॉर्डर कैसा हो सकता है बॉर्डर दो स्टेट के बीच का बॉर्डर होता है बॉर्डर दो स्टेट के बीच का हो सकता है बॉर्डर दो यूनियन टेरिटरी के बीच का हो सकता है बॉर्डर दो कंट्री के बीच का हो सकता है बॉर्डर एक तरफ स्टेट दूसरी तरफ यूटी इनके बीच का बॉर्डर हो सकता है बॉर्डर बॉर्डर और बॉर्डर अगर इन दोनों के बीच में बॉर्डर है तो ट्रांजेक्शन बनेगी इंटर स्टेट नहीं तो रह जाएगी इंट्रा स्टेट प्रेम से बोलेंगे राधे राधे इंट्रा स्टेट अब मान लीजिए यूपी से हरियाणा के लिए सामान गया तो बीच में कुछ आया क्या क्या बीच में बॉर्डर आया? आया आया ना तो क्या बन जाएगी इंटर स्टेट और अगर मेरठ से गाजियाबाद के लिए सप्लाई है तो मेरठ और गाजियाबाद दोनों यूपी में ही आते हैं सेम स्टेट में है तो मेरठ से गाजियाबाद के बीच में ना तो किसी स्टेट का बॉर्डर है ना किसी यूनियन टेरिटरी का बॉर्डर ना किसी कंट्री का बॉर्डर है बीच में बॉर्डर है।, है ही नहीं अगर है ही नहीं तो ऐसे वाले केस में ट्रांजेक्शन बनेगी इंट्रा स्टेट अब देखते हैं आपको पहले कितनी नॉलेज है हालांकि मैं तो आपको कोरे कागज की तरह मान के चल रहा हूं जब ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट होती है तो बताइए कौन सा जीएसटी लगाया जाता है सी जीएसटी और एस जीएसटी वेरी गुड तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दू पानी की बोतल है किसी के पास क्या था जब ये जीएसटी आपका आ रहा था ना तो उस समय ये निर्णय लिया गया कि भाई एक काम करो एक काम करो कि आप ना इधर बैठ गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट उधर बैठी थी, थी सारी स्टेट गवर्नमेंट कि भाई जीएसटी लेकर आएंगे पुराने समय में एक्सक्लूसिविलिटी हुआ करती थी कि गुड्स uh, की मैन्युफैक्चरिंग पर जो भी टैक्स बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा सेंट्रल uh, गवर्नमेंट को वैट सिर्फ और सिर्फ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को गुड्स की सेल पर जो भी टैक्स बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा तो एक्सक्लूसिविटी थी <clears throat> तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया क्यों ना यार एक काम करो क्या गुड्स क्या सर्विस तुम अपने हिस्से के टैक्सेस को छोड़ो हम अपने हिस्से के टैक्सेस को छोड़ते हैं और दोनों को मिलाकर जीएसटी बनाकर फिर मिल बांट कर खाते हैं तो सबसे पहले जब सैक्रीफाइस करने की बात आई तो गवर्नमेंट ने अपना छोड़ दिया यहां से क्या भला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इस डब्बे में डाल दी स्वाहा वहां से उन्होंने अपने स्टेट वालों ने अपने से का वैट छोड़ दिया कि उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं स्वाहा फिर इधर से इन्होंने अपना सर्विस टैक्स छोड़ दिया स्वाहा फिर और दीजिए कुछ सामान है उधर से फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपना सेंट्रल सेल्स टैक्स छोड़ देते हैं स्वाहा तो ऐसे करते करते दोनों ने कुल मिलाकर अपने 17 टाइप ऑफ टैक्स को इसमें हवन कुंड के अंदर स्वाहा कर दिया फिर यहां पर आकर इसमें एक बढ़िया सा थोड़ा सा पानी डाला गया और पानी डालकर इसको फिर उन्होंने एक बढ़िया सा मिक्सचर बनाया इसको मिक्सी में घुमाया गया बढ़िया तरीके से चलाया गया और चलाने के बाद में जब बढ़िया सा पेस्ट यहां पर बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद चम्मच से इसमें से एक बाइट निकाला और निकालकर अब बताइए इसे खाएगा कौन सेंट्रल गवर्नमेंट खाएगी स्टेट गवर्नमेंट खाएंगी या दोनों खाएंगी इस पर राइट किसका है दोनों का है अब परसेंटेज का रहे कितना कितना राइट है तो बोला कि भैया आधा आधा रख के चलते हैं दोनों ने लगभग अपने सेम रेवेन्यू वाले टैक्सेस को सेक्रीफाइस किया है इसलिए जब ये चम्मच भर के जो आ रही है जो जीएसटी की चम्मच भर के आई है क्योंकि सारे के सारे टैक्स मिलकर जो पेस्ट बना दिया गया खत्म कर दिए गए सब गए जीएसटी का रूप ले गए हैं तो आधा खाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा खाएगी स्टेट गवर्नमेंट यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवत भारत ध्यान रखना एंटायर जीएसटी में जो मर्जी हो जाए जब जब जीएसटी आएगा तब तब दोनों सरकारें खाएंगी चाहे जीएसटी गुड्स के ऊपर लगा हो तो भी दोनों सरकारों खाने के लिए मिलेगा जीएसटी सर्विसेज के ऊपर लगा हुआ हो तब भी दोनों सरकारें खाएंगी पहले क्या था पहले सर्विसेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट को गुड्स के ऊपर मैन सेल पर पैसा मिलता था सिर्फ स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट को लेकिन अब अब गुड्स की सेल अगर मान लीजिए हो रही है गुड्स की सप्लाई अगर हो रही है तो जीएसटी लगेगा आधा खाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट आधा खाएगी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस दे रहा हूं मैं जीएसटी बना अठारह परसेंट का आधा सर्विस आधा जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट डेस्टिनेशन वाले स्टेट गवर्नमेंट या ओरिजन वाली डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट मैं मैं यूपी से मैं यूपी से हरियाणा के लिए सर्विस दे रहा हूं जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा बिल्कुल लगेगा इसमें जो जीएसटी लगेगा आधा जीएसटी कौन ले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा कौन ले जाएगा स्टेट पर कौन सी वाली स्टेट यूपी वाली स्टेट या हरियाणा वाली स्टेट बोलो यूपी हरियाणा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल प्रिंसिपलना हरियाणा वाली स्टेट कैसे वो देखेंगे बात करेंगे हम ठीक है डेस्टिनेशन स्टेट तो यहां पर आकर देखिए क्या लिखा हुआ है <coughs> बोलते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन तो अगर आपका जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों बिंदु जो हैं वो एक ही स्टेट में फॉल कर रही हैं फिर तो इंट्रा स्टेट है और अरग, अगर ओरिजिन डेस्टिनेशन दो अलग अलग स्टेट में आ रहे हैं तो फिर अपना ये टू डिफरेंट स्टेट में है टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है टू इन स्टेट एक यूटी में और एक स्टेट में है या दो अलग अलग कंट्रीज में है मतलब कहने का मतलब ये है क्रक्स ये है कि इन दोनों के बीच में ओरिजिन डेस्टिनेशन के बीच में आ रहा है एक बॉर्डर बॉर्डर आ गया तो इंटर नहीं तो इंटरा है। इंटर है इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन जब भी होगी तो मान लेते हैं सौ रुपए की अगर ये हुई है और अठारह परसेंट का जीएसटी इसके ऊपर लगाया जा रहा है तो नाइन परसेंट हो जाएगा सी जी एस टी और नाइन परसेंट हो जाएगा आपका एस जी एस टी सी जी एस टी मतलब सेंट्रल जीएसटी एस जी एस टी मतलब स्टेट जीएसटी ऐसे करके यहां पर बात करा दी जाएगी कोई दिक्कत नहीं अच्छा ये जो लगा यहां पर दस हजार कर दो हजार कर देते हैं ये लग गया नाइन परसेंट से नौ सौ रुपये हो गया नौ सौ रुपये हो गया और ये हो जाता है डबल वन एट डबल जीरो पर हो जाता है ये, जो 900 है, ये जाएगा तु तु जाएगा यहां पर कौन सी वाले को है? यहां तो शायद एक ही है ना स्टेट है यूपीआई वही ओरिजिन वही डेस्टिनेशन है तो ये जाएगा अपना टू यूपी गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है आपको यहां तक आगे चलो आगे आता है आपका वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज आ रही है साहब सपोज करो हंड्रेड रुपीज की और ये आपका गुड्स जा रहा है यूपी से हरियाणा की तरफ मूव कर रहा है इस बार <coughs> यूपी से हरियाणा तो क्या करें कौन सा टैक्स लगेगा भाई साहब आई जी एस टी मैं नहीं जानता क्या होता है मैं नहीं जानता आई जीएसटी क्या होता है मैं तो बस दो ही टैक्स जानता हूं जीएसटी जानता सबसे पहले फिर जीएसटी के दो फाड़ कर दिए गए कि एक सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी आई जी एस टी तो मैंने कभी नाम सुना ही नहीं और क्या मतलब आई जीएसटी का बी नेचुरल भाई शर्त यही थी कि सबने दोनों ने अपने अपने टैक्स छोड़े थे अब जीएसटी बना आधा तुम लोग आधा तुम ले सेंट्रल ये स्टेट ले अच्छा क्या म्यूनिसिपलिटी को लोकल अथॉरिटीज को जीएसटी में से कुछ भी मिलेगा नहीं मिलेगा पूछो का ही पूछो पूछो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब यह हवन चल रहा था हवन कुंड में आहूति दी जा रही थी तो म्यूनिसिपलिटी वाले एक भी टैक्स अपना यहां सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं आए थे जब उन्होंने अपना कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं तो जीएसटी में से उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है ये बंटवारा जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और स्टेट के बीच में ही करवाया जाएगा सारे बच्चे कह रहे हैं आईजीएसटी लगेगा आईजीएसटी लगेगा बट आई डोंट एग्री मैं नहीं मानता आई जीएसटी लगेगा भाई मैं तो दो जानता हूं सीजीएसटी जी एस टी और आईजीएसटी बात करता वाई कहां से आई जीएसटी कहाजीएसटी है हमें नहीं पता कहां से आ गया आईजीएसटी है क्या तरीका है ऐसा नहीं होगा भाई मैं तो सीधी सीधी बात लगाऊंगा मैं तो यहां करूंगा भाई ऐसे करके ये रही वैल्यू सौ रुपए की ये सी जी एस टी सी जीएसटी आया आपका और ये एस आ जाएगा नॉर्पे का नॉर्पे का चाहिए दोनों को, दोन को दे रहा हूं मैं क्या दिक्कत है और यहां पर ये से रुपए अपने आ गए यहां आ गए सीजीएसटी ठीक थी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा लेकिन एस जी में कौन से स्टेट को पैसा जाएगा है? एस जीएसटी में कौन से स्टेट को पैसा जाएगा यूपी से ट्रांजैक्शन थी आपकी हरियाणा के लिए किसको जाना चाहिए डेस्टिनेशन सिर्फ हरियाणा के लिए यह पैसा जाएगा हरियाणा के लिए हरियाणा के लिए जाएगा ये लेकिन शायद फिर वही समस्या अटक गई है जो पुराने सिस्टम में थी सीएसटी के समय पर एग्री करते हो कि नहीं करते कि जो बंदा है जो ट्रांजैक्शन की जा रही है यूपी से हरियाणा के लिए तो मिस्टर एक्स है यहां का और मिस्टर वाई है हरियाणा का तो मिस्टर एक्स जिसके ऊपर ये पेमेंट करना है जीएसटी का तो ये हरियाणा सरकार को भला कैसे देकर आएगा जो समस्या सीएसटी के अंदर थी वही समस्या जीएसटी के अंदर फिर आपका सामना कर रही है मुंह चढ़ा रही है सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन क्या है जवाब दीजिए सीएसटी की जब बात चल रही थी तो शायद आपने एक सोल्यूशन निकाला था मैंने कहा था ये वर्क यहां पे वर्केबल नहीं बनाया गया आपने कुछ ऐसा सोल्यूशन दिया था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो तो। सेंट्रल गवर्नमेंट आगे दे देगी इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे अच्छा 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 तो मैं कुछ ऐसे करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे मतलब कुछ ऐसे तो भाई अब दो दो चीज़ें हैं अब बांधनी तो पड़ेगी ना बाजार से तोरे लेके आते हो आप तो कैसे हाथ में लेके आते हो पैक करके देता ना प्रॉपरली आपको तो पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना तो मैं काम कर रहा हूं कि ये तो है मेरा यहां पर आकर एक पेन देना तो ये तो यहां पर आपका मान लीजिए ट्रांजेक्शन हुई नॉर्पे का य सी जी एस टी ये सी जी एस टी है और ये अपना एस जी एस टी है तो उनको पैक कर देते हैं कोई इन्वेलप है यहाँ पे हमारे पास है इन्वेलप है मेरे पास इन्वेलप एर इस एनवेलप के अंदर प्रॉपर इन्वेलप के अंदर इन्वेलप इसको प्रॉपरली पैक करेंगे यहाँ पे पैक कर दिया पैक करके इसको कुछ लेबल लगाना पड़ेगा ना इसके ऊपर इसके ऊपर पैक क्या कर दिया बांध दिया हमने इसको बांधने के लिए हमारे पास डोरी भी है <laughs> इनवेलप आ गया क्या बात है फॉर्मल इनवेलप आ गया जी हमारे पास तो बताना तो पड़ता ना क्या है इसके ऊपर ये बंद कर दिया पेन देना है बांध एक एक मिनट हो जा रहा इसको ना प्रॉपरली बांध दूँ मैं क्या जा रहा पीली चिट्ठी जा रही है <laughs> बांध दिया मैंने इसको बांध दिया ला आप लिखेंगे क्या इस पर लिखूँ बंधा हुआ जीएसटी हैं <laughs> जीएसटी को बांध दिया मैंने कैद कर दिया लेकिन स्पेलिंग ठीक तो नहीं है कि नहीं हाँ चला के <laughs> ये है बंधा हुआ जीएसटी अंग्रेजी में क्या नाम दो उसको मैं बंधा हुआ जीएसटी मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे टाइड ताइड. ताइड. सर्फ एक्सल टाइट वो वाला इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट कर दिया मैंने इनको इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर दिया मैंने इंटीग्रेट कर तो इंटीग्रेटेड जीएसटी शॉर्ट में बोलूं तो आई जीएसटी बढ़ा हुआ जीएसटी आई जीएसटी इसके ऊपर मैं लिफाफे के ऊपर लिख दिया इंटीग्रेटेड जीएसटी आई जीएसटी में लिख दिया और ये अब यहां से हमारी तरफ से उठ के आ जाओ कोई एक नहीं. अब यहां से थोड़ा ऊपर है ना हाथ ऊपर कर करना ठीक है हम तो गरीब आदमी हैं हम तो यहां हैं और सरकार बैठे ऊंचाई पे तो हमने सरकार को उछाल दिया कि सरकार कैच बेबी कैच कर लिया अब सरकार ने कर लिया इसको कैच हमने दे दिया ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर आकर अब सेंट्रल गवर्नमेंट तुम क्या करोगे इसका क्या करोगे इसका लिफाफाब्यूट इस करेंगे खोलोगे पहले हाँ। खोलो तो पहले? लिफाफा खुल रहा है मेहरबान कदान साहिबान ये ऐसे करके है <laughs> हाँ, खोलो क्या निकला रे? क्या निकला कौन सा टैक्स है सर आईजीएसटी इस अंदर क्या निकला है इसमें ये कौन सा टैक्स है? <hans> <hans> मैंने क्या डाला था इसमें सेंट्रल जीएसटी डाला था एक और एक क्या डाला था स्टेट जीएसटी स्टेट जीएसटी डाला था स्टेट जीएसटी में कौन सा था हरियाणा वाला या हरियाणा वाला डेस्टिनेशन हरियाणा ना हरियाणा जीएसटी था इसमें और एक सी जीएसटी था सीजीएसटी कौन सा वाला था ये वाला इससे क्या करना है आपने आप तो मोदी हो ना क्या करना है, है। पानी पिलाओ रहे से <laughs> <laughs> जो सीजीएसटी है आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो, तो, तो आप अपने पास रखोगे ना रखो पॉकेट में ऊपर वाली में रखो यहाँ रख लिए ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी अपने पास में रख लिया है और जो एसजीएसटी जी एस क्या करोगे आप किस दोगे इसका ये है किसका है हरियाणा कहाँ हरियाणा हरियाणा हाँ तो फेंक दो कैच में भी ऐसे करके दे दिया आपने अब क्या बची आपके हाथ में क्या करोगे इसका रख लेते हैं क्या उसका तो। लिफाफे रखते हो हैं लफा रखते हो लिफाफे कर क्या करते हो फेंक देते हैं फेंक दो डस्टबिन में फेंक दिया आई जी एस टी ये लिफाफा है बस आईजीएसटी कोई टैक्स है ही नहीं आईजीएसटी जस्ट एन इनवेलप जीएसटी सिर्फ दो ही तरह का है सीजीएसटी और दूसरा था अपना ये एसजीएसटी दो ही जीएसटी है तीसरा तो लिफाफा था सिर्फ एक माध्यम था एक मीडियम था सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए बंधा हुआ जीएसटी इट्स नॉट ए थर्ड काइंड ऑफ जीएसटी एस टीज ओनली टूट सी जीएसटी और एस जीएसटी प्लस एस जी एस टी आई राइट यस आई होप बात समझ में आगे होगी right? तो to right? yes. हो. हाँ बोलोगे तो हमें अच्छा सा लग जाएगा तो ध्यान रखना आज के बाद से कि जो आपका आई जी एस टी है ये एक इनवेलप है ये सिर्फ लिफाफा है इसके ऊपर ये कुछ भी नहीं है तो यहां पर ये बन गया ऐसे करके मेरे बच्चा हरियाणा जीएसटी और सी इसकी बात यहां पर आकर हो जाती है अब जब ये अठारह रुपए है ये जाएगा कहां पर हम लिखते हैं भाई साहब ये है अपना पेबल पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट आपने ध्यान दिया होगा सीएसटी में हमने हर ऑप्शन पे विचार कर लिया था हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा था एक ये रास्ता किसी बच्चे ने सजेस्ट किया था कि यार ये वर्केबल ये काम कर सकता है लेकिन वहां पर इन्होंने इसलिए इसे वर्केबल नहीं बनाया था क्योंकि सबकी टैक्सेस एक्सक्लूसिव नेचर के थे अपने अपने थे सीएसटी के लिए यह मेहनत क्यों करती सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि सीएसटी में से एक धेला भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला नहीं था लेकिन आज आज पिक्चर अलग है आज इंटरस्टेट सप्लाई पर जो जीएसटी बनेगा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आधा उसमें स्टेट गवर्नमेंट का तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट लोड ले भी सकती कि ठीक है यार हम तक भेजो आगे हम पास ऑन कर देंगे सो दैट डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सके अगर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते और आज भी आईजीएसटी के इस पैटर्न में भी हम ओरिजिन प्रिंसिपल लगाते तो बताइए फिर जीएसटी लाने का फायदा क्या रह जाता क्योंकि तो फिर भी वही कास्ट कटिंग इफेक्ट निकल के सामने आते इससे तो बेहतर सीएसटी ही था फिर जीएसटी क्या को लेके आए फाइन कि व्हाट इज द ऑफ आई जीएसटी ठीक है बाबू बताइए जरा बाबू भैया ए बाबू भैया हाँ सर जी एकदम ठीक है को दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर आकर और एलडाइन चैनल पर हमारे साथ में है मालूम और और मालुपंत और नाम छोटा सा लग रहा थोड़ा कार्तिकेय आदित्य मेरे बच्चा तारा परवीन आदित्य कुमार सिंह जी बच्चा बताइएगा प्लीज सब ठीक ठाक यस सर आई जी एस टी का टैक्स स्टेट को मिलता है अब तो क्या असर मैं आपको कर चुका हूं कि आई जी एस टी आपका सीन क्या करता है कैसे करता एकदम है एकदम ठीक है सर एक्सप्लेनेशन वॉज अमेजिंग अभी तो रुको जरा अभी तो शुरुआती दौर चल रही है अमेजिंग वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है वो दिखाएंगे हम आपको ठहर हो जरा रुको अभी <laughs> सबर करो धक्का मुक्की नहीं करने का ठीक है तो पेबल टू हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं जब आप भी बोलेंगे तब देखना लेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट और अभी तो मैं थोड़ा विजिट पे निकलूंगा दो चार क्लास के बाद में यहां वहां से प्रैक्टिकल लाइफ के जो वीडियोस हैं शूट करके लाऊंगा और यहां आपके आपको वो पेश किए जाएंगे देखो बेटा यहां यहां पर ऐसे ऐसे होता है और फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और इसमें से जो सी जी एस टी है वो रिटेन किया जाएगा बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एस जी एस टी है उसे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी आपका एस जी एस टी टू हरियाणा गवर्मेंट ऐसे करके हम तो हरियाणा गवर्नमेंट ऐसे करके बोल दिया जाएगा अब देखो जो मैंने यहां पर किया है उसकी सारी थ्योरी इधर लिखी हुई है इंटर स्टेट सप्लाई वेयर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई फॉल अंडर टू डिफरेंट स्टेट यूटीज या स्टेट कंट्रीज देन सप्लाई विल बी इंटर स्टेट एंड आई जी एस टी वुड बी लेवीड अब समझ में गई ना कि आईजीएसटी की हकीकत क्या है जो शायद आपको पहली बार समझ में आई होगी ईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना अलग अलग फंड बने हुए हैं आप ध्यान दीजिएगा एक आईजीएसटी फंड है गवर्नमेंट के पास में एक सी फंड भी है जो आईजीएसटी फंड है वह एक टेम्परे गुल्लक है पैसा जब आपका जाएगा आईजीएसटी फंड में जाकर टिकेगा लेकिन वहां उसमें से निकलेगा और निकल के बंटवारे हो जाएंगे सीजीएसटी वाला पोर्शन सीजीएसटी फंड में चला जाएगा जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपना गुल्लक मेंटेन करती है और एस वाला पोर्शन स्टेट के पास चला जाएगा जो भी डेस्टिनेशन स्टेट आपका बनता होगा तो ये जो आपका आईजीएसटी वाला है ये तो ऐसे मानो जैसे होटल की लॉबी में जाके बैठ गए जहां हमें रात भर नहीं रुकना है कुछ समय के लिए बैठना होता है बस तो ये होटल की लॉबी के समान है आईजीएसटी थी आपका ठीक है जी तो आईजीएसटी फंड में जाएगा फिर वहां से आगे इसके बंटवारे हो जाते हैं आगे बैलेंस पोर्शन जो है एस जीएसटी विल बी ट्रांसफर टू डेस्टिनेशन और कंज्यूमिंग स्टेट में, अब, की बात बीच में आ गई है, मैं आपको बताऊंगा बैलेंस पोर्शन जीएसटी टू यू टी ये फंडी जीएसटी की बात अभी होल्ड करना मैं बताऊंगा आपको आगे स्टेट वेयर ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई फॉल्स अंडर सेम स्टेट या यूटी देन सप्लाई विल बी स्टेट अगर वो दोनों एक ही स्टेट में फॉल कर रहे हैं तो वे इंट्रा स्टेट है और अकॉर्डिंगली सी जी एस टी एस जी एस टी लगाया जाता है इन वर्डिंग्स में कोई दिक्कत है आपको जी नहीं ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये आपकी लैंग्वेज बनाने के लिए थ्योरी लिखने की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी आपका जरूरी होता है डायग्राम के साथ साथ थ्योरी भी आपकी जरूरी होती है अब एक काम करते हैं प्रैक्टिस करके देखते हैं मैंने यहाँ पर खूब खेल खेला है आपके साथ कि यहां पर आकर मान लीजिए आपका जो गुड्स है महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई यहां से चल के ये आपका पहुंच जाता है यहां पर फिर यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां यूटी ये यहां से यहां अंडमान निकोबार यूएसए अमरीका पूरे वर्ल्ड में घुमा दूं तो आपको बताना पड़ेगा ट्रांजेक्शन इंट्रा है कि इंटर है इंटर है तो किस किस में बंटवारा होगा टैक्स लगेगा नहीं लगेगा एंड ऑल क्या आप प्रैक्टिस के लिए रेडी प्रैक्टिस यूटी का कॉन्सेप्ट और बता दूं क्योंकि तो बीच में यूटी जीएसटी भी यहां पर निकलकर आएगा ठीक है या देखते हैं जहां तक नहीं आ रहा है वहां तक चलते हैं फिर बीच में यूटी का डिस्कशन ले लेंगे आपसे हम ये आपका कि स्टार्ट पॉइंट यहां से हो रहे हैं फटाफट जवाब दीजिएगा देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले सही जवाब देगा जो सही जवाब ज्यादा देगा दस रुपए का पेटीएम उसके लिए सुमित सर अगर मल्टीपल सर अगर मल्टीपल एंड डेस्टिनेशन हो तो किस स्टेट को एस जी जाएगा फॉर एग्जाम्पल एलिमिटेड प्रोमिस टू क्लीन ऑफिस ऑफ बी लिमिटेड बी लिमिटेड फोर ऑफिस यूपी कलकत्ता दिल्ली बिहार सो सी जी एस टी गो टू सीजीएसटी एंड एस जी एस टी टू विच स्टेट अच्छा जी बच्चा क्या कह रहा है वैसे जो बच्चे ने क्वेरी पूछी है इसका सोल्यूशन दे रखा है आपके प्लेस ऑफ सप्लाई नाम का चैप्टर आता है उसमें आई जी एस टी रूल टू थाउजेंड सेवेंटीन करके आते हैं उसमें आपका आता है रूल नंबर थ्री वहां पर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको करने के लिए फिलहाल इसका आंसर मैं कर देता हूं बच्चा क्या बोला जी कि देखो जी ये तो है सप्लायर यूपी में ठीक है और ये है रेसिपिएंट लेकिन रेसिपियंट की अपनी चार लोकेशन है उसकी लोकेशन यूपी में भी है एक लोकेशन हरियाणा में भी है और एक लोकेशन उसकी पंजाब में भी है तीन मान लो ऐसे तीन लोकेशन है और तीनों में वो अपनी इक्वली सर्विस दे रहा है यहां भी दी यहां भी दी यहां भी दी और पूरा कंसिड्रेशन लिया इन्होंने यहां पर एक लाख रुपए का इज इट फाइन अब बताओ साहब अठारह परसेंट का जीएसटी बनता कुल टोटल जीएसटी बनेगा अठारह हजार रुपए इस एटीन थाउजेंड का बंटवारा कैसे कैसे करवाया जाएगा बांट के बताओ इसका बंटवारा कैसे कैसे किया जाएगा देखो साहब जब जब जीएसटी की बात होगी इसमें से आपका सीधा आधा तो एक तरफ निकाल दो ये क्या है आपका सीजीएसटी, बिल्कुल ठीक बात बाकी आधा क्या है नौ हजार आपका एस जीएसटी में ये आ जाता है अब एस जीएसटी में आपका ये आ गया है तो अब बताइए इसमें बंटवारा कर दीजिए किसका हिस्सा कितना यहां पर बनाया जाएगा बताइए कितना बनेगा हिस्सा <coughs> हिस्सा कितना बनेगा जी इसमें सर जो हिस्से हैं आपके वो बन जाएंगे भाई तीन स्टेट में डेस्टिनेशन गया है तो अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो सप्लाई गुड्स की या सर्विस की करी गई है क्या तीनों में इक्वली करी गई है या किसी एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में करी गई है अगर इक्वली करी गई है तो तीन हजार तीन हजार और तीन हजार वेरी सिंपल वेरी सिंपल आई होप बात समझ में आ गई होगी ठीक है तो सिंपल फंडा मेरा अभी भी वही है क्वेश्चन बदला लेकिन कंसेप्ट मेरा अभी भी वही है कि आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और बाकी आधा एक या मल्टीपल स्टेट एज द केस मे बी डेस्टिनेशन पर एक है तो एक को और दस है तो दस स्टेट में बंटवारा कर दिया जाएगा और बंटवारा करने के लिए उनके बीच में जो प्रपोशन है उसी को वहां पर बेस बनाया जाएगा राइट ओके सर जी ठीक है मालिक तो आप इसको हम क्वेश्चन को यहां से डिलीट मार देते हैं हमारे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए आप पहली ट्रांजैक्शन हो रही है महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के लिए बताइए फटाफट से ये ट्रांजैक्शन कैसी है इंट्रा है कि इंटर है इंट्रा ट्रांजैक्शन क्या लगेगा सी जी एस टी एंड बोलते रहो फटाफट सी जी एस टी एंड सारे बोलेंगे लिखेंगे भी सारे के सारे लगेगा इसमें एक सी जी एस टी लगेगा और एस जी एस टी मत बोला करो स्टेट के नाम के साथ बोला करो मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली एस एसजीएसटी नाम को कोई टैक्स है ही नहीं एस तो हम सबके लिए कॉमन में लगा देते हैं एस में तो नाम आएगा ना पर्टिकुलर स्टेट का कि महाराष्ट्र जीएसटी दिल्ली जीएसटी गुजरात जीएसटी राजस्थान जीएसटी ऐसे आएगा नाम शॉर्ट नाम दे रखे एमएच आरजे राजस्थान यूपी डीएल ऐसे करके शॉर्ट नाम आते डीएल जीएसटी जी जे गुजरात जीएसटी एमएच जीएसटी ऐसे करके ठीक है तो महाराष्ट्र जीएसटी सीजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट विच विल बी क्रेडिट टू सीजीएसटी फंड एंड एस जस्ट जो है आपका वो uh, पेबल हो जाएगा टू द uh, uh, mm -hmm. uh, महाराष्ट्र गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड विच विल बी क्रिएक्टेड बाई द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन uh, द महाराष्ट्र सी जी एस महाराष्ट्र एस जीएसटी फंड महाराष्ट्र से यूपी ट्रांजेक्शन कैसी है इंट्रा या इंटर इंटर क्योंकि बीच में आ गया बॉर्डर ऐसे चटपटे बनना है जैसे जो स्किल्ड ड्राइवर होता है ना गाड़ी चलाने वाला वो एक उंगली से गाड़ी नचा देता है वो बनना है आपने हाँ जी तो ट्रांजेक्शन मनी आपकी इंटरस्टेट आई जीएसटी लगेगा आईजीएसटी पेबल टू हो and... किसको जाएगा Central. नहीं नहीं आसेसी किसको पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा बस इसका रोल खत्म अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी लिफाफे को खोलेगी अपना शेयर अपने सी जी एस टी फंड में चला जाएगा और बाकी जो एजस्ट शेयर है वो डेस्टिनेशन स्टेट जो बढ़ता था जो कंज्यूमिंग स्टेट थी उसके यहां ट्रांसफर करवा दिया जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे चलो साहब आगे है आपका यूपी से अब जा रहा है दमन दमन क्या है आपका यूटी दमन है यूटी दमन है आपका यूनियन टेरिटरी बताइए आई जीएसटी लगेगा या सीजीएसटी क्या लगेगा जी <coughs> क्या बीच में बॉर्डर है ट्रांजैक्शन कैसे पहले बताओ इंट्रा की इंटर, इंटर।, इंटर। क्योंकि बीच में बॉर्डर है एक स्टेट और एक यूटी के बीच का बॉर्डर है तो ट्रांजेक्शन बनेगी आपकी इंटरस्टेट और ये बन जाएगा आपका आईजीएसटी आईजीएसटी का जब लिफाफा खुलेगा तो क्या मिलेगा आधा सीजीएसटी तो वो तो सीजीएसटी फंड में आपका ट्रांसफर हो जाएगा बाकी आधा क्या बोला जाएगा बाकी आधे पे अधिकार किसका है दमन. दमन का दमन क्या है यूटी है, यूटी है. यूटी तो यहां पर एस एसजीएसटी बुलाऊं कि यूटी यूटीजीएसटी बुलाऊ यूटीजीएसटी यहां पर क्या बुलाया जाना चाहिए यूटी यूटीजीएसटी क्योंकि वो यूटी का हिस्सा है कंज्यूमिंग में यूनियन टेरिटरी है तो यहां पर आईजीएसटी का मतलब हो गया सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी क्योंकि जैसा स्टेट था वैसी यूटी है तो यूटीजीएसटी आ जाएगा अच्छा यूटी को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है तो यूटी जीएसटी वाले पैसे के लिए सरकार को अलग से गुल्लक बना के रखनी चाहिए गुल्लक के मान लो तीन बड़े बड़े ड्रम है सर गुल्लक से क्या काम चलेगा बड़े बड़े ड्रम है सरकार के पास तीन एक ड्रम है आई जीएसटी फंड का बड़ा सा है लेकिन ये टेम्परेरी है पैसा आता है और बट जाता है इसमें से निकल के ठीक है एक सीजीएसटी फंड है एक है इनके पास में यूटी जीएसटी फंड क्या है रे यूटी जीएसटी फंड कि यूटी का जो पैसा आएगा यूटी जीएसटी फंड में डाला जाएगा और फिर वहीं से उसको खर्च करवा दिया जाएगा यूटी जीएसटी फंड एक बनाए या यूटीवाइज बनाए ज्यादा बेहतर क्या यूटी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है तो सारी यूटीज के लिए अलग अलग बनाए या एक बनाए गवर्नमेंट ने कहा यार सारे को तुमने कंट्रोल करना है अगर पांच गांवों का राजा एक ही है यार एक ही बना लो यार क्या दिक्कत है मेरा पैसा पांच जगह खर्च होता है तो पांच अलग अलग जगह थोड़ा रखूंगा यार इकट्ठा रख लो यार मुझे पता कहां कितना खर्च करना है तो एक है तो सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए चूंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटर एक ही है सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए उनका एक्ट भी एक है और उनका फंड भी एक ही है यूटी जीएसटी में दमन ओम का नाम नहीं आएगा यूटी जीएसटी आएगा बस और वो यूटी जीएसटी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा चलो ठीक है दमन टू चंडीगढ़ चंडीगढ़ क्या यूटी चंडीगढ़ यूटी चंडीगढ़ क्या है यूटी है वेरी गुड दमन टू चंडीगढ़ जब आपका गुड्स जा रहा है तो ये ट्रांजेक्शन कैसी है इंटरस्टेट या इंट्रस्टेट? इंट्रस्टेट। है जी इंट्रस्टेट है इंट्रस्टेट है. इंट्रस्टेट है तो में लिफाफा बनेगा हाँ. लिफाफे को जब खोलेंगे तो क्या निकलेगा आधा अमाउंट भाई पहले तो इ... हाँ. आईजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा पे कर दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को आईजीएसटी के ड्रम में डाल देगी वहां से जब लिफाफा खुलेगा तो आधा पैसा कहां जाएगा सीजीएसटी फंड में बाकी आधा पैसा कहां जाएगा यूटी जी एस टी जाएगा क्योंकि सामने भी यूटी ही है यह दो बी दो यूटीज के बीच की कहानी थी दो यूटीज के बीच का बॉर्डर था इसलिए ट्रांजैक्शन आपके इंटरस्टेट यहां पर बन जाती है चंडीगढ़ से माल जा रहा है दिल्ली चंडीगढ़ से माल जा रहा है दिल्ली अब बताइए हाँ जी इंटरस्टेट इंटरस्टेट दिल्ली क्या यूटी या स्टेट यूटी यूटी कितनी बताना जरा गिनवाना मुझे यूटी भाई यूटी गिन यूटी गिनवा रहे यूटी एक तो हो गई दिल्ली चंडीगढ़ दो दिल्ली चंडीगढ़ दमन लक्षदीप अंडमान निकोबार सात होती है हम याद पढ़ा हाँ हम पढ़ा था हमने बचपन में सात थी हाँ पढ़ा हमने पाण्डिचेरी हो गई और बताए सर पहले क्वेश्चन था की अलग अलग लोकेशन है अगर इसमें स्टेट की जगह यूटी आ जाए तो क्या अरे रहे रहे तो जा, हाँ वो वो कोई दिक्कत नहीं वो ही बटेगा बटके पहुंचेगा एक जगह ही लेकिन पैसा वो यूटी वाला ना मोक्ष पैसा एक ही जगह पहुंचना लेकिन वो अंडमान पौंडिचेरी ठीक दादर आ जिसको जो याद आ रहा है एक काम करें यहां थोड़ा पॉज देते हैं क्योंकि बात दिल्ली की आ गई बात दिल्ली तक पहुंच गई ठीक है ना तो बात अब बड़ी हो गई है यहां देते हैं पॉज थोड़ा सा और एक काम करते हैं स्टडी करते हैं कि क्या यूटी है और क्या वो है बुक शानदार है कि नहीं पहले ये बताओ जहां जैसे जरूरत पड़ेगी वहीं आपको चीज मिलेगी यहां आपको जरूरत पड़ेगी यार यूटी क्या होती है यहीं मिलेगी आपको यूटी तो जब आप छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर जी ने आपको पढ़ाई थी सात यूनियन टेरिटरी बिल्कुल सही पढ़ाई थी लेकिन लेकिन सी में आकर उस सात यूनियन टेरिटरीज़ में एक फिल्टर लग गया उसको एक फिल्टर से और गुजरना पड़ा फिल्टर यह लगा कि ठीक ओके सेवन यूनियन टेरिटरीज़ हैं लेकिन लेकिन इसमें से पांच तो ऐसी हैं जिन पर हंड्रेड परसेंट सरकार का कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है हंड्रेड परसेंट कंट्रोल है पांच के ऊपर और दो ऐसी, है, दिल्ली और दो ऐसी हैं दिल्ली और पांडिचेरी दो ऐसी यूनियन हैं दिल्ली और पांडिचेरी जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं है अब दिल्ली है तो यूनियन टेरिटरी लेकिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली क्यों चला रहे हैं फिर फिर तो मोदी जी को दिल्ली चलानी चाहिए बताइए जैसे अंडमान निकोबार हो गया लक्षद्वीप हो गया सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। जो है वो रन करते उसको जो एल यानी है यूटी का राजा बना देते हैं कि भाई इस यूटी को आप संभालो तो दिल्ली को एलजी क्यों नहीं संभाल रहे गवर्नर क्यों नहीं संभाल रहे संभाल रहे हैं मिलके संभाल रहे हैं केजरीवाल साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एल हैं कभी कभी देखा होगा दोनों में भड़ंत भी सुनने में आती है ना कि एल और केजरीवाल साहब में कुछ भड़ंत हो गई आपस में सुना आपने झगड़ा होता है ये ये दोनों मिलकर संभाल रहे हैं इन्हें बोलते हैं मिक्स यूटी क्या मिक्स यूटी जैसे कि दिल्ली की अगर बात करते हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो किसके पास में है अस्पताल वगैरह ये सब दिल्ली सरकार के पास में केजरीवाल साहब के पास में है जो स्कूल है एजुकेशन डिपार्टमेंट वो भी इनके हाथ में ही है पुलिस डिपार्टमेंट किसके हाथ में दिल्ली पुलिस उसी कंट्रोल में है सेंट्रल गवर्नमेंट के में या फिर मोदी जी का कहना मानती है केजरीवाल साहब का मानती है पता आपको नहीं पता हम बताते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में है दिल्ली पुलिस केजरीवाल साहब की नहीं सुनती है मोदी जी के कंट्रोल में है। <laughs> तो यहां पर क्या होता है कि डिपार्टमेंट बट जाते हैं पावर्स बट जाती हैं मिक्स यूटी के अंदर कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ पावर स्टेट के हाथ में होती है उन मिक्स यूटीज के अंदर अपनी असेंबली होती है अपना सीएम चुना जाता है पौंडिचेर के भी अपने सीएम है ऐसे ही अपनी विधानसभा होती है टेक्निकली इसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर क्या बोल रहे यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर ये टेक्निकल नेम है विद लेजिस्लेचर मतलब अपना लेजिस्लेशन है अपनी असेंबली है अपना सीएम है ऐसे करके बोलते हैं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैंने आपकी बात को ही रखा लेकिन एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर दिए पांच हो गई प्योर यूटी और दो हो गई आपकी ये मिक्स यूटी अब जब आप स्कूल में थे उसके बाद दो घटनाएं और घटित हो गई हैं शायद आपको पता नहीं होगा मैं आपको बताता हूं एक हुआ है मर्जर और एक हुआ है डी मर्जर मन तो ऐसा करता यार लंच तक तुम्हें तो पढ़ाता रहूं मैं है ना मेरा तो मन नहीं भरता तुम्हारा भर जाता है क्या हाँ कि यहां पर आकर इसमें बोला कि भाई एक हुआ है मर्जर एक हुआ है डी मर्जर पहले क्या हुआ पहले हुआ था यहां पर डी मर्जर डी मर्जर आर्टिकल 370 याद है ना जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पहले प्योर स्टेट था क्या था रे प्योर स्टेट था फिर सरकार ने उसे बना दिया यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 370 हटा दिया और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया लेकिन उन्होंने प्योर यूटी नहीं बनाया उसको दो हिस्सों में बांटा जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस हटाकर दो हिस्सों में बांटा लद्दाख वाला जो एरिया है ये ये देखिए जम्मू कश्मीर का नक्शा है बुक में दे रखा है मैंने। ये जो आपको दिख रहा है ये लद्दाख वाला एरिया बड़ा एरिया लद्दाख वाला ठीक है ये तो बनाई सरकार ने प्योर यूटी प्योर यूटी का मतलब कि हंड्रेड परसेंट कंट्रोल्ड बाई कौन सेंट्रल गवर्नमेंट और जो रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर है इसको बना दिया इन्होंने यहां पर मिक्स यूटी ये कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और कुछ पावर स्टेट के हाथ में है जैसे दिल्ली पाण्डिचेरी उसी पैटर्न पर आपका ये वाला वाला येलो पोर्शन इन्होंने बना दिया है तो जम्मू कश्मीर के दो तरह की यूटी है ये अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो ये यूटी है और ये है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर क्या है रे यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर ये वाला हिस्सा एक बात पूछूं आर्टिकल 370, 370 सुन रखा ना आप लोगों ने आर्टिकल 370 हटने से पहले ये सब एक ही था इस पूरे को बुलाते थे, थे जम्मू एंड कश्मीर तो जब लद्दाख से माल यहां आता होगा तो इंट्रा ट्रांजैक्शन होती होगी या इंटर आवाज नहीं आ रही? इंट्रा। इंट्रा? इंट्रा? पक्का ठीक है जब यहां से यहां जाता होगा तब भी इंट्रा लेकिन अब अब इन्होंने एक को बना दिया प्योरिटी लद्दाख यूटी है और ये आपका मिक्स यूटी जम्मू कश्मीर दो अलग अलग यूटी हो गई अगर आज इसके बीच में मूवमेंट होता है जम्मू कश्मीर से जम्मू से माल लद्दाख जा रहा है क्या लगेगा आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी आईजीएसटी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन आपके बना दी जाएगी ठीक तो इस घटना से हुआ ये कि जो स्टेट अच्छा ट्वेंटी नाइन स्टेट थे पता है आपको सात यूनिट टेरिटरी थी और ट्वेंटी नाइन ओरिजिनली स्टेट अपने हुआ करते थे बिल्कुल ठीक है जी तो ये आर्टिकल 370 हटने से इफेक्ट क्या पड़ा मैथमेटिकली स्टेट की संख्या एक कम हो गई प्योर यूटी की संख्या एक बढ़ गई और मिक्स यूटी की भी संख्या एक बढ़ गई तो यहां से डी मर्जर से ये तो हो गया माइनस वन स्टेट की संख्या एक कम हुई है एक मिक्स यूटी यहां पर आकर बढ़ गई है और एक आपकी प्योर यूटी लद्दाख यहां पर आकर बढ़ गई है तो कुल मिलाकर अब ये हो गए छह ये हो गए तीन ऐसे करके अब ये तो था डी मर्जर एक हुआ इसके बाद फिर मर्जर मर्जर किसका हुआ और क्यों हुआ हर चीज के पीछे क्यों लगाना सीख जाओ यार समय थोड़ा लगता है मैं मानता हूं लेकिन चीज बड़ी गहराई से समझ में आती है और ये सी है फाउंडेशन क्वालिफाई करना मतलब ठीक है सी इंस्टीट्यूट ने कहा कि यस यू आर एलिजिबल टू डू सी आप सी कर सकते हो ये फाउंडेशन क्वालीफाई करने का मतलब कि आप सी कर सकते हो आप एलिजिबल हो यू आर सीरियस समथिंग अबाउट लेकिन असल सीए तो आपकी अब शुरू हुई है तो यहां पर कह रहे हैं भाई ये जो मर्जर हुआ ये हुआ आप देखिए जरा ध्यान से गुजरात के नीचे दिख रही है आपको ये दो यूनियन टेरिटरी आपको इकट्ठी दिख रही होंगी अगर देख पा रहे हैं तो कौन कौन सी दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली ये बिल्कुल पास पास छोटी छोटी चुन्नू मुन्नू सी दो यूनियन टेरिटरी यहां अलग अलग थी और जब कोई चीज बहुत छोटी होती है तो ठीक से उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाते हैं अगर आपको सुई संभाल के रखनी होगी तो बड़ी केयर से रखनी पड़ेगी और खो ना जाए कहीं चाबी में चाबी का छल्ला क्यों डालते हो आप लोग ताकि खोना जाए तो खो खोना जाए इसे थोड़ा भारी किया और इन दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया ताकि इनका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो उसे तोड़ा जाता है और जब कोई छोटी होती है तो उसे जोड़ा जाता है यूपी बड़ा स्टेट है राजनीतिक एंगल से यूपी को चार हिस्सों में बांट देना चाहिए और जो छोटा स्टेट है छोटे छोटे दो अगर करीब करीब आ रहे हैं तो उनको मर्ज कर देना चाहिए तो यहां पर ये यह मर्जर हुआ इस मर्जर का इफेक्ट क्या पड़ा आप ये दोनों प्योर यूटीज थी अगर दो प्योर यूटी को मिक्स कर देंगे तो इफेक्ट ये आएगा कि आपकी जो यूटीज की संख्या है वो एक बोलो बोलो कम हो जाएगी दो यूटीज को जोड़ देंगे तो एक संख्या उनकी यहां पर कम हो जाएगी और वही यहां पर मालिक हुआ कि इस मर्जर मर्जर ऑफ टू प्योर यूटीज दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दू तो यहां से एक ये कम होगी तो फाइनली इसमें एक लद्दाख बढ़ी और मर्जर की वजह से घटी तो ये रह गई अपनी पांच यूनियन टेरिटरी यहां पे रह जाती है। कौन सी वाली प्योर वाली और जो मिक्स वाली वो कितनी हो गई आपकी मिक्स वाली यूटी हो गई आपकी तीन समझ में आ गई बात अब फाइनल पोजिशन क्या है स्टेट कितने बचे आपके 28 जो आपको याद रखना है फाइनली यहां तक कैसे पहुंचे आपके स्कूलिंग से लेकर अब तक वो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है 28 state, 28 प्योर प्योर स्टेट हैं हैं थ्री मिक्स यूटीज यूटीज और आपकी फाइव uh, अब कहानी शुरू होती है यहां से बवाल शुरू होता है अब अब तक तो संख्या की बात कर रहे थे अगर मान लीजिए ऐसा होता है एक ट्रांजेक्शन दिल्ली से दिल्ली में करवाई जा रही है मेरे बच्चा दिल्ली से दिल्ली में करवाई जा रही है अब मुझे आप ना मिलेगा खेलो जितना मर्जी खेलना। दो गलत जवाब तुम्हारा गलत जवाब सरमा थे मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जवाब जरूर देना है आपने हालांकि कहते हैं बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए जवाब दो तुम मुझे वैल्यू अगर एक लाख रुपए की है तो बताइए टैक्स कौन सा लगेगा इस पर जीएसटी है है तो इंट्रा है भाई दिल्ली से दिल्ली में बॉर्डर तो है नहीं ट्रांजैक्शन तो इंट्रा है तो मुझे भी पता है लगा दिया मैंने सीजीएसटी लगा दिया इस पर आ गया नौ हजार तो ही आ गया आई क्या लगाऊं प्लस प्लस क्या लगाऊं यूटी जीएसटी जी 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 लगा। या दिल्ली जीएसटी जी जी लगाऊं देखो मेरी बात समझना अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन दमन से दमन में होती है ठीक है कहाँ हो रही है दमन से दमन, 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 दमन में हो रही है यूटी टू यूटी हो रही है ठीक है वैल्यू आ गई एक लाख रुपए की इस पर आएगा एक तो अपना भाई आएगा भाई साहब सी आएगा नौ हजार रुपए का प्लस एस आएगा नौ हज़ार सॉरी सॉरी यू टी जी एक आएगा इस परूटी है ना तो ये प्योर यूटी के बीच में हुई है

अब यहां बताइए यहां पर क्या आएगा निकल के दिल्ली दिल्ली जो कि एक प्रकार की मिक्स यूटी की कैटेगरी में आती है मिक्स का मतलब हो गया इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक स्टेट के भी हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक इसमें यूटी के भी हैं केजरीवाल साहब अक्सर बोलते हैं कि इस बार हम दिल्ली को कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिलवा के रहेंगे जैसे ही कंप्लीट स्टेट का स्टेटस मिलेगा दिल्ली को दिल्ली पुलिस भी केजरीवाल साहब के कंट्रोल में आ जाएगी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगे लेकिन अभी मिली जुली बात हो रखी है है मिक्स यूटी है। अब दीजिए दीजिए अपना ओपिनियन बच्चा कह रहा है सर जी आ, आ, क्या बोलते हैं सर दस बजे छोड़ दिया करो हाँ बच्चा मैं दस बजे छोड़ दिया करूंगा लेकिन कभी कभी भावों में बह जाता हूं मैं दस पांच मिनट निकल जाते हैं तो उसके लिए सॉरी है दस बजे छोड़ दिया करूंगा वैसे मैं डोंट वरी टाइम टू टाइम रखेंगे सारी चीजें हम तो, अच्छा अगर मैं क्लास की टाइमिंग सेवन फिफ्टीन तो कोई दिक्कत सात पंद्रह रखू तो आपकी अगर कहोगे तो वरना मुझे कोई वो नहीं है सात पंद्रह अगर क्लास की टाइमिंग रखी जाए तो कहीं कोई, कोई समस्या तो नहीं है मुझे ये बताइए आप डॉट सेवन फिफ्टीन डॉट चलो आप, आप तो यहां पे बताओ क्या लिखूझ साहब क्या लिखोज इसमें मैं मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें दोनों है मिक्स में मतलब स्टेट भी आता है यूटी भी आती है तो फाइनली इसे क्या मानू अगर यूटी मानता हूं तो यूटीजीएसटी आ जाएगा स्टेट मानोगे तो एसजीएसटी आ जाएगा क्या माने जीएसटी तो वो फंड पैसा कहां जाएगा फिर वो मिक्स यूटीज मिक्स यूटीजीएसटी फंड फंड में जाएगा फिर वहां से बटेगा ना क्योंकि इस मिक्स जीएसटी में दोनों चीजें हैं मैथमेटिक्स स्लिप पर आ जाओ स्टेट भी है यूटी भी है सेंट्रल भी ये भी है, भी है तो दोनों बटे का प्रोफेसर हो ऐसे ऐसा क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा उससे कोई कह रहा है दिल्ली जीएसटी कोई कह रहा है यूटी जीएसटी एक काम करते हैं हम तो बचपन से यूटी पढ़ते हैं ना दिल्ली को यूटी मानते हैं हमने लगा दिया यूटी जीएसटी लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे जब आपको कोई चीज नजदीक से अच्छी लग रही हो ना तो थोड़ा आगे तक जाके देखो थोड़ा और आगे जाओ उसमें सर फूटेगा तो आप लौट के आ जाओगे ये पैसा किसको जाएगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट और ये पैसा किसको जाएगा यू टी जी एस का पैसा किसको जाता है यू टी का पैसा किसको जाता है मतलब ये भी मोदी जी ले गए तो दिल्ली में जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी सारा पैसा मोदी जी ले जाएंगे तो केजरीवाल साहब बोले भाई साहब ये सब मिले हुए हैं <laughs> हम क्या झकमानने को बैठे हैं ना पावर हमारे पास में दिल्ली पुलिस नहीं है ना पावर हमारे पास में ना पैसा हमारे पास में तो क्या सीएम का झकमारने के लिए बैठे हैं यहां पे क्या करेंगे हम खेस कहां से स्कूल एजुकेशन के लिए पैसा आएगा कहां से हेल्थ के लिए पैसा आएगा सरकार पैसा देगी ही नहीं ये सब मिले हुए हम इस्तीफा दे रहे हम जा रहे हैं ना पैसा ना पावर क्या बात कर सीएम डमी बन गए फिर तुम तो? अब बताइए क्या होना चाहिए कोई भी बात अब तुक्का थोड़े ना मारेंगे कि किसी ने का स्टेट मान लो किसी ने का यूटी मान लो हर चीज एक वैलिड प्रूफ के साथ होगी एक सपोर्ट के साथ में होगी क्या माना जाना चाहिए दिल्ली को स्टेट माना जाना चाहिए जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या फिर यूटी जीएसटी माना जाना चाहिए बताइए जवाब दीजिए आप मुझे सर जी इसको माना जाना चाहिए स्टेट सो so दैट रेवेन्यू केजरीवाल साहब के पास पहुंच सके इसलिए मिक्स यूटीज को बोला गया क्या बोला गया अरे इसको दर्जा दिया गया स्टेटस दिया गया जीएसटी की दुनिया में आकर कि भाई साहब फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी मानो ना मानो हम इसे स्टेट इस मानकर चलेंगे एक कंप्लीट स्टेट स्टेट के के तौर पर, के तौर पर पर मानकर चलेंगे अच्छा मान लेने से कोई अपना नहीं हो जाता कि हमने मान लिया तो हो गया ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन होती है अगर मान लेने से कोई अपना हो जाता तो ना जाने हम किस किस को अपना मान बैठते नहीं कि माना कि ये खरगोश है मानती तो है बस अब खरगोश थोड़ा बन गया ये डीमिंग फिक्शन लगा दिया गया मानना पड़ेगा आपको वैसे करके हमने कहा ठीक है जी मान लिया तो ये आ जाएगा अब यहां पर दिल्ली जीएसटी यहां आ जाएगा इसके लिए 9000 हजार यहां पर आएगा और ये पैसा चला जाएगा टू तो दिल्ली गवर्नमेंट को चला जाएगा आई होप बात समझ में आ गई होगी तो आपकी जितनी भी ये मिक्स यूटीज है ना मालिक इन सभी को स्टेटस दिया जाता है डीम्ड स्टेट का और इस पर यह लगाया जाएगा तो मुझे बताइए जीएसटी की नजरों में कितने स्टेट हो गए अट्ठाईस ये रहे तीन ये रहे कुल मिलाकर 31 स्टेट बोले जाएंगे इन द वर्ल्ड ऑफ जीएसटी 31 स्टेट और पांच हो गई आपकी यूनियन टेरिटरी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे आइए वापस लॉट के मालिक इसको मैं क्वेश्चन को पूरा कर लेता हूं उसके बाद छुट्टी है दूसरी क्लास कितने बजे होती है साढ़े चलो पांच मिनट दे दो बस मुझे टेन फिफ्टीन में फ्री कर दूंगा आपको ठीक है मेरे को खेलना ही नहीं है चीटिंग होगी अः किससे कह रहे हो मेरे को खेलना नहीं चीटिंग हो गई <laughs> मेरे को खेलना ही नहीं है <laughs> चंडीगढ़ से दिल्ली चंडीगढ़ से आ जाएगी यहाँ पर साहब दिल्ली आ गए जी <clears throat> और 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 अब बताओ ना क्या लगेगा इसमें चंडीगढ़ टू दिल्ली इंटरस्टेट की क्या है इंटरस्टेड ना इंटरेस्टेट में इंटर ही बोल रहा मैं भी इंटर स्टेट और इसमें लगेगा आईजीएसटी, आईएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा जाएगा सीएसटी में सीजीएसटी में और बाकी आधा कहा जाएगा रे? बाकी आधा एस दिल्ली जीएसटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ये पॉज यहां से अब हट जाता है दिल्ली से दिल्ली में गया बताइए क्या इंट्रा इंट्रा क्या क्या लगेगा सीजीएसटी एस एंड नाम से बोला करो दिल्ली जीएसटी दिल्ली जीएसटी वेरी गुड शाबाश शाबाश आगे है केजरीवाल <laughs> साहब के लिए बोल रहे थे कि हम नहीं खेल ले हम नहीं खेल ले <laughs> हम नहीं खेल ले <laughs> अब अब तो अब अब चीटिंग हो हो रही है दिल्ली जी गेस्ट सही ना तो खेलोगे आप समझ रहे हैं देखो ये तो समझ में आपको दो क्लास में आ गया होगा कि यार टैक्स रटने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है हर चीज का बेस है क्यों कैसे हम तो लॉ मेकर से तो रोज लड़ते हैं यहां पर आकर ना अपनी बात पूरी रखेंगे हम अपनी बात को शेयर रखेंगे हम ऊपर रखेंगे यार ऐसे होना चाहिए और ऐसे ही होगा दिल्ली से अंडमान अब आओ अब आएगा मजा भाई साहब दिल्ली से अंडमान दिल्ली से अंडमान हो गया इंटर इंटर है तो आईजीएसटी गया आईजीएसटी में आधा जब आईजीएसटी खाली होगा तो आधा सीजीएसटी में चला जाएगा और बाकी आधा यूटी में क्योंकि अंडमान एक प्योर यूटी है ग्रेट अच्छा जी अंडमान से अंडमाना इंट्रा हो गया आधा सीजीएसटी और सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी जीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सी फंड में जाएगा और आपका यूटीजीएसटी वो भी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि यूटीजीएसटी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा वेरी गुड अच्छा अंडमान से यूएसए बिना देखे बताना अंडमान से यूएसए ट्रांजैक्शन कैसी है इंट्रास्टेट या इंटर स्टेट इंटरनेशनल मत बोलना क्योंकि इंटरनेशनल को भी हम यहां पर क्या बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है Inter. Inter हाँ तो आई जी लगेगा किस किस में बटेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे और किस में जाएगा बाकी आधा मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आप डरा मत करो ज्यादा ज्यादा क्या होगा आगे दीवार मिलेगी सर फूटेगा लौट के आ जाओगे लौट के आओ ना सर फरवा के आओ ना चलो क्या दिक्कत है जहां पर चल सकते हो सर आईजीएसटी लगेगा आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा बाकी आधा डेस्टिनेशन में कौन है यूएसए विदेश में पो? उसको तो गया आधा पैसा क्या अरे डेस्टिनेशन प्रिंसिपल आ आगे अब आ रहे हैं अबू डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जीएसटी लगेगा ही नहीं क्योंकि डेस्टिनेशन कहां है अब्रॉड में है तो टैक्स कलेक्ट करने का कर राइट उस कंट्री स्टेट को होता है जहां पर गुड्स या सर्विस कंज्यूम किए जाते हैं तो यहां पर आपका टैक्स आएगा ही नहीं कैसी लगी नो जीएसटी बिकॉज डेस्टिनेशन आपका आउटसाइड इंडिया जा रहा है ओए होए अब घूम फिर के गुड्स अमेरिका से आ जाता है आपका फिर महाराष्ट्र में बिना देखे बताइए क्या होगा अमेरिका से फिर लौट के आ गया महाराष्ट्र के अंदर तो ट्रांजैक्शन कैसे इंटर या इंट्रा अच्छा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल से पूछ लो दिक्कत तो नहीं है नहीं क्योंकि कहां है इंडिया में है तो जीएसटी लगेगा तो यहां पर लगेगा आपका आई जीएसटी लगा दिया जाएगा जिसमें से आधा सीजीएसटी फंड में चला जाएगा और बाकी आधा कहां जाएगा रे महाराष्ट्र बाकी आधा कहां जाएगा महाराष्ट्र के अंदर ट्रांसफर करवा कर दिया तो जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे लेकिन चूंकि यहां पर ये इंपोर्ट हो रहा है तो आईजीएसटी के साथ साथ इस पर एक और टैक्स बढ़ जाएगा कौन सा इंपोर्ट ड्यूटी जो कस्टम लॉ में आती जो आप सी फाइनल में पढ़ेंगे तो एक और टैक्स इसके ऊपर एडिशनली बढ़ जाता है इंपोर्ट ड्यूटी किसमें पहले वाला मतलब महाराष्ट्र से यूएस भेजा कहा जाए अंडमान से अंडमान से यूएस ना ये इनिशियलाइट ट्रांजेक्शन ना तो अंडमान से यूएस जाएगा तो यूएस तो डेस्टिनेशन तो बाहर चला गया तो टैक्स की बात ही नहीं होगी वहां पर तो अंडमान से यूएस जा रहा है तो डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है ना तो हमारा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि टैक्स उस कंट्री को मिलेगा भाई साहब जहां पर कि वो कंज्यूम होगा तो अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो कंज्यूम वहां होगा तो वो देखें हमें यहां पर टैक्स कलेक्ट करने की कोई इजाजत नहीं है वेरी सिंपल हाँ, वहां से यहां आ रहा है तो कंजम्पन इंडिया में है नाउ वी हैव द राइट टू करेक्ट द टैक्स तो एक आईजीएसटी करेक्ट करेंगे और दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी यहां पे लगवा दी जाएगी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे तो ऐसे करके हमारी यहां पर आकर ये पूरा चक्र पूरा हो जाता है और आई होप कि आपको ये इंट्रा और इंटर ये चीज समझ में आ गई होगी तो क्या देख रहे थे दर्शन चल रहे थे जीएसटी के सामला सरोना से सा मेरा आ गया है कि जीएसटी गुड्स या सर्विस पे लगने वाला एक टैक्स है जिसके लिए सप्लाई होनी बहुत जरूरी होती है सप्लाई दो तरह की हो सकती है इंट्रा या इंटर इंट्रा है तो सी जी एस टी एस जी एस टी इंटर है तो आई जी एस टी की वहां पर बात करी जाती है आई जीएसटी में हम जब बात करते हैं तो आधा पैसा आई जीएसटी लिफाफे की तरह होता है बंद का सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंच जाता है आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा बाकी आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास या यूटी जीएसटी फंड में ट्रांसफर किया जाएगा एज द केस मे बी ठीक है जी सर इंपोर्ट का बता दो सर लास्ट पॉइंट नहीं आया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का चलो लास्ट पॉइंट को मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए मैं देख मेरे बच्चे अगर अंडमान से हम भेज रहे हैं यानी इंडिया से इंडिया के बाहर माल जा रहा है उसका कंज्यूमर कहां बैठा है इंडिया के बाहर बैठा है ठीक तो टैक्स कलेक्ट कौन करेगा वो करेंगे वो कंट्री वाले या हम करेंगे वो करेंगे ना क्योंकि तो डेस्टनेशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि टैक्स उस कंट्री या स्टेट को मिलता है जहां पर गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं हमारे यहां कंजम्पन है ही नहीं तो हम यहां पर टैक्स की बात करेंगे भी नहीं अच्छा चलो मान लो कर भी लिया तो तो सीजीएसटी फंड में ट्रांसफर करोगे बाकी आधा उनको दोगे मतलब इंडिया का टैक्स कलेक्ट करके उनको दोगे लो भैया तुम्हारी कलेक्ट कर दे दिया यूएसए वालों तुम टैक्स लो मार समझ मारी कुछ है? नहीं तो यहां से जब बाहर जाएगा माल तो हमें टैक्स की कोई बात नहीं करी जाएगी पहले बताओ पॉइंट क्लियर है दूसरा जब इंडिया के बाहर से इंडिया में आता है तो अभी कंजन प्लेस कहां है इंडिया, इंडिया में तो टैक्स इंडिया में लगाया जा सकता है हाँ तो इसमें आई लगेगा क्योंकि इंटरस्टेट है बॉर्डर पार हो रहा है। तो आई जी एस टी में सीजीएसटी वाला है, वो कहां जाएगा सी फंड में और बाकी जो अपना एसजीएसटी वाला पोर्शन है वो महाराष्ट्र इज द कंज्यूमिंग स्टेट तो बाकी आधा महाराष्ट्र स्टेट को यहां पर दे दिया जाएगा हाँ एक बात जरूर ऐड करी मैंने इसके अंदर क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है तो आईजीएसटी के साथ साथ एक इंपोर्ट ड्यूटी और लग जाती है इसके ऊपर जो कि आप फाइनल में जाके पढ़ोगे कस्टम लॉ के अंदर जाकर ठीक है बच्चा मुझे बता बात समझ, हाँ समझ में आ गई कि नहीं आ गई है हाँ जी बात समझ में आ गई है तो आज हमने बेसिक बेसिक सी बातें पढ़ी हैं यहां पर आकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस आप लिख के ही लाए थे और हमने यहां देखा कि वाई टैक्स इसमें बहुत समय हमने लगाया कि पहले मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे अभी सिंगल टैक्स कर दिया गया है अगर मैं आपसे पूछूं चार रीजन बताइए कि जीएसटी इंडिया में क्यों आया नंबर एक मल्टीपल टैक्स थे पुराने सिस्टम के अंदर मल्टीपल कंप्लाइंस हुआ करते थे कास्ट कडिंग हुआ करता था डबल टैक्सेशन हुआ करता था ये चार बुरी कमियां थी इन चारों कमियों को ओवरकम करते हुए हिंदुस्तान में जीएसटी लाया गया है और वैसे करके हमारी बात हुई एंड फिर हमने देखा कि जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी कथा आगे की तरफ बढ़ रही है और कल हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि हमारे जी में लॉ कितने बने हुए हैं पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ आई क्या होता है ये छोटी मोटी बातें हैं जिनकी हमें शुरू में ही जरूरत पड़ती है फिर से याद दिला दूं पहली पांच क्लास में राइटिंग वाइटिंग का चक्कर बिल्कुल मत डालना बाबू मेरे हम सिर्फ माइंड सेट कर रहे हैं अपना कंसेप्चुअली अपने आपको बिल्ड कर रहे हैं नींव रख रहे हैं सारी चीजें होंगी सही समय पर होंगी ठीक है तो थैंक यू सो मच बाय और टाटा <coughs> सर क्लास कब तक कंप्लीट हो जाएगी होगी कंप्लीट और क्या है क्लास कंप्लीट हो चुकी है आपकी और ऐसे करके है तो आपने मुझे बताया नहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना अगर मैं सेवन फिफ्टीन टाइम रख दूं तो सात पंद्रह अच्छा यहां से तो होगी ओके एक बार प्लीज मुझे बता दीजिएगा यूट्यूब में देख रहा हूं ये भी बता दे भाई मुझे जरा इंपोर्ट ड्यूटी कौन लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है बाबू मेरे चलो मेरी तरफ से क्लास ओवर हो चुकी है वैसे लेकिन जो बच्चे क्वेरी पूछना चाहते हैं वो क्वेरी पूछ सकते हैं क्लास ओवर हो चुकी है नाउ क्वेरी सेशन आपका अगर कुछ है तो बच्चा कह रहा है सात बजे ले लो सात बजे ठीक है सात बजे रखते हैं अभी हम आगे देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है सात बजे रखेंगे साहब क्लास कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो कोई दिक्कत थी नहीं वैसे सात बजे रखते हैं नो इश्यू नो इश्यू सेवन टू टेन अच्छा सर, <अगर> कोई <coughs> स्टेट प्रेसिडेंसी स्टेट प्रेसिडेंसी हो गया है तो उसका नहीं नहीं वो क्या होता है अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना वो टेंप्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए होता है टैक्स तो उसी <coughs> स्टेट को मिलेंगे ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएंगे वो सिर्फ राजा बदल जाता है चला ड्राइवर बदल जाता है बाकी खजाना तो वहीं पर जाएगा जहां जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मजा आया मजा आना बाबू बहुत जरूरी है मजा लेते रहिएगा और दिलवाते रहिएगा <coughs> तो मैं सच बता रहा हूं आपको अभी तो यार स्टार्टिंग वाली क्लासेस हैं मजा तो पांच क्लास के बाद शुरू होता है असल मजा जो होता है से हम भी रिलैक्स हो जाते हैं और आप भी रिलैक्स हो जाते हो फिर और बताइए सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा फोर्टी क्लासेस संडे छुट्टी होगी <coughs> संडे छुट्टी रहेगी बाकी आपकी सिक्स डेज क्लास होंगी और भगवान झूठ ना बुलाए ज्यादा बड़ी बात बोलते नहीं कृपा बनी रही तो हम कोई बीच में छुट्टी करने वाले नहीं हैं छह की छह दिन क्लास आपकी होंगी बाकी प्रभु की इच्छा है ठीक है जी एंड <coughs> तो आप चालीस क्लास काउंट कर लीजिएगा तो कहां आपकी कंप्लीट हो रही है देख लीजिएगा प्रभा सितंबर एंड आ जाएगा सर <coughs> थिंक नहीं दिख रहा क्या थिंक नहीं दिख रहा ठीक नहीं दिख रहा क्या अच्छा ऐसे करके अंडमान से यूएसए के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगनी चाहिए ना देखिए बाबू आप फंस रहे हैं सीए फाइनल के सिलेबस में पैर लगा रहे हैं आप उसमें फटे कस्टम ड्यूटी कस्टम लॉ सीए फाइनल में ये मैं तभी तो कह रहा हूं कि सीए इंटरमीडिएट स्पेशली जीएसटी पढ़ाने के लिए सीए इंटरमीडिएट का टीचर नहीं लगेगा सीए फाइनल का टीचर चाहिए दो तीन चैप्टर फाइनल के यहां पर आ गए हैं कस्टम की जरूरत पड़ती है पर इतना पढ़ाना तो इतनी पकड़ होनी चाहिए तब इतना पढ़ाया जा सकता है अब जवाब दो उसका मेरे मुन्ना एक्सपोर्ट ड्यूटी सिर्फ सिलेक्टेड आर्टिकल्स पे ही लगाई जाती है उन आर्टिकल्स पे जिनमें इंडिया रिच है जैसे कि लेदर आर्टिकल्स जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स है ना तो इस तरह की चीजों में जैसे कि आपका लाइक ये ग्रेनाइट हो गया इनमें हम रिच हैं रिच होने की वजह से हम इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते भी हैं तो भी यह बिकता है एक रीजन में और दे रहा हूं अगर बात क्वेरी की चल रही है तो सुनो जरा क्यों ऐसा करते हैं कि हम इंडिया से बाहर माल भेज रहे हैं तो इंडियन टैक्स का लोड क्यों नहीं आता डेस्टिनेशन प्रिंसिपल तो है ही है इसके साथ साथ अगर इंडियन टैक्स का लोड मान लीजिए हमने लगा दिया तो साइड इफेक्ट क्या आएगा यहां पर सौ रुपए का माल बीस रुपए का टैक्स हमने ठोक दिया कितना हो गया एक सौ बीस उनके यहां इंपोर्ट हुआ है कस्टम लॉ सबके लिए एक जैसा है वो इंपोर्ट ड्यूटी ठोकेंगे उसके ऊपर एक सौ बीस ये हो गया तीस रुपए माल उन्होंने ठोक दिए माल हो गया एक सौ पचास का जब 150 का माल हो जाएगा तो क्या इंटरनेशनल मंडी में हमारा इंडियन प्रोडक्ट कॉम्पीट कर पाएगा यस और नो जब हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग हाई होगी तो ऑब्वियसली बात उसकी डिमांड गिरेगी इंटरनेशनल मार्केट में जब इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी तो बताइए क्या हमारे पास फॉरेन करेंसी कम आएगी या नहीं आएगी एक्सपोर्ट कम होगा तो फॉरेन करेंसी हमारे पास कम आएगी हमारे पास विदेशी खजाना कम होगा हमारे पास बाहर का पैसा कम होगा अगर हमारे पास बाहर का पैसा कम होगा तो हम मजबूत होंगे कि कमजोर होंगे कमजोर होंगे हम हमारा रुपया कमजोर होगा और अगर हमारा रुपया कमजोर हुआ तो हमारी इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी और दो स्टेप आगे ले जाकर बताऊं अगर हमारा रुपया कमजोर हुआ तो अगर मान लीजिए कोई इंपोर्टर आदमी है सपोज करो आज एक डॉलर में सौ रुपया कल को हो जाए एक डॉलर में डेढ़ सौ रुपया सपोज कीजिए एक डॉलर में सौ रुपया तो जब हम कोई बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना भाई मेरे तो उसमें क्या होता है पेमेंट डॉलर में करनी होती है तो मान लो मैं कोई इंपोर्ट करता हूं एक हजार डॉलर का माल है तो उनका यहां तो एक हजार का ही है आज ले लो चाहे एक साल बाद ले लो लेकिन अगर फ्लक्चुएशन में कमजोर हो गया तो मुझे एक हजार डॉलर का मतलब हो गया एक हजार इंटू सौ की बात करें तो एक लाख हुआ तो पहले देने पड़ते एक लाख लेकिन अब मेरा रुपया कमजोर हो गया तो एक डॉलर मतलब डेढ़ सौ रुपए तो मुझे अब देने पड़ेंगे डेढ़ लाख अब डेढ़ लाख का मतलब होगा एक हजार डॉलर तो इससे हमें नुकसान होता है हमारी अर्थव्यवस्था और कमजोर होती है तो अगर हमें रुपए को मजबूत रखना है अपनी इकोनॉमी को मजबूत रखना है तो हमारे पास विदेशी धन का भंडार होना चाहिए विदेशी पैसा हमारे पास तब आता है जब हम ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हमारा ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट तब होगा जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता होगा हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता तब होगा जब उस पर हम इंडियन टैक्स का लोड हटा देंगे आई होप बात समझ में आ गई होगी तो दिस इज द रीजन कि हम उसपे इंडियन टैक्स का लोड नहीं डालते हाँ कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स पे जरूर हम डालते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी का लोड क्योंकि हमें पता है कि इन प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मंडी में धूम मचती है धूम चैनी खैनी भाई बिकेगा मतलब बिकेगा ही जो खाने वाला है ऐसे इंडियन ग्रेनाइट बिकेगा मतलब बिकेगा चार पैसे महंगा मिलेगा ना तब भी बिकेगा इंडियन लेदर चार पैसे महंगा है तब भी बिकेगा क्योंकि धूम है हमारी इन रिच है हम इनके अंदर हमारे यहां क्वालिटी का डंका बजता है इसलिए जहां पर भुना सकते हैं मौके को हम भुनाते हैं आपको समझ में आ गया क्या बोला भाई आपको समझ में आ गया बताइएगा प्लीज तो ऐसे करके हम इस सारी चीजों को जोड़ गांठ करने के बाद तब ये फैसला लेकर चलते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे करके यस सर एकदम ठीक बात है एंड uh, तो चलो मालिक फिर भी कोई क्वेरी बच जाती है तो नाइन एट वन डबल जीरो वन टू वन सिक्स वन मैं पल के बिछा कर तुम्हारा इंतजार करूंगा ठीक है बाय टाटा एंड लव यू टाइम कंफर्म कर दो सर जी टाइम ठीक है सा या सात कर देते तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाता यार आज तुम्हें तो पता आज मैंने बिना चाय पिए क्लास शुरू स्टार्ट करी थी अब मैं तुम्हारी तरफ तो हूं नहीं कि मैं उठूंगा साढ़े पांच बजे या छः बजे मैं उठता हूँ चार बजे चार बजे उठ के एक्सरसाइज वगैरह करके प्रॉपर तरीके से देन मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ अपनी में और तुम भी ये किया करो तो थोड़ा उसमें ये कभी कभी नाश्ता रह जाता है हमारा मॉर्निंग कोई बात नहीं चलो हम सात बजे शुरू करेंगे आगे आपकी मर्जी हुई तो हमें चाय पीने का मौका दे देना सवा सात बोल देना नहीं तो हम सात बजे शुरू करेंगे ठीक है जी कोई बात नहीं थैंक यू सो मच बाय टाटा एंड लव यू बाय 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 अभी सात बजे ही शुरू कर रहे हैं कल सात बजे ही हमारी क्लास है कल डिसाइड कर लेंगे क्या करना ठीक है बाय बाय अरे संदीप बंद करो भाई कैसे बंद करते हैं मुझे नहीं आता बंद करना